आज हम लोग सी ए फाइनल का पेपर टू या फिर सी एम ए फाइनल का पेपर फोटीन स्ट्रेटिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट जो है टाइम टू टाइम सिलेबस चेंज करते रहते हैं और उसके नेम चेंज करते रहते हैं बट अदरवाइज़ देखोगे तो एस एफ एम के अंदर जो इंटरनल कंटेंट जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा को कोई चेंजेज़ नहीं दिखेगा क्योंकि फाइनेंस जो है वो वही रहने वाला है वो नहीं चेंज होने वाला है तो जैसे अभी देखोगे जो ये टू थाउजेंड सेवनटीन सिलेबस जो चल रहा था सी ए फाइनल वालों का उन्होंने अपना नेम रखा था स्ट्रेटिजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब उन्होंने जो अभी प्रपोज सिलेबस जो किया है उनमें नाम बदल के कर दिया एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू थाउजेंड सेवनटीन सिलेबस में आई सी ए आई ने कैपिटल बजटिंग को रिमूव कर दिया था जिस कैपिटल बजटिंग को दोबारा इंस्टीट्यूट ने इंसर्ट किया है प्रपोज सिलेबस के अंदर और नाम चेंज कर दिया उनका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब सी एम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जो पहले की जो सिलेबस हुआ करते थे 2012 या 2016 सिलेबस उसमें उन्होंने नाम रखा था एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उनको अब चेंज करके नाम कर दिया है स्टेटिजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ठीक है नाम बदलते रहते हैं थोड़ा बहुत का उसमें कंटेंट अप डाउन कर देते हैं थोड़ा बहुत का उसमें स्टडी मैट में भी पैटर्न को चेंज कर देते हैं और बाकी सब कुछ सेम रहते हैं बाकी दूसरे चैप दूसरे पेपर की हम बात नहीं कर रहे हम अपने पेपर की बात कर रहे हैं अब इसमें अगर आप चेक करोगे तो जैसे सी एम इंस्टीट्यूट ने 2022 सिलेबस जो इन क्या कहते हैं उन्होंने जो ले के आए हैं उसमें देखना स्टडी मैट में कंटेंट्स वगैरह थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है पहले के स्टडी मटेरियल थोड़ा सा मुझे उतना अप्रोप्रिएट नहीं दिख रहा था इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली बनाया है और उसमें केस स्टडी भी इंट्रोड्यूस किया है एक चीज याद रखना उसमें हर एक चैप्टर में देखना एक सॉल्व केस स्टडी और एक अनसोल्व केस स्टडी डाला गया है उसको भी हम लोग देखेंगे वो सेपरेटली देख लेंगे सी वाले का भी स्टडी मैट नहीं आया है और उम्मीद यह है कि आपका नवंबर 2023 में अप्लाई भी हो जाएगा अगर मान लीजिए किसी रीजन से लेट होता है और नवंबर ट्वेंटी में अप्लाई नहीं होता है तो फिर वो आपका मई 2024 में चला जाएगा तो मैं आपको बता दूं ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको अगर नवंबर 2023 में अपियर हो या मई 2024 में अपियर हो आपको कहाँ पे डिफ्रेंसेज आएगा वो सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगा क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पर कहीं कोई चीज चेंजेज़ नहीं है मैं आपको अभी सिलेबस भी दिखाऊँगा ओके okay. तो चलिए आते हैं यहाँ पे अभी हम बात करते हैं पेपर टू जो कि सी ए फाइनल का है इसका नाम रख दिया है अब प्रपोज सिलेबस के अंदर एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद रखेंगे तो अभी मेरे माइंड में आपका जो प्रपोज सिलेबस है उसी के हिसाब से चल रहे हैं एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है, है? इसमें आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारा कुछ आपका सेम है ये जो आपका एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉरी कैपिटल वजिटिंग है ये इंट्रोड्यूस किया है जो कि पहले नहीं हुआ करता था मैं सी की बात कर रहा था ठीक है अब अगर मैं सी वाले की बात करूंगा अच्छा एक और भी बात हमारा ये जो लेक्चर है ये जो बैच है अभी ये कैप थ्री वालों के लिए भी एप्लीकेबल है आई कैन का चार्ट अकाउंट सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ नेपाल क्योंकि वो भी स्टूडेंट वगैरह कुछ होते हैं तो मैं आपको बता दूँ आपके स्टडी मैट में भी आपका जो कंटेंट एंड सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट आपका सेम है इवन आपका क्वेश्चन तक भी सेम है सब कुछ सेम है ऐसे समझ जाइए तो मैं आपको जहाँ कहीं भी कुछ डिफरेंसेज आएंगे तो क्लास के दौरान मैं आप लोग को बता दूंगा तो ये कैप थ्री वाले के लिए रेलिवेंट है सी फाइनल के जो 2022 का सिलेबस आया है उनके लिए ये आपका बैच रेलिवेंट है और उनके लिए तो स्टडी मैट भी आ गया है तो हमारे सामने तो स्टडी मैट भी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है स्टडी मैट को मैं जैसे जैसे हमें पढ़ते जाऊंगा तो उसको भी मैं आपको देखते जाऊंगा और कहीं पे कुछ इस तरीके का लगेगा कि हमें कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकली आप लोगों को अगर मेंशन करना है तो वो भी हम करते हुए चलेंगे ठीक है तो एक चीज़ याद रखेंगे कंटेंट सेम होने की वजह से सब लोगों को हम लोग स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स है उसमें कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है लास्ट में जाके थोड़ा बहुत का चेंजेज आएगा वो मैं आपको अभी यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ एक और भी बात अभी जो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ जो हम लोग इस बैच को जो पढ़ने पढ़ने का तरीका यह है मैं बता दूँ आपको कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट को लॉजिकली पढ़ते हैं और उसको हम पहले रफली एक्सप्लेन करते हैं मैं आपको बता दूं जो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है मैं कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो उसको पहले हम एक एग्जांपल के साथ रफली पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं पूरे कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि होता क्या है हम लिखते रहते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते रहते हैं तो वहाँ पर कंसनट्रेशन नहीं बनता है इसीलिए हम पहले कॉन्सेप्ट को रफ़ एग्जाम्पल के साथ रफली उसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोग भी मेरे इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे देन उसके बाद हम लोग नोटिंग कराते हैं और फिर दिन उसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं है। अब होता क्या है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके जब कॉन्सेप्ट को नोटिंग कराते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाते और स्टूडेंट को लगता है कि सर इतना टाइम हमारे पास नहीं है हमेशा कहते सर थोड़ा कम टाइम में हमें पढ़ना है अब कम टाइम में कैसे हो सकता है या तो हम कॉन्सेप्ट को स्किप करें वो तो पॉसिबल है नहीं या तो क्वेश्चन हम सॉल्व ना करें ये तो पॉसिबल है नहीं तो हमने सोचा कि चलो ठीक है कॉन्सेप्ट को नोटिंग करने का टाइम हम लोग सेव कर लेते हैं तो क्या करेंगे उसके लिए उसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट का जो ऑलरेडी प्रिंटेड जो वो है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जैसे ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है ठीक है ये आपका टू पेज की हैंड रिटन नोट्स होगी ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये जो है ये आपका 2000 पेज की हमारा प्रिंट आउट नोट्स है ये आपको जो हमने हाथ से लिखा हुआ है उसको हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो हम लोगों के इससे क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट को नोट नहीं करना पड़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा हम लोग हर चीज़ों को लॉजिकली समझते चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट नोट करने का टाइम जो है ना हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा ओके okay. जैसे ये जो भी चीज है इवन इसमें ही नोटिंग नहीं होगा यानी कि हम कह सकते हैं का बना बनाया आपके सामने रजिस्टर्ड आ जाएगा 2000 पेज का ठीक है और वही आपके लिए रजिस्टर्ड है उसी से आपको पढ़ना है हाँ क्वेश्चन जब हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे तो उसको हम अलग से दूसरे रजिस्टर में फेयरली सॉल्व कर लेंगे ओके तो उससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा आई वापस अब हम आते हैं कि हम कौन से चैप्टर किस तरीके से किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते जो नॉर्मली लोगों को बुखार आ जाते हैं सुनते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट चैप्टर सर पहले ही क्यों पढ़ा रहे पहले ही डरा रहे हो ऐसा नहीं है देखो जो चीज़ हमें आता है वो आसान है जो चीज़ हमें नहीं आता है वो डिफ़िकल्ट है डिफ़िकल्ट और आसान का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है जो मुझे लगता है मैं बता दूँ स्टार्टिंग में आप लोग की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा रहता है आप लोग की आ, क्या कहते हैं कॉन्टीन्यूटी रहता है घर पर जाकर रिविज़न करने का मूड करता है तो क्या होता है एक थोड़ा सा जो कह सकते हैं अब एवरेज वाले जो चैप्टर हैं हम ये नहीं कह रहे कि बहुत आसान है लेकिन आसान तो हो जाता है आप देखोगे तो हाँ तो उस चीज़ों को हम स्टार्टिंग में अगर अटेंशन के साथ पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है वो आसान हो जाता है तो हम सोचते हैं कि जब तक आप लोगों को मूड होगा थोड़ा सा थकान महसूस होगा उससे पहले हमारा फ़ॉरन एक्सचेंज खत्म हो जाएंगे इसमें हमारा नंबर फिफ्टी डेज हम इसको अप्रॉक्सीमेटली फ़िफ्टीन डेज इसमें जाएगा ओके okay. फिर हम लोग पढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों जो है ना ये बेस है ऐसे समझ जाओ जैसे देखते हो कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो ज़मीन के अंदर बहुत सारे मटेरियल डाला जाता है कुछ लोगों का मानना होता है ज़मीन के अंदर इतना मटेरियल हम क्यों डाल रहे हैं ये तो सारे वेस्टेज है वेस्टेज कुछ नहीं वो फाउंडेशन बना रहे हैं जितना अंदर ज़मीन के अंदर जितना हम लोग मटेरियल डालेंगे ना वो बिल्डिंग उतना मजबूत होता है उतना बड़े अर्थक्वेक को भी झेल सकता है एग्जैक्टली exactly वही चीज़ है कि हम लोग टाइम वैल्यू और स्टॉक एक्सचेंज जो पढ़ते हैं ना इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में लेकिन इसके बिना आगे, आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे मैं आपको बता दूँ सिक्योरिटी वैल्यूएशन कैपिटल वेस्टिंग लीजिंग डिसीजन मर्जर एंड क्वेश्चन और बिजनेस वैल्यूएशन ये जितने भी है ये सारे आपका टाइम वैल्यू से लिंक है जाए मर्जर में नहीं आता टाइम वैल्यू खास करके मैंने मर्जर यूज कर दिया सिक्योरिटी वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन कैपिटल वेस्टिंग लीजिंग डिसीजन इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ये पांच चैप्टर जो है ना ये कंप्लीटली टाइम वैल्यू है और लाइफ में आपको टाइम वैल्यू इसके बाद कोई नहीं बताएगा और मैं आपको बता दूँ अभी हमारा तीन लेक्चर्स में से एक लेक्चर तो चला जाता है कैलकुलेटर यूज़ पे क्योंकि हम कैलकुलेटर को अगर सही तरीके से यूज़ करें तो एग्ज़ाम में हम अप्रॉक्सीमेटली टेन मिनट्स सेव से कर सकते हैं और आप देखिएगा कैलकुलेटर में ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया फ़ीचर्स हैं जिसको हमने आज तक कभी नोटिस ही नहीं किया उसको हम अगर यूज़ करना शुरू करें तो हम बहुत अच्छे से टाइम सेव कर लेते हैं और एक और भी तरीका होता है मेरे पढ़ाने के स्टाइल में कि मैं कभी भी फार्मूला पे ध्यान नहीं देता और फार्मूला का मार्क्स भी नहीं मिलते आज के डेट पे आप देखोगे मैं जब आगे आएंगे तो सर्टिफाइड कॉपी वगैरह दिखाऊँगा फार्मूला लिखा होता है उससे मार्क्स नहीं मिलते आपका रिजल्ट सही होना चाहिए यानी कि फार्मूला यूज़ करके जो आपका रिज़ल्ट आ रहे आंसर आ रहे वो अगर परफेक्ट है सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है तो हम लोग क्या करते कोई फार्मूला नहीं पढ़ते कैलकुलेटर को इफेक्टिवली यूज़ करते हम सारे के सारे कैलकुलेशंस कर लेते हैं इवन आप लोगों को पता है आप लोगों ने बचपन में कभी कभी पढ़ा होगा पी जीरो इजिकल टू डी वन डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी आपको पता है ये कुछ नहीं है इसको आप एज ए फार्मूला पढ़ते हो ये फार्मूला नहीं है ये है आपका टाइम वैल्यू ग्रोइंग परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू अब इस तरीके के फार्मूलाज वगैरह को पढ़ने के लिए हम एक्सल सीट वगैरह को यूज़ करके हम इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं और यही जो है हमारे क्लास की खासियत है और आज के डेट पर तो आप देखते हो जितने भी स्टूडेंट उसमें से नाइन्टी स्टूडेंट जो होते हैं नाइन्टी तो मैंने कम बोल दिया नाइन्टी स्टूडेंट हमारे पास वही होते सिर्फ रेफरेंस वाले होते क्योंकि हमारे को लोगों के जैसे फेक एडवर्टीजमेंट नहीं करने होता है अपना ही दो सौ आई बना देगा फेक और ख़ुद ही क्वेश्चन पूछेगा और ख़ुद ही अपना फीडबैक देता रहेगा और अगर आपने कहीं सही फीडबैक दिया तो हो गलत वो क्या करेंगे डिलीट भी कर देंगे ऐसे हमारे साथ नहीं होता है और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी हो चलो आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा हाँ स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज कुछ लोगों का ये मानना होता है कि सर हम स्टॉक एक्सचेंज नहीं पढ़ेंगे हमारे पास टाइम नहीं है हमारे तो एग्जामिनेशन सामने सर पर है तो हम इस पर क्यों हम जाएँ हमें जुआ नहीं खेलना है जो ये समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज हुआ है वो नासमझ है वो अनपढ़ है ऐसे समझ आइए हम हर चीज़ों का एक पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट होता है स्टॉक एक्सचेंज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट है आप हमेशा उसको निगेटिवली मत देखिएगा है ना उसमें बहुत सारे अच्छाई भी है और मैं आपको बता दूँ म्यूचुअल फंड हो गए डेरिवेटिव हो गए आगे आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ऊपर आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन है सबको अगर दिल से समझना है ना तो वो दिल से तभी समझ सकते हो जब स्टॉक एक्सचेंज का आपको ऑपरेशन पता हो स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है उसमें कैसे टर्म्स यूज होता है इसमें कैसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रेड कैसे करते हैं मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि आप मार्केट में ट्रेड करो लेकिन हाँ मैं जो ट्रेड करके दिखाऊंगा एटलीस्ट स्क्रीन पे जो दिखेगा जो स्क्रीन पे मान लीजिए हम डेलीविटी पढ़े फ्यूचर पढ़े फ्यूचर में एक बार ट्रेड करके अब आप तो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि एक फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए वन लाख की आपको मार्जिन की ज़रूरत पड़ेंगी बट हाँ हम जो आपको ट्रेड करके दिखाएंगे तो उससे आपको क्या होगा आपको ध्यान में आपको क्या कहते हैं समझ ज़्यादा से आएगा क्योंकि जब किसी चीज़ को विजुअली हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे तो दिमाग में जाकर सेट हो जाते हैं और यही खासियत है हमारे क्लास की कि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं हमारे आसपास इसको प्रैक्टिकली हम इस चीज़ों को लिंक करते चलते कहीं ना कहीं हमारे लिंक होते हैं जैसे हम चलेंगे अब क्या कहते हैं सिक्योरिटी वैल्यूशन में जाएंगे अब शेयर का वैल्यूसन करेंगे अब उसको समझने से पहले इसमें कुछ रेशियो वगैरह यूज होते हैं हम जाएंगे अलग अलग कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे और उसके हम लोग रेशियो चेक करेंगे और फिर हम जो पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में मैच करेंगे कि अच्छा चलो ठीक है जी जब इस कंपनी में डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो देखना जिसमें डेट इक्विटी रेशियो ज़्यादा होता है और उसमें अगर जो रिटर्न हमारा ज़्यादा होता है तो फिर इक्विटी का रिटर्न ज्यादा हो जाएगा डेट का डेट आने की वजह से बहुत बार डेट आने की वजह से लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सारा चीज़ हम लिंकेज करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के और यही जो है हमारे क्लासेस की एक ब्यूटी है जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं हमेशा एक चीज कहते हैं कि सर सिफ़म में डर तो नहीं होता नाइन्टी नाइन परसेंट एक ही चीज़ कहते हैं सर हम पास होंगे नहीं होंगे वो तो डिपेंड करता है हमने कितना रिवीजन किया है लेकिन अंदर से एक जो खौफ जो होता है ना सिफ़ एम का वो ख़त्म हो गया वो रीज़न यही है क्योंकि हमारे जो पढ़ाने के स्टाइल में सिर्फ थेरी आता ही नहीं है दोनों चीज़ पैरल चलता है इसीलिए कोई ये कहता है कि हम ये नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत सोच रहे हो बहुत बार क्या होता है रिकॉर्डेड बैच देखने वाले स्टूडेंट के साथ बड़ी दिक्कत है वो खुद डिसाइड कर रहा होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो क्या करेगा पता है पहले शुरू करेगा टाइम वैल्यू सर ये बेसिक ये पहले करेंगे फॉरन एक्सचेंज छोड़ देंगे पहले ही मैं बता दूँ आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच भी जो देखेंगे वो आप इसी इसी सीक्वेंस में क्लास देखोगे जिस सीक्वेंस में आपको दिया जाएगा जिसमें हम लोग क्लास में जिस जिस ऑर्डर में क्लास में पढ़ेंगे उसी ऑर्डर में आप लोग वीडियो भी देखोगे और ये चीज याद रखिएगा और स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आप डिसाइड नहीं करोगे हम डिसाइड करेंगे हाँ आपको ट्रेड नहीं करना ये मैंने बोला है लेकिन जो चीज मैं बताऊंगा आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड फिर डेरिवेटिव डेरिवेटिव में हमारा आता है यूनिट तीन है इसमें एक फ्यूचर है ऑप्शन है ऑप्शन में कॉल पुट आता है और करेंसी ऑप्शन करेंसी फ्यूचर है खास करके यूनिट थ्री जो है ना ये अलग से नया कुछ भी नहीं है जो आप फ्यूचर और ऑप्शन जो पढ़ते हैं ना उसमें अगर फॉरन एक्सचेंज को लिंक कर दिया जाए इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो जो बनता है कुछ क्वेश्चन वो आता है करेंसी ऑप्शन और करेंसी फ्यूचर का और ये क्वेश्चन जो होता है थोड़ा एडवांस लेवल की होती है ठीक है तो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें भी हमारा वन लेक्चर आ जाएगा यानी कि डेरिवेटिव में हमारा टोटल नाइनटीन लेक्चर जाएंगे म्यूचुअल फंड में दो लेक्चर ये अप्रॉक्सीमेट याद रखिएगा इसमें थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है ठीक है चलिए वापस आते हैं उसके बाद हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लोगों का मानना ही है स्टैटिस्टिक्स है और मैं आपको बता दूं ये ऐसा एक चैप्टर है जिससे इस बार दोनों जो जनवरी 2023 में सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो एस एफ एम का पेपर लिया उसमें देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली थर्टी एट मार्क्स का क्वेश्चन डाला गया पोर्टफोलियो से और जो नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में सी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा उसमें भी जहाँ भी जाके उठा के देखते सारा का सारा पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली थर्टी मार्क्स से ऊपर का आपका सिर्फ कहाँ से आया पोर्टफोलियो से ठीक थी, है अब ऐसे होते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ना पोर्टफोलियो डेरिवेटिव और फॉरेन एक्सचेंज ये जो तीनों चैप्टर है ये एक तरीके से देखा जाए तो आपके पूरे सिलेबस का 65 फाइव परसेंट है सिक्सटी फाइव परसेंट ये सिर्फ तीन ही चैप्टर है कुछ स्टूडेंट आते हैं कहते हैं सर हमें सब कुछ आता है फॉरेक्स डेरीवेटिव पोर्टफोलियो में दिक्कत है हम कहते हैं आपका फिफ्टी से ज़्यादा सिलेबस में ही आपको दिक्कत है ओके क्योंकि उसके बाद तो बचता है सिर्फ टाइम वैल्यू है ना चलो वापस आते हैं हम लोग सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर बॉन्ड वैल्यूएशन शेयर वैल्यूएशन और मनी मार्केट एक और भी बात बता दूं जो सी एम ए इंस्टीट्यूट ने जो 2022 सिलेबस जो आपका लेके आया है उसके अंदर मैं पहले बताऊं जो आपका टू थाउजेंड सिलेबस के अंदर ये सी एम इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है इसमें देखोगे तो ये जो है ना मेरे साथ बड़ी दिक्कत होता था ये पहले 2016 सिलेबस में नहीं हुआ करता था इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इवेलुएसन ऑफ परफॉर्मेंस ये जो है ना इक्विटी का और बॉन्ड का वैल्यूएशन जो है ना ये पहले नहीं पढ़ने को बोलता था क्वेश्चन आने की वजह से बच्चे छोड़ देते थे बट मुझे फिर भी मजबूरन ज़बरदस्ती आपको पढ़वाना पड़ता था क्योंकि इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना तो कैपिटल बजटिंग में आपको दिक्कतें आएंगे वो समझ नहीं आएगा अब कैपिटल बजटिंग तो पढ़ना है अब ये सब पढ़ने के लिए इसको पढ़ने के लिए लिजिंग डिस्टेंस को पढ़ने के लिए इसकी जो बेसिक्स है ना वो आना चाहिए था तो पहले नहीं था तो मेरे साथ दिक्कत होती थी अब कोई दिक्कत नहीं है अब इंस्टीट्यूट ने बोलता है कि नहीं इक्विटियन बॉन्ड का वैल्यूएशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा तो ठीक है अब पढ़ना पड़ेगा तो ठीक है अच्छी बात है तो ये आपको आ गया हाँ जी बॉन्ड का वैल्यूएशन और सिक्योरिटी वैल्यूएशन शेयर वैल्यूएशन ये आपको पढ़ना है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये बहुत आसान है देखा जाए तो अलग से कुछ होता ही नहीं है कुछ नहीं भी रहते स्टडी मैट में तब भी क्वेश्चन आ जाया करते हैं बहुत आसान सा तरीका है जैसे ट्रेजरी बिल या फिर आपका कमर्शियल पेपर इन सारा चीज़ों का जो वैल्यूएशन है वो सारा चीज़ आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है इसमें भी एक लेक्चर आ जाएगा तो मोटा मोटा देखोगे आप तो फोर्टीन लेक्चर जो है आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी जाएगा लेकिन हाँ मैंने स्टडी मैट देखा है सी एम ए वाले के लिए तो उसमें थोड़ा सा इसमें जो है ना उतना डेफ्थ नहीं है स्टडी मैट के अंदर जितना हम यहाँ पढ़ाते हैं तो हो सकता है मैं आपको जब क्लासेस के दौरान जब हम स्टडी मैट को कंपैरिजन करेंगे और हम अपने जो कंटेंट है उसको कंपैरिजन करेंगे अगर मुझे लगेगा कि आपके स्टडी मैट में कम है तो सी एम वाले कुछ पोर्शन इसका छोड़ सकते हो जो कि हम बाद में आपको क्लास के दौरान बता देंगे ठीक है ओके फिर इसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पांच लेक्चर जाएंगे ये दोनों को पढ़ना है ये प्योर एडवांस लेवल ऑफ टाइम वैल्यू है याद रखिएगा फिर मर्जर एंड एक्विशन बिजनेस वैल्यूएशन ये जो है ना दो चैप्टर सी एम ए के स्टडी मैट में मुझे नहीं दिखा है तो सी एम ए के स्टूडेंट जो होते हैं ना ये चार लेक्चर सेव कर सकते हो आप लोग ठीक है ओके फिर सिक्योरिटी एनालिसिस इसमें खास करके स्टॉक मार्केट का ही एक्सटेंशन है चार्ट एनालिसिस है टेक्निकल एनालिसिस है मूविंग एवरेज हो गई या फिर आपका फेवोना फिर की रिट्रीटमेंट हो गई या फिर आपका कैंडल स्टिक चार्ट कैसे काम करते हो जो चार्ट एनालिसिस है ना मार्केट की वो आपका सिक्योरिटी एनालिसिस है तो ये आपको सबको पढ़ना है इसमें हम लोग वन लेक्चर देंगे या हो सकता है दो लेक्चर भी चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम स्टॉक एक्सचेंज पढ़े रहेंगे तो बस मुझे थोड़ा थोड़ा क्योंकि इसका सारा बेसिक्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका रहूँगा सिर्फ यहाँ पे नोटिंग करके समराइज़ करना होगा एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर एडवांस्ड कैपिटल वजटिंग बोलते हैं अब देखो ध्यान से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये सीएमए वाले को तो पढ़ना ही था सी ए वाले को भी अब नया जो प्रपोज सिलेबस है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वाले उसमें एडवांस्ड कैपिटल वजटिंग करके उन्होंने प्रपोज सिलेबस में डाला है ठीक है तो वो जो आपका प्रपोज सिलेबस में जो ये डाला है ना एडवांस्ड कैपिटल वजटिंग तो ये पहले हटा दिया गया था ये हमें करना पड़ेगा ठीक है तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है तो वो आपका दोनों को पढ़ना है लीजिंग डिसीजन अभी सी वाले के प्रोपोज सिलेबस के अंदर हमें नहीं दिखा है वैसे कैपिटल वजिटिंग का ही थोड़ा सा पार्ट है जो कि दो लेक्चर लगता है तो फिलहाल हम ये जूम करके चलते हैं कि सी वाले को नहीं पढ़ना होगा ओके एक और भी बात अगर मान लीजिए पोस्टपोन्ड हो जाता है 2023 में किसी को अगर अपीयर होना होगा तो मैं आपको जब यहाँ तक पहुंचेंगे तब तक तो सारा पिक्चर क्लियर हो चुका रहेगा ना यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत तो टाइम है तो तब वहां पे आपको पिक्चर क्लियर कर देंगे किस तरीके का सिचुएशन है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ओके फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये मैंने सीएमए वाले को जो अभी स्टडी मैट इशू किया है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वाले उसमें मैंने देखा है सीएमए इंस्टीट्यूट ने इस पर ना क्वेश्चन कहीं डाला है या ना है ये खास करके कैपिटल कपटोल का ही पार्ट है इसमें फॉरेन एक्सचेंज और कैपिटल वजटिंग को जब मिक्स करते हैं तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है जो मुझे नहीं दिखा अभी फिलहाल के लिए तो हम यज्यूम कर सकते हैं अपेरेंटली जब हम देखेंगे और डिटेल में क्योंकि स्टडी मैट का एक एक पेज तो हम अभी नहीं पढ़ पाए हैं जब पढ़ेंगे तो आपको जब समझ आएगा तो हम बता देंगे कि ये दो लेक्चर हो सकता है सी वाले सेव कर सकते हैं ये अगर टोटल काउंट करोगे तो 87 लेक्चर जाएंगे हम मोटा मोटा कह सकते हैं थ्री मंथ आपका चला जाएगा है ना तो ये बात जो है आपका अभी जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल जो भी है आपका मार्च अप्रैल मिड तक मेरे हिसाब से जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मिड तक जो है बैच होगा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए हो जाएगा इससे ज़्यादा का आपका लेक्चर नहीं जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट नोटिंग का जो टाइम सेव होते हैं ना उसमें से मैंने मैक्सिमम करके दिया इससे कम ही लगेगा इससे ज़्यादा नहीं लगेगा ठीक है टाइम के लेके मैं बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ कि सर आप ज़्यादा टाइम लगा देते हो क्या होता है कि देखो लॉजिकली जब किसी चीज़ों को हमें पढ़ना है तो टाइम ज़रूर लगते हैं है ना चलिए और यही रीज़न है कि आप देखते होंगे जब भी जब भी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट डाला जाता है या क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट जो होते हैं हमारे ही होते हैं कभी भी आप देख लेना पीछे जब आशिक आचार्य ने ऑल इंडिया हाईएस्ट लाया हुआ है उस अटैम्प नाइन्टी वन मार्क्स उस अटैम्प में जाके आप चेक करिएगा क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिफिकेशन था तो हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे इस बार भी देखिए इस बार वैसे पेपर तो नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का आसान था आसान पेपर थे ठीक है लेकिन देखना उसमें दो तीन जो पोर्टफोलियो के क्वेश्चन थे वो यूनिक यूनिक डाल थे नया नया फ्रेम किया था जबकि था आसान लेकिन फ्रेम किया था नया देखो इस बार फिर से आप देखना नाइन्टी वन मार्क्स जो हमारे स्टूडेंट का आया दीपित ग का वो सबसे हाईएस्ट है अभी तक किसी का है नहीं ये दूसरी बात है कि लोगों की आज के डेट पे फेक एडवर्टीजमेंट करने की दिखावा करने की ज़्यादा ज़रूरत है तो देख रहा था कि कुछ लोग जो होते हैं वो इस इनको भी अपना स्टूडेंट बना के अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर रहा था आप क्या कर सकते हैं ऐसे ही है चलो वापस आते हैं अच्छा जैसे अभी देखना ये जो आपका इससे पीछे का अटेम्प्ट कौन सी हुआ था आपका जून 2022 का सी का पेपर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट था देखना 74 मार्क्स ही है स्टूडेंट का लेकिन वो ऑल इंडिया हाईएस्ट है आप लोगों को जो क्या कहते हैं शुभम वर्मा जिसको नानक चंद अवार्ड से भी अवार्ड दिया गया है उनको पीछे देखोगे एक बार 2018 में 33 मार्क्स का क्वेश्चन मिस्टेक था ओल्ड सिलेबस वाले में उस अटैम्प्ट में 85 मार्क्स आए थे हमारे स्टूडेंट का वो ऑल इंडिया हाईएस्ट था तो वही चीज़ है हमेशा एक चीज याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट होता है डिफिकल्ट आता है तो उस टाइम सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हमारा ही होता है इस बार देखिए 91 जो आया हुआ है वो आपका हाईएस्ट ही होगा इससे ज़्यादा तो अभी तक किसी का दिखा नहीं है चलो वापस आते थेरी की बात करते हैं देखो सी एम ए वाले के लिए सी एम ए वाले के लिए थेरी जो है अब तक हम लोग उसको इग्नोर इसलिए करते चल रहे हैं क्योंकि क्या होता है एक क्वेश्चन के अंदर 16 मार्क्स का सारा का सारा थियरी एक ही क्वेश्चन में डाला जाता है और बच्चे क्या करते हैं तो उसको चॉइस में चले जाता है तो क्यों इतना एफर्ट लगाना जब हमारे पास उसको चॉइस का ऑप्शन बनता है और बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक क्वेश्चन का और चॉइस मिलते हैं यानी कि सी वाले को टोटल दो क्वेश्चन का चॉइस मिलता है थियरी नहीं भी पढ़ के जाएगा और कुछ सिलेबस नहीं भी आएगा तभी वो हंड्रेड मार्क्स सॉल्व कर लेगा लेकिन सी वाले के लिए थियरी पढ़ना मजबूरी हो जाता है क्योंकि उनके क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर थियरी इंसर्ट करते जाते हैं हर एक क्वेश्चन में चार चार मार्क्स का थियरी होता है तो उसका मजबूरी है तो उनको हमने करा भी रखा है पहले से सारे यूट्यूब पे आपका पढ़ा हुआ भी इसका वीडियो फिर भी अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो हम पढ़ा देंगे कोई इशू नहीं है हाँ इस बार मैंने सोचा है कि हो सकता है जो न्यू को न्यू सिलेबस जो 2022 इंट्रोड्यूस किया है सी एम इंस्टीट्यूट ने हो सकता है इसमें क्वेश्चन की पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करें जैसे मैंने आपको बताया था केस स्टडी भी स्टडी मैट के अंदर डाला हुआ है उन्होंने और एम तो है ही एम तो हम आपको कराते ही है एम सी यू मतलब बुक देते हैं अभी तक अलग से कराया है, नहीं है अगर पढ़ना चाहेंगे तो हम अलग से एक दो लेक्चर कवर करेंगे तो आपका हो जाएगा वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार कि कॉन्टिन्यूस क्लास के दौरान ही कुछ एम सी क्यू जगैरह को हम लोग डिस्कसन करेंगे ताकि उसमें आप लोगों का एक जनरल नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमारा जो एम सी क्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो हम कवर कर पा रहे या नहीं कर पा रहे चलो वापस आते सिक्योरिटाइजेशन सी ए को भी है सी एम ए वाले को भी पढ़ना है रिस्क मैनेजमेंट सी ए को भी पढ़ना है रिस्क मैनेजमेंट सी एम ए वाले को भी पढ़ना है मैं आपको बता दो थे वाले पोर्सन इसको अलग करा देंगे इसको आपको अलग करा देंगे खास करके ये दो चैप्टर तो सेम है तो चलो दोनों तो साथ में बैठ के कर सकते हो लेकिन ये फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है सी एम ए वाले के स्टडी मैट में नहीं है तो वो सिर्फ सी ए वाले को पढ़ना है स्टार्टअप फाइनेंस सी एम ए वाले की बुक में नहीं है हाँ सी एम ए के स्टडी मैट में एक नया चीज़ दिख रहा है हमें डिजिटल फाइनेंस तो उसको हम लोग कवर करेंगे ठीक है तो ये रहा थियरी की बात या लास्ट में होगी उसको हम लोग वहाँ पे देख लेंगे खास करके मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि थियरी एग्जामिनेशन से पहले पढ़ना होता है तो मैं ऐसे ही आपको यूट्यूब पर डाल देता ताकि बार बार भी आप देखोगे कहीं पर ट्रेवलिंग करें वहाँ देख लो एग्जाम से पहले देख लो कहीं तीन चार बार देखेंगे तो याद हो जाता है क्योंकि याद करने की चीज़ होता है इसलिए यूट्यूब पर ही डाल देते हैं हम लोग ठीक है तो इसको भी कवर कर लेंगे इस बार नए तरीके से अब हम आगे आते हैं स्टडी मटेरियल वगैरह का कि हम क्लास में कौन कौन सी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे और कौन कौन सी मटेरियल वगैरह हम लोग रेफर करेंगे तो देखिए एक सबसे पहले हम आपको देते हैं क्वेश्चन बुक ये हमारा क्वेश्चन बुक होता है इस क्वेश्चन बुक के अंदर सिर्फ क्वेश्चन कौन कौन सी क्वेश्चन कवर करते हैं हम लोग ये देखिए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल वो हम कवर करते हैं पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन आर टी पी एम टी पी दोनों सी ए का और सी एम ए का आपको मिलेंगे और दोनों का रेफरेंस भी मिलेगा जैसे आप किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप जाते हो जैसे हम यहाँ पे चले गए ये आपका हमारा स्टडी मटेरियल है तो सर ये क्वेश्चन बुक है इस क्वेश्चन बुक में देखिएगा ये आपका एम टी पी टू दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मे टू थाउजेंड एटीन का ये जितने ये जो रेफरेंस आपको दिख रहे हैं ये आपका सी ए इंस्टीट्यूट का है उसी के नीचे अगर रेफरेंस दिया गया होगा तो सी एम इंस्टीट्यूट का होगा जैसे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है जैसे ये वाले हैं ये क्वेश्चन जो है ये सी एम इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है नाइनटीन पॉइंट टू तो यहाँ पे नीचे का रेफरेंस है जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह है उसमें आपको दोनों का सी इंस्टीट्यूट और सी एम इंस्टीट्यूट दोनों का रेफरेंस होते हैं दोनों एक ही दोनों जुड़वा भाई ऐसी संभला सेम ही क्वेश्चन ये भी पूछते हैं वो भी पूछते हैं तो वहाँ पर आपको दोनों का रेफरेंस आपको नजर आ जाएगा जैसे ये क्वेश्चन हो गई क्वेश्चन नंबर टू का एफ है देखो ये जितने भी रेफरेंस है ना ये सी इंस्टीट्यूट का है ये रेफरेंस जो आपको नीचे दिख रहा है वो सी एम इंस्टीट्यूट का है ठीक है तो दोनों का जो हमारा है वो रेफरेंस के हमारे यहाँ पे दिख जाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आर सेग्रीगेटेड इन टू टू कैटेगरीज एंड अरेंज बाई टॉपिक्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखो होता क्या है एग्जाम से पहले जो होते हैं ना क्वेश्चन अगर अगर टॉपिक वाइज अरेंज्ड नहीं है तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है जैसे मैं आपको बताऊँ मैं अपने टाइम पे मुझे याद आता था क्योंकि हमारे क्वेश्चन अरेंज नहीं होते थे हंड्रेड क्वेश्चन है फॉरन एक्सचेंज के अंदर मुझे याद आता था इस वेरायटी का एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम था मुझे उसको रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले अब जाते थे बुक के अंदर ढूंढते थे सर्च करते थे वो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है अब क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि हंड्रेड क्वेश्चन है अब उतने क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन मिल नहीं पाता था तो मैंने उसी टाइम मैंने सोचा था कि अगर ऐसा होता कि हमारे स्टडी मैट हमारे बुक के अंदर टॉपिक वाइज देखो इस सिमिलर टॉपिक के अंदर इतने सारे क्वेश्चन सब एक जगह रख दिया जाए टॉपिक वाइज अरेंज होता तो कितना अच्छा होता तो यही चीज़ हमने किया था हम अभी जो अपने आप को जो बुक दे रहे हैं उस बुक के अंदर हम आपको सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं टॉपिक वाइज अरेंज करते हैं जैसे मान लीजिए हम तीसरी कोई टॉपिक है इसमें हम ऐसे करते हैं मान लीजिए कोई ये टॉपिक आ गया हमारा ये देखो आ, ये हो गया कुछ मनी मार्केट हेज एंड फॉरवर्ड हेज यानी कि ये इस तरीके का मनी मार्केट हेज और फॉरवर्ड हेज का जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे यहां पर हैं टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया और इसमें भी दो कैटेगरी रखा है हमने फाइव का ए फाइव बी फाइव सी है ना फाइव डी फाइव ई फाइव एफ हो गया यानी कि ये ए बी सी डी सीरीज जो है ये हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे ओके और जो ये टेस्ट नॉलेज का फाइव पॉइंट वन 5.2 ये सीरीज जो है ये आपका होमवर्क रहेगा तो वही हमने यहाँ पे बोला है कि देखो हमारे कैटेगरी है दो कैटेगरी में डिवाइडेड है एक क्लासवर्क एक होमवर्क और होमवर्क वाले जो कैटेगरी है उसके लिए हम आपको इस ये बुक देते हैं सॉल्यूशन बुक आपको प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग क्लास वाले सीरीज है ध्यान से सुनेंगे क्लास वाले जो सीरीज है ये वाले जो सीरीज है ये जैसे क्वेश्चन नंबर फाइव का एफ हो गई फाइव का ये ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्लास में हम सॉल्व करेंगे जैसे ये फाइव का डी की बात करूँ ये स्टडी मैट में है सी ए वाले का और ये सी एम ए के जून टू थाउजेंड सिक्स के एग्जाम में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन तो ठीक है ये क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करेंगे ये आपको इसके सारे सॉल्यूशन हम लोगों का ये जो हैंड रिटन नोट्स इसमें मिलेंगे वैसे हमें क्लास में बैठ के सॉल्व भी करेंगे इसमें हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है टाइम सेव करने के लिए क्योंकि होता क्या है अब अल्टीमेट रजिस्टर तो आपका ये बना हुआ मिलेगा आपको तो आप मुझे बताइए अब फिर बट क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे ऑडिट करेंगे तो मार्क्स थोड़ा तो ना मिलना है तो क्लास में तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये लोग हम लोग बैठ के सॉल्व भी करेंगे हमारे पास सोलूसन होते हुए भी इसको सॉल्व करेंगे ठीक है अब ये जो टॉपिक ये जो सॉल्व नहीं होगा ना फाइव पॉइंट ये सब जो आपका सॉल्व नहीं होगा इसके लिए हम आपको सोलूसन बुक देते हैं ठीक है ये जो हमारा बुक है ये आपका सॉल्यूशन बुक है जिसमें क्लास में सॉल्व नहीं हो रखा है ओके चलो वापस आए तो यही हमने बोला है कि आपको एक सॉल्यूशन बुक मिलेंगे फॉर होमवर्क सीरीज क्वेश्चन और हैंड रिटन नोट्स हो गए क्लास नोट से जो कि आपको अप्रोसीमेटली टू थाउजेंड पेजेज का है ये ब्लैक एंड वाइट होगी जो हमारा ये बुक क्वेश्चन बुक है वो कलर है ठीक है ये जो हैंड रिटन नोट्स है ब्लैक एंड वाइट होगी सॉल्यूशन बुक आपका ये ब्लैक एंड वाइट होती है हमारा सॉल्यूशन बुक जो है ये भी हमारा ब्लैक एंड वाइट है और समरी जो रिवीजन है ना ये हमारा क्या कहते हैं कलर बुक है ये कलर बुक है ओके हो गए चलिए वापस आते हैं अच्छा एक और भी चीज कुछ लिखा हुआ है हमने यहां पर सीएम के स्टडी मैट में याद रखिएगा सीएम स्टडी मटेरियल कंटेन्स केस स्टडी आल्सो व्हिच विल बी कवर्ड सेपरेटली हम उसको सेपरेटली कवर कर लेंगे या देख लेते हैं लास्ट में जब हमारा हर एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एक बार उस केस स्टडी को देख लेंगे अगर वो अच्छे केस स्टडी है तो ऐसा नहीं है कि सी वाले पढ़ लेंगे तो कुछ बुरा ही है वैसे अभी स्टडी मैट नहीं आया है क्या पता सी वाले का भी स्टडी मैट है उसके भी अंदर भी केस स्टडीज होगा अगर केस स्टडी होंगे तो उसको हम अलग से कवर करना पड़ेगा तो हो सकता है नंबर ऑफ लेक्चर थोड़ा बहुत आपका इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग केस स्टडी को कवर नहीं करते वापस आइए तो अभी कॉन्सेप्ट समरी बुक ये कॉन्सेप्ट समरी बुक भी आपको एक मिलेंगे ये खास करके रिवीजन से पहले बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होते ये इतना बढ़िया से बुक डिज़ाइन किया गया है ना आप जाके एक बार चेक करोगे इंडस्ट्री में आपको इस तरीके का बुक कहीं नहीं मिलेगा इवन आप जो हमने और ये जिसने रिवीजन वीडियो जो अगर आपके यूट्यूब पे देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि कितना बढ़िया से हमने इसको प्रेजेंट किया हुआ है हर चीज़ों को कुछ भी छुड़ा हुआ नहीं किसी भी चीज़ों को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया हुआ है तो ये आपको रिविज़न के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ठीक है तो ये हम लोग आपको कॉन्सेप्ट का समरी बुक देंगे थियोरी बुक भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन थियोरी बुक जो होगा ना सी वालों के लिए और सी वाले के लिए आपको अलग से मिलेंगे है ना सीए वाले का ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है अब वो स्टडी मार्ट आते हैं तो अभी तक तो चैप्टर तो वही रखा है तो होप फुली इसके कंटेंट भी सेम रहेंगे तो उसको बदलने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेंगे हाँ अगर उसके अंदर के कंटेंट चेंज होगा तो उसको हम लोग देखेंगे तो सी वाले को अलग स्टडी मैट थियरी बुक देंगे और सी वाले को अलग देंगे और सी वाले के लिए एक्सक्लूसिवी एम बुक भी मिलते हैं अब देखते हैं अगर प्रपोज सिलेबस सी वाले का वो भी अगर एम पूछना शुरू करते हैं वैसे तो उम्मीद है कि हर चैप्टर हर में आएगा एम तो उस केस में फिर सी वाले को भी एम मिलेगा अगर प्रोपोज सिलेबस में स्टडी मैट के अंदर अगर आते हैं तो ये फिर सी वाले को भी मिल जाएगा फिर तो दोनों के लिए हो जाएगा फिर तो सिर्फ सी का बोलने का मतलब नहीं अभी फिलहाल सी एम ए तो है ठीक है थोड़ा सा बा, बा, बात कर लेते हैं बैकअप की जो लाइव एट होम देख रहे हैं उसको मैंने देखा भी नहीं जो लाइव एट होम देख रहे हैं उन लोगों को जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे मैं बॉक्स ओपन नहीं करूँगा याद रखिएगा बॉक्स ओपन जो करते हैं तो उसमें क्या होता है बार बार मुझे स्क्रीन देखना पड़ जाता है इधर उधर उसमें टाइम वेस्ट होता है और मैं उतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता है ना तो आपको क्या करना है मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे अगर आपको लगता है कि टाइप करने में दिक्कत होती है तो आप वॉइस मैसेज सेंड कर देंगे मैं उसको वहाँ पे कंसीडर कर लूँगा आपको यह नंबर सेव कर लीजिए नाइन एट वन वन फोर सिक्स फाइव फोर सेवन इस पर क्या करेंगे आप कम्युनिकेट करेंगे जो भी डाउट्स वगैरह होंगे इस पर सेंड करेंगे आप लोग और मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा ठीक है अगर किसी को लगता है कि आपने क्वेरी पूछा और आपको मैंने रिप्लाई नहीं किया या मैंने यहाँ कंसीडर नहीं किया तो आप कॉल कर लीजिएगा जैसे रिंग आ जाएगा तो मेरे अटेंस अटेंशन इधर की तरफ चला जाएगी बहुत बार क्या होता है मोबाइल पे नज़र नहीं जाता है ठीक है नहीं जाता है तो स्किप हो सकता है तो आप कॉल करके कॉल कट कर देना है जैसे ही मिस कॉल आ जाएगा मैं समझ जाऊँगा कि आप ही का होगा ओके चलो वापस आ जाते हैं लाइव वाले को फिफ्टी आवर्स की बैकअप मिलेंगे याद रखिएगा यानी कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी लेक्चर हम बोलते हैं तो नाइन्टी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी परसेंट तो हमारा मोटा मोटा एटीन लेक्चर आता है एटीन लेक्चर का बैकअप आपको मिल रहे हैं ट्वेंट फिफ़्टी आर्स के अराउंड डाउट आप मेरे नंबर पे सॉल्व पूछोगे बस हो गया एक और भी चीज़ है जो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे उनके लिए कुछ एडवाइस स्टार्टिंग में ही मैं बोल देता हूँ क्या देखिएगा वॉच लेक्चर इन सेम सीक्वेंस ध्यान से रखिएगा जिस सीक्वेंस में आपको दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज टाइम वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड जिस तरीके से चैप्टर में दिया गया है वैसे ही आप लेक्चर देखोगे क्योंकि इसमें लिंकेज होता है जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं अच्छा मुझे सिक्योरिटी वैल्यूएशन पहले पढ़ लेना है पोर्टफोलियो हम बाद में पढ़ेंगे या आप डिसाइड नहीं करोगे मुझे डिसाइड करना है क्योंकि मैं आपको बता दूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे ना वो सारा चीज़ का आपका लिंकेज हो जाएगा जितने भी चीज़ हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो में हंड्रेड परसेंट कॉपी पेस्ट हो जाएगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन में यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिना पढ़े अगर सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जाओगे तो सिर्फ आप अपना फॉर्मेलिटी पूरा करोगे आपको कुछ समझ नहीं आ सकता है वही चीज है जैसे बिना टाइम वैल्यू पढ़े हुए अगर कोई सिक्योरिटी वैल्यूशन में पहुंच गए तो वही बात है कोई कुछ समझ ही नहीं आएगा और बहुत सारे स्टूडेंट तो ये डिसाइड करते कि मेरा तो टाइम वैल्यू बहुत स्ट्रांग है मुझे नहीं पढ़ना आपको आता हो या ना आता हो वीडियो का एक सेकंड की स्किप नहीं करोगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो याद रखिएगा एसएफएम में 70 मार्क्स के टारगेट जो होगा ना बिल्कुल फेयर टारगेट है 70 टू 80 मार्क्स और आराम से ला सकते हो एग्जम्सन आपका कहीं नहीं जाने वाला है मैं आपको बता तो रहा हूँ आप एक बार पढ़ लीजिए मैं ज़्यादा अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एक चैप्टर देखो एक दिन में तो किसी को कुछ समझ में आना नहीं है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ हाँ ये देख सकता हूँ मैं दिखता कैसे हूँ मैं बोलता कैसे हूँ मेरा वॉइस जो है आपको समझ आता है नहीं आता है, इतना ही जज कर सकते हो किसी भी टीचर को या मेरे को आप एक दिन क्लास लेके तो आप नहीं जज कर सकते हो हाँ कम से कम पाँच छः लेक्चर पढ़ो तब जाके आपको रियलाइज़ हो क्योंकि सारे कॉन्टीन्यूसन में कुछ लिंक बन जाते तब आपको स्टाइल पता चल कि मैं किस तरीके से कैसे पढ़ाता हूँ ओके और वैसे आज के डेट पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होता है यूट्यूब पे सबको पता है खास करके आज के डेट पे मोर देन 500 कमेंट एक ही चीज़ का होगा काश सर आप पहले मिल जाते काश सर आप पहले भरोसा कर लेते ठीक है कोई बात नहीं जिसको जितना मिले हैं और एक तो चीज़ है आप लोग के अच्छे है कि जो भी क्लास में आके बैठ के यहाँ पे क्लासेस देख रहे हो आप लोग बहुत अच्छा स्टेप लिया है क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स हैं एक एक साल के वैलिडिटी में भी बच्चे जो होते हैं वो अपने क्लासेस को कंप्लीट नहीं कर पाते और उसको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ता है वहीं से पता चल रहा है कितना थके हुए कितना क्लासेस देख पा रहे हैं चलो वापस आते हैं हम आपको रिकमेंड करते हैं कि स्पीड 1.25 पॉइंट टू फाइव का आप मेंटेन कर लो कुछ लोग कहते हैं कि सर हम ज़्यादा स्पीड का तो करते ही करते हैं आप लोग ज़्यादा स्पीड में वन स्पीड से उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना आप आराम से मैनेज कर सकते हो नॉर्मल तरीके से ठीक है आप यही देखो नॉर्मल वन भी नहीं देखना है आपको वन थोड़ा आप वन देखो कोई इशू नहीं है ठीक है लेकिन इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता लेकिन क्या होगा आगे देखना जब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो कुछ वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं ना उन लोग क्या करते हैं वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उन लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाता है मोर देन फिफ्टी परसेंट क्या सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट हम आपको इतने इनडेप्थ एनालिसिस करके कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देते हैं कि क्वेश्चन मुझे पढ़ाने के बाद आपको मेरा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं होती आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेते हो हाँ जी बट होता क्या है बट होगा क्या उस टाइम पर जब आप खुद क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे ना तो आपके दिमाग में क्या आएगा अरे ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया तो वहाँ पे क्या करते हैं वीडियो को स्किप कर देते हैं उस क्वेश्चन के लिए और सीधा जंप कर जाते हैं उसके आगे के क्वेश्चंस में ये गलती आपको नहीं करना है ये गलती आपको नहीं करना है ध्यान से देखिए हमने क्या बोला है डू नॉट स्किप सिंगल मिनट वीडियो ऑफ लेक्चर एक मिनट का भी वीडियो आप नहीं मिस करोगे मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्योंकि यहाँ मैं डांस नहीं करता ना मैं यहाँ पे गाना गाता हूँ ना मैं फालतू की बातें करता हूँ याद रखिएगा क्योंकि मुझे पता है आपकी टाइम कितना वैल्यूएबल है मुझे गाना गाने आता है मेरा वॉइस भी बहुत अच्छा है लेकिन उसके बावजूद मैं आपका टाइम स्पेंड मतलब वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि फाइनल लेवल के स्टूडेंट है कितना आपके पास प्रेशर है ट्रेनिंग की कितना आपके पास शॉर्टेज है टाइम की और उसमें मैं जाके यहाँ पे मान लीजिए मैं शायरी सुनाऊँ आपको इंटरटेन कराते रहो इससे क्या है वैसे ही हमारा इंटरटेन हो जाता है वैसे ही हमारे क्लासेज जो होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि जैसे ही इधर चलेगा सिलेबस इधर चलेगा कुछ और उधर सिलेबस इधर कुछ और यानी कि मार्केट से लिंकेज होंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्लासेस जो होते हैं इंटरेस्टिंग होता है सबको पता है कि हमारे क्लासेज कभी बोरिंग नहीं होता है वापस आइए यू कैन वॉच एट वन पॉइंट फाइव एक्स और टू एक्स बट कांट स्किप इट मतलब क्या हो गया कि जब इसे क्या हो गया आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको क्या लगेगा अरे स्किप कर लेते नहीं करना है स्किप अब टू एक्स कर लो उस वीडियो को तो बोलो क्यों नहीं स्किप करना है अब मैं बताता हूँ मेरे पढ़ाने के स्टाइल में आप देखना जब भी आप जाओगे ना किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि होता क्या है मैं आंसर डिफर करता हूँ इंस्टीट्यूट से इतना कॉन्फिडेंस लेके चलना होता है मतलब क्या हुआ अब आई आई का एक क्वेश्चन में क्या बोलेंगे टू प्लस टू इजिकल टू फोर ठीक है और अगले क्वेश्चन में बोलेंगे टू प्लस टू इजिकल टू फाइव अरे भाई वैसे ही पता ये फाइव गलत है तो कुछ लोग बोलते कि नहीं हम तो ऐसे ही पढ़ के जाएंगे अरे क्वेश्चन वाई थोड़ा ना सोलूशन अट्टा लगा सकते हो नहीं कर सकते हो तो मैं क्या करता हूँ हर क्वेश्चन के अंदर जितने भी एनालिसिस होते सारे एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला जितने भी क्वेश्चन होंगे ना जैसे मैं आपको दिखाऊँ एक झलक के लिए किसी पर भी चले जाए तो हम लोग क्या करते हैं हर क्वेश्चन में कोई चीज़ जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम सॉल्व करें यह है क्वेश्चन नंबर फोर का भी अब बीच में कोई चीज़ वगैरह कितने भी जितने भी चीज़ आएंगे ना वो सारा चीज़ हम यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे देख लो नॉट फॉर एग्जामिनेशन ये जनरल कॉन्सेप्ट है कुछ हम बीच बीच में एक्सप्लेन करते रहते हैं और इसको लिखते रहते हैं अब क्या होगा आपका सॉल्यूशन तो आ चुका है लेकिन आप इसको स्किप कर लिए तो ये जो इंटरप्रटेशन वगैरह ना वो आपका गायब हो जाएगा जैसे बहुत बार क्या होता है हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें इंस्टीट्यूट के साथ हमारा डिस्प्यूट होता है तो एक चीज़ याद रखिएगा हम आपको लॉजिकली सर करेक्ट क्या होगा वो तो ज़रूर बता देंगे लेकिन उसके बाद हम ये भी बताते हैं कि आई सी आई का क्या होना चाहिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स का भी हम यहाँ पे देखिए इंटरप्रटेशन नॉट फॉर एग्जामिनेशन है डिफेक्ट ऑफ क्वेश्चन अब क्वेश्चन में कुछ डिफेक्ट है तो ये सारा चीज़ हमने लिखा अब जैसे अगर स्किप करोगे तो ये सारा चीज़ आपका मिस हो जाएगा और हर क्वेश्चन के अंदर हम बहुत ज्यादा इनडेप्थ एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन के दौरान इनडेप्थ एनालिसिस चलता है और अगर कोई क्वेश्चन आप स्किप करोगे तो वो सारे एनालिसिस जो अगर ना आपका मिस हो जाएगा तो उस टाइम पर आपको दिक्कतें नजर आएंगे जैसे अब ये कोई चीज सब है ऐसे कोई हमें क्वेश्चन सॉल्व किए ये मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया कुछ कौन सी अच्छा ये थ्योरी चल रहा था परचेजिंग पावर पैरिटी की जो भी कुछ है ठीक है आ, मैंने जो बोलना चाहो आपको होप ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा तो ये कुछ बेसिक्स बातें थे ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है ठीक है अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे पहला हमारा चैप्टर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट यहाँ से हम लोग अब शुरू करते हैं अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो अब देखिए हमारे पढ़ने के स्टाइल में सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो फॉरन एक्सचेंज नॉर्मली लोग बाद में पढ़ते हैं हम पहले पढ़ते हैं इसका रीजन यह है कि स्टार्टिंग में आप लोग का थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा होता है और यह ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है सिक्सटीन मार्क्स एट मार्क्स तो मिनिमम रहते हैं सिक्सटीन मार्क्स कभी कभी ट्वेंटी मार्क्स का भी क्वेश्चन जो यहाँ से आ जाता है तो आते फॉरन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं हम लोग यह हमारा पहला चैप्टर होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट फॉरेन एक्सचेंज ऐसा करेंसी जो दूसरे कंट्री का है रिस्क मैनेज करना रिस्क क्या होता है थोड़ा तो थोड़ा तो से बोलेंगे आप लोग रिस्क क्या होता है कुछ लोग का मानना है रिस्क का मतलब कि पॉसिबिलिटी टू मेक लॉस लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको रिस्क बोला जाता है ठीक है ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि जब भी कभी रिस्क की बात करते तो लोग क्या चीज़ सेलिंग कर लेते हैं इसको लॉस से लेकिन सच्चाई ये है कि रिस्क इंसान लेता क्यों है तो फिर बताओ अगर लॉस ही होना था तो रिस्क क्यों लेते हैं क्योंकि उनको गेन भी उतना इन्वॉल्व होता है यानी कि रिस्क हमेशा दोनों साइड में इन्वॉल्व होता है यानी कैसे समझिए रिस्क जब भी हम बात करते हैं ना किसी भी चीज़ों के लिए हम बात करें रिस्क तो नॉर्मली लोग लॉस से इसको लिंक तो कर लेते हैं कि ठीक है पॉसिबिलिटी कितना है लॉस लेकिन फिर रिस्क लेता क्यों है क्योंकि उनको उतना ही गेन इसमें इन्वॉल्व भी होता है तो हम सिंपली ये मान के चलते हैं कि रिस्क वहाँ इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है दोनों चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कोई भी इंसान रिस्क क्यों लेता है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दिख रहा होता है कि उसमें कुछ गेन भी इन्वॉल्व है तो क्या मैं ये बोलूँ कि रिस्क अगर कोई लेता है तो लॉस भी हो सकता है गेन भी हो सकता है दोनों चीज़ आगे हम आपको पूरे के पूरे एक चैप्टर में पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट और खास करके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कुछ नहीं है उसका दूसरा नाम है रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं रिस्क हम लोग कैलकुलेट करते हैं फिर रिस्क को हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं अब रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा अभी मैंने बोला ना कि ज़्यादा लॉस और ज़्यादा प्रॉफिट होने की जो आपका जो वोलीटिलिटी है उसको हम वोलिटिलिटी से मेजर करते हैं फ्लक्चुएसन से मार्केट में जैसे अभी हम फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क मैनेज कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए तो उस चीज़ों को मेजर करेंगे रिस्क से और जो कि हम कहाँ करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर इस चैप्टर के अंदर रिस्क हमें कैलकुलेट नहीं करना है बस रिस्क को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है और रिस्क को आइडेंटिफाई करने रिस्क को मिनिमाइज करना है यानी कि मैनेज करेंगे रिस्क को मैनेज करने का मतलब है रिस्क को रिड्यूस करना रिस्क रिड्यूस करने का मतलब एक ही चीज़ होता है अनसर्टनिटी को रिड्यूस करना रिस्क जहाँ भी आता है आप इसको इन इस चीज़ों से अनसर्टनिटी से इसको क्या कर सकते हो लिंक कर सकते हो कि कोई चीज़ अगर अनसर्टन है तो वो ज़्यादा रिस्की है क्योंकि वहां से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है बहुत ज़्यादा गेन भी हो सकता है और वो किस चीज़ से होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज से तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या करते हैं सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे देन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मैनेज करते हैं तो हमारा पहले तीन से चार लेक्चर जो होते इसी में निकल जाता है कि रिस्क कैसे आता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर और उससे भी पहले रिस्क को भी जानने से पहले हमें पहले ये जानना है कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है ठीक है तो हम लोग इसको सिलसिलेवार तरीके से पहले फॉरेन एक्सचेंज पर डिस्कशन करेंगे देन सेकेंड टू थर्ड लेक्चर के अराउंड आपका रिस्क पे जाएंगे कि रिस्क कैसे अराइज होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे देन उसके बाद मैनेज करेंगे ये रिस्क को मैनेज करते करते आपका मोटा मोटा फाइव टू सिक्स लेक्चर जो होते हैं ना वो हमारा निकल चुका होता है ठीक है तो अब आते हैं फॉरन एक्सचेंज पे फॉरन करेंसी को ही फॉरन एक्सचेंज बोला जाता है यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा फॉरेन एक्सचेंज में जिसका ट्रांजेक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है जिस किसी का भी ट्रांजेक्शन अगर फॉरेन करेंसी में इन्वॉल्व होगा उन्हीं के लिए ये चैप्टर रेलिवेंट होता है जैसे पेट्रोल की प्राइस हंड्रेड प्लस डीजल की प्राइस महंगा या फिर कोई भी चीज़ खाने की सामान अगर बहुत महंगा है तो आपको पता होगा कि पहले कितना होता था और अभी कितना होता है क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में उसको क्या करते हो यूज़ करते हो उसको कंज्यूम करते हो इसलिए आपको पता है आपको पता है कि फॉरेन करेंसी कब कब बिल्कुल ही एडवर्स इतना एडवर्स सिचुएशन पे पहुंचा हुआ है पास्ट में इतना एडवर्स सिचुएशन पे कि लग रहा है कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ही बुरा हो चुका है बट आपको वो नहीं पता होगा क्यों नहीं पता होगा क्योंकि आपके ट्रांजेक्शन में फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी सबसे पहले फॉरेन करेंसी वो करेंसी है जो हमारे करेंसी नहीं है जिस किसी भी पार्टी के लिए वो करेंसी इन्वॉल्व होगी सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है लोन भी तो ले सकते हैं अगर मान लीजिए हम दूसरे कंट्री में जाते हैं ले है लोन ले लेते दूसरे कंट्री से यानी कि हम डॉलर करेंसी में लोन लेते तब भी तो फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट हो गई हो गई तो यानी कि हमेशा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही ट्रांजेक्शन नहीं होता है हमारा क्या कहते हैं लोन लेना डिपॉज़िट लेना वो भी एक ट्रांजेक्शन हो सकता है और भी कुछ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जैसे कि क्या कहते हैं किसी फॉरन कंट्री के शेयर खरीद लिया फॉरेन कंट्री के बॉन्ड ख़रीद लिए जैसे आप मान लीजिए जो यूएस के कोई कंट्री फेसबुक का आपने शेयर खरीद लिया दूसरे कंट्री करेंसी में खरीदा क्या वहां पे फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट आ गई तो सिर्फ फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं हो सकता है ठीक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं हो सकता है उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बोरोविंग सारा चीज इन्वॉल्व हो जाता है ओके अब देखिए फॉरन करेंसी के अंदर जब हम क्वेश्चन के अंदर पहुंचते हैं ना आजकल आईसीआई के साथ दोनों इंस्टीट्यूट के साथ क्या तीनों इंस्टीट्यूट के साथ दिक्कत क्या है ये सब जुड़वा भाई है और फॉरेन करेंसी की जो एक्सचेंज रेट जो कोट करके देते हैं ना वो खुद जो लिख के देते हैं शायद उनको खुद ही नहीं पता होता है इस तरीके से कंफ्यूज करके एक्सचेंज रेट आपको कोट करके देता है कि क्वेश्चन सॉल्व क्या करेंगे हमें एक्सचेंज रेट ही समझ नहीं आता है तो उस चीज़ों के लिए आपको मैं क्या करता हूँ पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं कि कौन कौन सी खास करके क्या है जो मेजर जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो खास करके ग्यारह बारह करेंसी के अंदर ही हमारे सारे करेंसी तो हम क्वेश्चन यहां पे जितने भी करेंसी के जो मेजर इन्वॉल्वमेंट है ना वो सारा चीज हम सबसे पहले एक एक करके देखते चलते हैं। मैंने पहले क्या बोला पहले फॉरेन करेंसी को समझ लेते हैं देन हम रिस्क पे जाएंगे देन मैनेज करेंगे उसको एक एक करके चलते ठीक है तो थोड़ा सा रीड भी करते चलते हैं। क्योंकि यहां तो बेसिक से चीज है कि फॉरेन करेंसी रिस्क अराइज होता है कब जब ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पार्टीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड सेटलमेंट इज टू बी मेड इन दी फॉरन करेंसी एक ही चीज याद रखिएगा ट्रांजेक्शन दो पार्टी के बीच में होना चाहिए कभी देखा है आपने एक मिस्टर इंडिया दूसरे मिस्टर इंडिया के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं और डॉलर करेंसी में डॉलर करेंसी में वहां पे ट्रांजेक्शन का पेमेंट या रिसीट करते हैं नहीं करते मतलब फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट जब होगा तभी वहां पर रिस्क आएंगे रिस्क का मतलब क्या समझे फिर से रिपीट करते हैं फॉरेन करेंसी के वैल्यू को फ्लक्चुएट करना मान लीजिए आपको डॉलर खरीदना है किसी को देने के लिए या कहीं से डॉलर आया है तो डॉलर बेचना है तो यहां पर क्या हुआ डॉलर करेंसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ आपके ट्रांजेक्शन के अंदर किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट जो होते हैं वो आपको फॉरेन करेंसी होल्ड नहीं करने देता है सबसे पहली बात किसी भी कंट्री का लॉ है वो कहते हैं कि आप फॉरेन करेंसी होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनको फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेजर करना है ऐसे समझ जाइए वैसे फेमा में आपको दे देता है एक्ज्सन की चलो डॉलर टू थाउजेंड की क्यू वैल्यू आप रख सकते हो वैसे एक्सेप्शन में तो डॉलर टू लाख भी बना देते हैं आप पढ़ते हो उधर बट हमारे फॉरन एक्सचेंज के चैप्टर के अंदर हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर वन का भी अगर कोई ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्वमेंट है तो वो हमें गवर्नमेंट रखने को अलाउ नहीं कर सकता है मतलब आपको अगर कहीं पे आएगा कहीं से फॉरेन करेंसी तो आपको बेचना ही पड़ेगा और अगर किसी को देना है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ये हमारा एक बेस अजम्सन होता है ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है और जो चीज़ हम खरीदेंगे बेचेंगे उसके वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहते क्यों फ्लक्चुएट होते वही सब हम पहले जानेंगे पहले जो दो लेक्चर हैं हमारे को बस इतना ही जानना है कि फॉरेन करेंसी क्या क्या चीज़ है कैसे फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट होता है क्यों फ्लक्चुएट होता है उसके अंदर के बैकग्राउंड क्या है उन सारे चीजों को हम पहले जानते हैं ओके okay. तो हमने यही बोला है कि देखिए रिस्क तभी अराइज होगा रिस्क का मतलब एक ही चीज समझ जाना दिमाग में फ्लक्चुएशन क्या दिमाग में लेके आएंगे फ्लक्चुएशन करेंसी के वैल्यू को फ्लक्चुएट होना रिस्क अराइज हो गया सिंपल तो रिस्क कब अराइज होंगे जब दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन होगा और दोनों कहाँ के होंगे दो डिफरेंट कंट्रीज के होंगे अब वो ट्रांजेक्शन कैसा भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है वही बोल रहे कि फॉरेन करेंसी का ट्रांजेक्शन क्या क्या चीज हो सकता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो हो ही सकता है इन्वेस्टमेंट हो सकता है लोन लेना भी हो सकता है आपका ठीक है वो जो हमने बोला कि फेसबुक का आपको शेयर खरीदना है या फिर आप डाउ जोन में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो या एस एन पी फाइव हंड्रेड में वो इंडेक्स वगैरह हो जाती है जो आगे आएगा आपका वो सारी चीज़ हम स्टॉक मार्केट में कराएंगे आपको तो वो सारा चीज जो होती है वो सब इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा आपका तीनों जो है ना फॉरन करेंसी के ट्रांजेक्शन इस तरीके का मिलेगा आपको रिस्क को मेजर करते हैं हम लोग फ्लक्चुएसन के टर्म में ध्यान से रखिएगा रिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी फ्लक्चुएसन विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन अब ये हो गया क्या टेक्निकल टर्म मैंने पहले ही बोला है रिस्क को मेजर करने वाले काम हमारे इस चैप्टर के अंदर नहीं होता है हम रिस्क को मेजर नहीं करते रिस्क कैलकुलेट नहीं करते बस हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर करेंसी फ्लक्चुएट हो रहा है तो हाँ रिस्क इन्वॉल्व है हम अपना काम क्या करेंगे उस रिस्क को मिनिमाइज कर देंगे रिस्क को रिड्यूस कर देंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म हो जाएगा लेकिन अगर रिस्क को मेजर करना होना तो वो हम फ्लक्चुएसन को मेजर करते हैं और वो मेजर करने का टेक्निक है जो हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देखेंगे नीचे लिखा होगा हमने कैलकुलेशन करना है किसी को रिस्क को तो हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पहुंचेंगे ठीक है बस इतना समझ जाइए फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा है तो ज्यादा रिस्क है फ्लक्चुएशन अगर कम है तो कम रिस्क है फ्लक्चुएशन अगर नहीं है तो नो रिस्क बस आपको फ्लक्चुएश अभी रिस्क को क्या चीज से मेजर करना है फ्लक्चुएशन से कि अगर करेंसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो बहुत ज्यादा रिस्क है बहुत ज्यादा क्यों रिस्क है क्योंकि हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है वेरी सिंपल यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बेसिक है इन दिस चैप्टर आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क ये जो करेंसी फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है इसको मिनिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव है ठीक है अब यही सब चीज लिखते थोड़ा टाइम लगता है ऑलरेडी लिखा हुआ आप लोगों को दे दिया तो थोड़ा टाइम क्या हो गया हमारे लिए सेव हो गया और सबको टाइम सेव करना है आज के डेट पे विच इज ऑल्सो टर्म डाइज हेजिंग ये जो रिस्क को मिनिमाइज करने वाले जो बात है ना ये हमारा क्या है बताइएगा हेजिंग कहा जाता है फाइनेंस के टर्म में या हम कह सकते हैं हम फाइनेंस के टर्म में हेजिंग हेज करने का एक ही मतलब है कि रिस्क को मिनिमाइज करना जैसे आज के डेट पे बाइक ड्राइव करते टाइम हम हेलमेट लगा के चलते हैं क्या कर रहे हैं बताइए हेजिंग कर रहे हैं रिस्क मिनिमाइज कर रहे हैं क्या चीज का चलान कटने का जब बात कर रहे हो आप लोग कौन सा आज के डेट पे मैक्सिमम जितने भी हेलमेट लगा के चलते जो मुझे दिखता है वो तो ये सोचते कि चलान ना कटे बस दिमाग में तो ये होता ही नहीं कि हमारा सर बच जाए वो तो ये मान के चलते हैं कि हम तो इतना बढ़िया ड्राइव करते हैं हमारा तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकते पहले से इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं इसीलिए वो देखेंगे ट्रैफिक वाले अब क्या करेंगे वो हेलमेट पहन लेंगे तो हम कह सकते हैं हेलमेट पहनना एक हेज़ करना है किस चीज़ों को चालान को और अगर कोई ये सोच के लगाते कि नहीं हमारा एक्सीडेंट से बचाने के लिए तो फिर ठीक है वो भी एक रिस्क था लाइफ की जो रिस्क थी लाइफ को रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक एक्शन लिया तो वो जो एक्शन है ना वो हेजिंग है इतना कंफ्यूज रहते हैं ना बच्चे हेजिंग को लेके क्योंकि डेरिवेटिव में जाओगे ना जितने भी क्वेश्चन देखोगे सिर्फ हेजिंग 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 ही चलता रहेगा इतना ये कह तो सकते हैं कि इतना पॉपुलर वर्ड है ना एस एफ एम के लिए और उसके बावजूद भी बच्चे को समझ नहीं आता हेजिंग है का मतलब क्या है जब डेरिवेटिव में पहुंचते हैं तो एक एक ट्रांजेक्शन करके हेजिंग कर रहा है पहले हेजिंग के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है रिस्क आइडेंटिफाई करिए एक एक्शन लीजिए तब होगा हेजिंग एक ट्रांजेक्शन करेगा निफ्टी खरीद लिया निफ्टी बेच लिया कहते हेज हो गया अरे हेज कैसे हो गया पहले एक रिस्क आइडेंटिफाई तो करो हेजिंग के अंदर हमेशा क्या चीज होता है दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं एक क्या होता है रिस्क वाले ट्रांजेक्शन जो फ्लक्चुएट होगा और दूसरा क्या होगा एक्शन जो उसको बचाने के लिए किया जाएगा अब यही सब चीज छोटी छोटी बातें को नहीं पकड़ पाते ठीक है देखेंगे आगे एक एक करके हेजिंग करना रिस्क को मिनिमाइज करना और रिस्क मिनिमाइज करने के लिए एक आपको एक्शन लेना पड़ेगा वो जो एक्शन है उसी को हम लोग हेजिंग कहते हैं फॉलोइंग आर सम हेजिंग टेक्निक्स ये टेक्निक्स ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं पता चलेगा ऐसे ही लिख दिया कि हेज करने के लिए हम लोग आगे क्या क्या चीज पढ़ेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक हेज करने का तरीका है जैसे हम लोग हेलमेट पहनना एक एक्शन है ना वैसे ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक एक्शन है जिससे हम लोग करेंसी के फ्लक्चुएशन के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं मनी मार्केट हेज ये भी एक टेक्निक है जिससे हमारा जो करेंसी फ्लक्चुएशन से जो लॉस गेन होते हैं ना उसको हम लोग बचाते हैं कैसे बचाएंगे उस चीज़ों को देखेंगे करेंसी ऑप्शन करेंसी फ्यूचर ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू करेंसी फ्लक्चुएशन से होने वाले लॉस या गेन को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सेव करते हैं बट ये हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव चैप्टर में कुछ लीडिंग लैगिंग एक टेक्निक होते हैं एलसी एग्रीमेंट के थ्रू भी कुछ हम अपना रिस्क को मिनिमाइज करते हैं ये सारे इतने सारे टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं पहले तो हम पहले फॉरेन करेंसी जान ले उसके रिस्क को जान ले देन ये सब पढ़ लेंगे बाद में जाके है ना वो तो बस एक बार नाम सुन लिया कि चलो ठीक है ऐसा कुछ है फॉर्मेलिटी के लिए रजिस्टर पर लिखा हुआ ऐसा समझो आप अभी कुछ नहीं समझ आएगा अब बढ़ते हैं आगे फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने वाले इंडिया में दो एंटिटी है एक तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरा फेडई फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आर जो है वो सारे ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं जो थोड़ा सा बड़े लेवल का ऐसे समझ जाइए एक एंटिटी है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फेडई ये एक एंटिटी है जो कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह को रेगुलेट करते हैं जैसे आगे कैंसिलेशन का रूल्स वगैरह होगा वो सारे फेडे ने दिया हुआ है जैसे अभी आप देखते हो जनपद चले जाए या कोई भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स वगैरह जैसे आज के डेट पे अगर होटल इंडस्ट्री हो गई या फिर कोई भी अगर बिजनेसमैन अगर फॉरेन करेंसी वो एक्सेप्ट करता है तो देखिएगा उसको वीकली या फोर्टनाइटली एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है कि आपने कौन कौन सी करेंसी एक्सेप्ट किया है किस किस डिनोमिनेशन के साथ किया है क्या उसने आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया या नहीं कर दिया क्योंकि आप उसको होल्ड नहीं कर सकते इवन आप बिजनेस मैन भी हो ना तो भी आपको रेगुलर टाइम इंटरवल पे आपको बैंक में जमा करना ही होता है तो उन सब चीज़ों के लिए रिपोर्ट आपको देने होंगे जैसे आज के रेट पे फाइव स्टार होटल वगैरह हो गया वो सब क्या करते हैं फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करते हैं उनको भी आज के रेट पे सारे क्या करता है एक रिपोर्ट बना के वो सबमिट करना होता है जैसे जिस टाइम मैं ऑडिट कराता था उस टाइम उसको 15 डेज पे फोर्थ नाइटली करना होता था रिपोर्ट सबमिट करना है कि कौन कौन सी करेंसी आपने एक्सेप्ट किया किस किस डिनोमिनेशन का किया कौन सी दिन में आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया अगर नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाए वो सारा चीज़ आपको रिपोर्ट जो है वो आपको सबमिट करना है वो सारे किस वो सारे ट्रांजेक्शन को कौन रेगुलेट करता है फेडाई करते हैं अब बड़े लेवल की बात है जैसे अगर मान लीजिए जैसे अभी देखते हो कि कोई भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा या फ्लक्चुएट नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या रूल अपना रूल जो है ना वो बना रखा है फॉरेन करेंसी के लिए दो तरह का रूल होता है एक फिक्स रेट पॉलिसी है एक आपका वेरिएबल रेट पॉलिसी होती है फिक्स रेट पॉलिसी का मतलब क्या हो गया दो सेंट्रल बैंक आप बीच में आ गया सेंट्रल बैंक आगे बता देता हूँ कि जितने भी करेंसीज का ट्रांजेक्शन हो गए या बैंक को रेगुलेट करने वाले जो बैंक होता है वो सेंट्रल बैंक होते हैं हर एक कंट्री के लिए जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है आर तो ये सेंट्रल बैंक भी है और यही जो होते हैं ना करेंसी को रेगुलेट भी करता है अगर मान लीजिए आज के रेट पे लगता है कि करेंसी हमारे करेंसी बहुत ज्यादा डिप्रिसिएट हो रहा है या एप्रिस हो रहा है कुछ एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन कौन लेगा आरबीआई आरबीआई अब वो कैसे एक्शन लेते बहुत सारे उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है ट्रांजेक्शन अब ये दो कंट्री के जैसे अभी नेपाल और इंडिया की बात करें नेपाल के सेंट्रल बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई ये दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि चलो एक काम करते हैं नेपलीज करेंसी और इंडियन करेंसी इन दोनों के बीच में कभी भी एक्सचेंज अगर करना पड़ेगा तो यहां डिमांड सप्लाई नहीं आएगा डिमांड सप्लाई नहीं आएगा मतलब क्या हो गया बताइए आप वहां पे बोली नहीं लगा सकते एक रेट फिक्स कर दिया कहते कि देखो अगर किसी के पास आई इंडियन रुपीज ये बताऊंगा ये थ्री डिजिट का कैब्रेवेशन है जिसको आई कोड बोलते हैं ये सब अभी आगे बताते हैं आई अगर किसी के पास वन है हंड्रेड है तो वो नेपलीज रुपीज़ में एन जो होगा ना वो वन ही होगा अब इसमें आके कोई इंटरफेयर नहीं करेगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेपाल राष्ट्र बैंक इन दोनों ने डिसाइड कर लिया और यही रीजन है कि देखना इंडिया और नेपाल के रेट अभी पीछे 20, 25 30 35 40 साल भी हो गया होगा पता नहीं कितने जब से हम जानते हैं तब से तो इतना ही चल रहा है ना ये नहीं फ्लक्चुएट होता है तो बहुत सारे के दिमाग में आता है कि ये क्यों नहीं फ्लक्चुएट करता है क्योंकि ये सेंट्रल बैंक के पास ये रेगुलेट करने का अथॉरिटी था इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि चलो हम अपने करेंसी के लिए इसमें डिमांड सप्लाई को इन्वॉल्व नहीं कराएंगे मतलब बोली नहीं लगाएंगे खरीदने बेचने वाले के लिए रेट फिक्स करके फिक्स रेट पॉलिसी हो गया यही रेट आपका चलता रहेगा ठीक है बट इसी में अगर ये कहते कि नहीं फिक्स रेट पॉलिसी अगर नहीं रहेगा तो यहां पर डिमांड सप्लाई आएंगे चार लोग बेचने वाले चार लोग खरीदने वाले बोली लगाएगा और बोली लगा के जितने प्राइस वो लोग डिसाइड करेगा वो प्राइस होंगे तो फिर उस केस में क्या होगा करेंसी का फ्लक्चुएशन आ जाएगा तो ये सारी चीज कौन डिसाइड करेगा सेंट्रल बैंक इंडिया के लिए आरबीआई सेंट्रल बैंक बोलना है उसको यूएस के लिए अगर डॉलर को कंट्रोल करना है तो कौन करेगा यूएस का सेंट्रल बैंक वो कौन है फेडरल रिजर्व फेडरल रिजर्व तो ये सारा चीज जो बेसिक चीज है ना वो सारा चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये टर्म्स वगैरह जब दिखते ना तो बच्चे को थोड़ा सा परेशानी आ जाता है तो यही चीज हम कह रहे कि देखो मेजर फॉरेन करेंसीज एंड एक्सचेंज रेट ये जानना बहुत जरूरी है मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि इंस्टीट्यूट खुद कंफ्यूज है या बच्चे को कन्फ्यूज करना चाह रहा है क्या टेस्ट करना चाह रहा है इंस्टीट्यूट का ही पता है भाई एटलीस्ट कम से कम एक्सचेंज रेट तो तुम सही से लिख के दे दे नहीं समझे बात जैसे ये देखिए मैं आपको एक झलक दिखाता हूं झलक देख के आपको बहुत कुछ समझ आएगा ये हमारे एस का झलक वो झलक नहीं जो देखिए एक्सचेंज रेट है ये आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इस चीज़ों पे यही तो बोल रहे हैं कि देखो छोटी छोटी चीज़ों पे हम जब टाइम नहीं देते हैं ना इसीलिए वो छोटे चीज बाद में जाके एकूमुलेट होकर हमें लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज ही डिफिकल्ट है फॉरेन एक्सचेंज के बेसिक में हमारा सात से आठ लेक्चर चला जाता है और जिसको बेसिक आता है वो कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज डिफिकल्ट है मुझे नहीं समझ आता कभी कि क्या बोल रहा है वो डिफिकल्ट है क्योंकि पहला ही दिन नॉर्मली आते हैं लोग और पाँच छः क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारे तो पाँच छः दिन में तो एक एक क्वेश्चन पे शायद पहुंचेंगे भी नहीं फाइव टू सिक्स डेज में क्योंकि उसके बैकग्राउंड सब हम जानने की कोशिश करते हैं आइए वापस पढ़िएगा एक बार आपको समझ आ रहा है कुछ मार्केट रेट इन लंडन फॉर यूएस डॉलर एंड यूरो आर एज अंडर ये क्या रेट दे रहा है आप ये बस बता दीजिए अगर ये समझ आ गया इसका मतलब आपको बेसिक बहुत स्ट्रांग है मार्केट रेट इन लंडन फॉर यूएस डॉलर एंड यूरो ठीक है लंडन और न्यूयॉर्क दिस रेट इज हाँ जी बताइए कुछ कहना चाह रही हो आप पाउंड वन इक्वल टू डॉलर वन पॉइंट फाइव थ्री फाइव जीरो अब्लिक वन पॉइंट चलो वो तो बाद में हम देखेंगे ठीक है जो भी कुछ है अभी ऐसे समझ आइए इसमें दो रेट है हम आगे बताएंगे आपको एक बिड होता है एक आस्क होता है अभी एक एक करके जानेंगे हम लोग इसको पहले एक रेट लिख लेते हैं हम लोग ठीक है वन पॉइंट फाइव थ्री फाइव जीरो ये कहां से आपको यह पता चला कि यह हो रहा है एक बार बताएंगे थोड़ा सा जी कैसे आपको लगा कि यह रेट, तो रेट दे रहा है लंडन चलिए वापस आते हैं. इंडिया की बात करते थोड़ा देर के लिए हम इस लंडन की जगह इंडिया कर देते हैं इसको छोड़ो यहां पे रहने दो अभी इधर आते हम कहते हैं मार्केट रेंट इन इंडिया कुछ हम कहते लिखते हैं इन इंडिया फॉ डॉलर मैं ऐसे लिखता हूँ इंडिया में एक रेट है फॉर डॉलर करेंसी क्या समझ आएगा बताइए वैसे भी इंडिया में क्या रूपी को कोट किया जाता है डॉलर को कोट किया जाता है इंडिया में कभी भी किसी भी बैंक में चले जाओ रूपी वन का समथिंग डॉलर आपको रेट नहीं मिलेगा क्योंकि किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री में फॉरन करेंसी को ट्रेड किया जाता है अपने करेंसी नहीं ट्रेड होता है कभी सब्जी खरीदने गए तो देखा आपने कि दस रुपये एक रुपये का समथिंग के सब्जी नहीं मतलब एक पर यूनिट क्या है जिस चीज़ों को कोट किया जाता है वो पर यूनिट में होता है जिसको हम बेस करेंसी भी बोलते हैं आगे हम एक एक टर्म समझेंगे तो इंडिया में कभी भी वन रुप का रेट नहीं दिया जाता है हमेशा देखना डॉलर वन यूरो वन पाउंड वन इस तरीके से रेट मिलेंगे है ना तो अगर मैं कहता हूँ समथिंग का रेट इन इंडिया फॉर डॉलर तो वन डॉलर का होना चाहिए ना वन डॉलर का होना चाहिए देखो क्या लिखा है मार्केट रेट इन लंडन एक चीज याद रखिएगा लंडन में अब सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए लंडन का करेंसी कौन सी है अब देखेंगे अब एक एक करके देख रहे हैं। लंडन की करेंसी चलो आप लोगों को बताया था तो पाउंड है ठीक है तो लंडन में जिस कंट्री में होते हैं ना उस कंट्री में हमेशा रेट वो रेट प्राइस में होता है मतलब चलो ठीक है फिर से बोलते हो एक बार देखो इंडिया में ऐसे रेट कोट होता है डॉलर वन का रूपी समथिंग इंडिया में जितने भी चीजों की प्राइस देखोगे ना प्राइस होगा रूपी में रूपी की क्वांटिटी समथिंग होगा सब्जी हो दाल हो चावल हो या कोई करेंसी हो रूपी क्या होगा उसमें प्राइस में पर यूनिट नहीं होगा रूपी। आप यूएस चले जाइए यूएस में आपको किसी भी चीज़ का रेट देखना उसको मिलेंगे समथिंग डॉलर समथिंग डॉलर होगा किसी भी चीज़ का अगर आप क्या कहते हैं सब्जी खरीदने जाओ समथिंग डॉलर का होगा वहाँ पे रुपी खरीदने बेचने जाओ तो वहाँ पे रुपी का रेट मिलेगा आपको समथिंग डॉलर में यानी कि क्या चीज हुआ ध्यान से सुनिएगा जिस कंट्री में जिस करेंसी को हम लोग कोट किया जाता है जिस कंट्री में बैठे होते हैं हम लोग उस करेंसी में प्राइस होता है क्या लिखा क्लियरली देखिए लंडन में तो पाउंड तो प्राइस में होनी चाहिए ना पाउंड तो प्राइस में होनी चाहिए फॉर डॉलर डॉलर करेंसी के लिए पाउंड में प्राइस होना चाहिए क्योंकि लंडन में प्राइस दिया गया है तो ये तो क्लियरली रेट क्या होना चाहिए डॉलर वन इक्वल टू पाउंड समथिंग ये रेट होना चाहिए होना चाहिए हंड्रेड परसेंट यही लॉजिकल है होना चाहिए लेकिन ये समझना चाहिए इंस्टीट्यूट को ना मैंने पहले ही क्या बोला है ये हमारे लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत किसके लेवल पे है इंस्टीट्यूट के लेवल पे अब इंस्टीट्यूट यहां पे क्या इंटरप्रेट करते है? जो इन्होंने बोली है बिल्कुल एक्जैक्टली यही इंटरप्रेट करके इंस्टीट्यूट ने चला यहां पर और ये ऐसे दो तीन और क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन वगैरह सिर्फ कन्फ्यूज़ करता है और कुछ नहीं करता है तो ठीक है हम देख लेंगे मैंने पहले ही क्या बोला है टेन टू फिफ्टीन मार्क्स के लिए हम लोग क्या करते प्रिपेयर रहते हैं मेंटली यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा जो हकीकत है वो इंडस्ट्री की सबसे हकीकत क्या है बच्चे तो डरे हुए है ही उससे ज़्यादा डरे हुए कौन है यहाँ पे टीचर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे सॉल्यूशन दे के आ जाए और बाद में सर्टिफाइड कॉपी मंगवाए तो हमने कहीं मार्क्स ना दिया हो तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पे पड़ जाए और यही रीजन है कि एस के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है रीजन एग्जैक्टली exactly यही रीजन है क्योंकि बच्चे से भी ज्यादा डरे हुए कौन है टीचर बिल्कुल ही बदलना ही नहीं चाहिए कुछ बोलने के दम ही नहीं रखता है बिल्कुल ही अगर वो इंस्टीट्यूट कह रहे हैं ना कहीं पे टू प्लस टू इजिकल टू फाइव तो टीचर भी कहते हैं हाँ बेटे ये सही है अरे भाई कैसे याद रख लोगे हर जगह टू प्लस टू फाइव दो ना तब तो मैं याद कर पाऊंगा ना हमारे लिमिटेशन भी तो है ना मान लीजिए टीचर ने कुछ चीज बता दिया आपने इस चीजों को जान भी लिया आप तो बहुत खुश लेकिन जब उसी चीजों को दूसरे क्वेश्चन में जाओगे तो इंटरप्रिटेशन आपको इंस्टीट्यूट ने बदल दिया तो अरे भाई एक तो कोई ओपिनियन लेके चलो अगर एक ओपिनियन को आप अपना लेके नहीं चलोगे ना तो कहां से आप कॉन्फिडेंस ला पाओगे नहीं ला पाओगे मैं आपको देखता हूं कि आज के डेट पे बच्चे का कॉन्फिडेंस ना होने का रीजन उसमें मैक्सिमम देन जो है ना टीचर होगा अब थोड़ा थोड़ा सा इस बार के पिछले अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा देखा है टीचर लोग थोड़ा जागे थे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने ही सोल्यूशन पर जब मार्क्स नहीं दिया ना तब टीचर थोड़ा जागे अरे हाँ हमें सही ही करा देना चाहिए शायद तो यही चीज है बट एक चीज मैं बता दू आपको हमारे जो ये नोट्स आपको मिलेंगे ना जो इस चीज़ों को एनालाइज कर रखा है उनको पता है कि हमने अपने बुक्स के हमने अपने अपने रजिस्टर के अंदर क्या क्या चीज लिखा है किसी भी क्वेश्चन में जाइए कहीं पे भी आपको डिस्प्यूट नजर आएंगे ना तो वो डिस्प्यूट हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही लिख के देते जैसे किसी में भी चले जाइए ये देखिए हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है देखिए डिफेक्ट ऑफ क्वेश्चन हम इन सारे चीज़ों को बता के चलते हैं कि देखिए ये किस तरीके से एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है क्या क्वेश्चन का डिफेक्ट था क्वेश्चन में कहाँ पे मुसीबतें हैं उन सारे चीज़ों एक और भी बात मैं सॉल्यूशन डिफ़र करता हूँ और मैं हक के साथ बोलता हूँ क्या मैं ऐसे ही पब्लिकली बोलता हूँ कि हाँ मैं आई के सोल्यूशन को डिफ़र करता हूँ जिसको पसंद है करें नापसंद है ना करे लेकिन मैं हर जगह पे वहां डिस्क्लेमर लिख के आई का भी सॉल्यूशन आपको देता हूँ याद रखिएगा हर क्वेश्चन में अगर मान लीजिए मुझे कहीं पे क्वेश्चन सोल्यूस गलत दिखता है वहां पे मैं नीचे आपको लिख के दूंगा डिस्क्लेमर लिख के दूंगा अब यहाँ पे तो इमीडिएट ढूंढना बड़ी मुश्किल है कि कहाँ पे क्वेश्चन में गलती होगी जहां पर मैं डिस्क्लेमर लिख के दिया होगा वैसे तो बहुत बार दिख जाता है बहुत बार नहीं भी दिखता है तो मैं लिख के देता हूँ तो इस चीज़ों को कुछ लोग एप्रिसिएट करते हैं कुछ लोगों को लगता है कि नहीं इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है जिसको जो लगता है लगते रहे हम हर जगह पे इन चीज़ों को बता के चलते चलो वापस आते हैं अभी टाइम ज्यादा इधर उधर ना वेस्ट करें सीधा अपने काम की बातें पे आ जाते हैं है ना भटक गए थे थोड़ा सा हाँ जी मैं डिफ, डिफर करता हूं जो सही है सही के साथ चलते हैं और नीचे लिख देते हैं डिस्क्लेमर कि हाँ इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया है अगर आपको याद रह जाता है टू प्लस टू फाइव है तो आप दे के आ जाओ नहीं तो आप अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दीजिए मैं आपको दिखा दूंगा अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन पे मार्क्स मिला हुआ मेरे से ज़्यादा सर्टिफाइड कॉपी तो किसी ने नहीं चेक किया इतना बात का तो अश्योरेंस हंड्रेड परसेंट दे सकता हूँ पीछे भी जब मैंने पब्लिकली बोला था सर्टिफाइड कॉपी भेजना तो पाँच सौ बच्चे ने सर्टिफाइड कॉपी भेज दिया था इस बार भी मैंने पब्लिकली बोल दिया ठीक है सब लोग भेजो मैं आपको चेक कर दूँगा है ना तो चेक करते हैं मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड का मैच ना होने के बावजूद भी मार्क्स मिल रहा है ठीक है मिल रहा है ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा आपके सोल्यूशन अप्रोप्रेट तो मिल रहा है लेकिन बहुत बार मिल भी रहा है बहुत बार नहीं भी मिल रहा है इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टेन टू फिफ्टीन मार्क्स है क्या है यहाँ पर स्टैंडशन है और इस चीजों को ध्यान में रख के पढ़ने के बाद क्या हो जाता है पता है कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है चलो वापस आते हैं ये मुसीबत है इन सब मुसीबतों को झेलने के लिए ये सारा चीज आना आपको जरूरी है कौन सी ये सारे करेंसीज का स्ट्रेंथ वगैरह याद रखिए आगे मैं बताऊंगा कि इन सारे मुसीबतों को आईसीआई की मुसीबत को हम कैसे झेलेंगे समझ में आगे बात चलिए वर्ल्ड के सबसे स्ट्रांगेस्ट करेंसी जो है ना कुवैत का दिनार है चलो ऐसे करते हैं यहां पे देखेंगे ना तो कंसंट्रेशन थोड़ा कम बनेगा जहां जहां पर मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे वहां पे मैं नहीं दिखाऊंगा पहले लिखेंगे रफली आपके दिमाग में डालेंगे फिर जाके उधर पढ़ेंगे ठीक है आपको बता दू वैसे आज तक क्वेश्चन के अंदर कभी कुवैत की करेंसी नहीं आए हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए जो कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार मैं आई कोड लिखता हूं पहले मैं बता दू आपको देखिए मैंने क्या क्या चीज लिख के दिया है कौन कौन सी कंट्री की करेंसीज है क्या करेंसी का नेम है आई कोड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थ्री लेटर का एवरीवेशन जो है ना वो आई कोड कहलाता है जैसे देखिएगा मैंने यहां पे लिखा है क्या है बताइएगा ये कोई एन मैं अगर इसको युआन हंड्रेड बोलू तो कौन मना कर देगा इसको क्योंकि चाइनीज युआन का भी सिंबल यही है मैं लिखता हूं ये आर एस हंड्रेड बताइए ये कहां की करेंसी है इंडिया नहीं लिखता आर एस अब तो इंडिया ऐसे लिखते हैं सिंबल बन चुका है इंडिया का अब तो इंडिया का आर एस बोल भी नहीं सकते आप समझ में आ गया वो तो सिंबल के साथ अब आपको रुपीज लिखते हैं नेपाल भी अभी आर एस लिख रहे हैं पाकिस्तान भी आर एस लिख रहे हैं तो आप मुझे बताओ नेपाल की रुपीज हंड्रेड था या पाकिस्तान की हंड्रेड रुपीज था कंफ्यूजन है इसी में ये जापनीज एन हंड्रेड है या चाइनीज चाइनीज्रेड है कंफ्यूजन है याद रखिएगा सिंबल जो होते हैं दो करेंसी का एक हो सकता है लेकिन आई कोड इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी एक कंट्री का एक एक आइडेंटिटी है उसका उस करेंसी का और वो थ्री लेटर में ही होगा याद रखिएगा जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा आगे आपको लिख के दिया है कहीं पे एनसी ये कुछ नहीं है ये इनफॉर्मली जैसे होते ना एक पेटी का मतलब वन लाख कहीं पे डिफाइंड है क्या पेटी का साइज मेजरमेंट किया गया है क्या छोटा पेटी हो तो हो सकता है एक लाख का एक हजार ही आए उसमें पर फिर भी वन पेटी का मतलब लोग क्या समझते हैं वन लाख वो कॉमन पार्लेंस में लोग समझ जाते हैं exactly एग्जैक्टली वैसे ही एन सी बना के इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन डाला हुआ है भाई ये कुछ नहीं है शर्म करो थोड़ा सा प्लीज करेंसी को एन सी लिख दिया है भाई ऐसे तो बहुत सारे कुछ बन जाएगा इसीलिए ऑफिशियली कभी भी ना तो वो सिंबल कोट किया जाता है ना कभी इस तरीके का शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है एनसी के जैसे ऑफिशियली कहीं पे भी जाओगे ना तो ऑफिशियली एक ऐसा आइडेंटिटी होता है जो एक यूनिक होता है जो कभी दो के साथ मैच नहीं हो सकता तो वो थ्री लेटर का एवरेवेशन वो आई एसओ कोड इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज थ्री लेटर एवरेवेशन आईएसओ कोड और आपको क्वेश्चन के अंदर आई कोड भी मिलेगा <coughs> जैसे अभी आप चले जाइए गूगल पे और कोई भी आईएसओ कोड के साथ आप कोई भी एक कोटेशन लिखिए आपको देखिएगा अपने आप सामने ही आ जाएगा जैसे डॉलर का जो आई कोड है ना यूएसडी है ठीक है और इंडिया का आई दे देगा कुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको कुछ सर्च भी नहीं करना है ऑटोमेटिक आपको फ्रंट पेज पे ही बना के देता है कि अच्छा वन यूएस डॉलर का कितना बन गया एटी वन रूपीज आईएसओ कोड था आई कोड देते ही इसको इमीडिएट समझ आ जाता है जैसे मान लीजिए मैं कुवैत की दिनार बात करता हूं तो उसका आई कोड है के ठीक है और यहाँ का करे, करेंसी है कौन सी आई एन आर ध्यान से देखिएगा मैं जो करेंसी पहले लिख रहा हूँ ना उसको वन में डाल रहा है रख रहा है ये अब अभी चीजों को नोटिस करते रहिए क्योंकि ये भी उसके साथ इन्वॉल्व है वो जो मैंने मुसीबतें बताया था ना उस मुसीबत के अंदर ये जो करेंसी को जो हम जिस फॉर्मेट में डाल के भी दे रहे हैं उसके भी बहुत ज्यादा मायने हैं आगे अभी मैंने क्या लिखा के डब्ल्यू डी आई एन आर अरे वाह कुत किल रहा है यानी कि वर्ल्ड के सबसे स्ट्रांगेस्ट करेंसी है ये ठीक है जैसे मान लीजिए मैं फिर से यहाँ पे डालता हूँ देखिए जा, क्या कहते हैं पाउंड का ग्रेट ब्रिटेन पाउंड उसका आई कोड जीबीपी है जी बी पी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ठीक है मैंने लिखा आई एन आर यानी कि ग्रेट ब्रिटेन वन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का कितना इंडियन रुपी होगा ये हमारे सामने आ जाएगा कह रहे कि आज के रेट पे अप्रोक्सीमेटली नाइनटी नाइन पॉइंट सिक्स फोर चल रहा है।, है ना क्या हम कह सकते हैं हंड्रेड रुपीज ओके अब सुनिएगा देखिए मैं क्या करता हूँ फॉर्मेट थोड़ा सा बदलता हूँ और ये फॉर्मेट सिर्फ ऐसा नहीं कि गूगल को समझ आता है ऑफिशियल कोटेशन ऐसे ही मिलेगा हर जगहों पे जी बी पी आई एन आर जहाँ पर भी लिखा होगा तो मतलब होता है वन जी बी पी का आई एन आर के टर्म में प्राइस अब मैं यहाँ क्या करता हूँ देखो बदल रहा हूँ इसको कुछ नहीं कर रहा आई एन आर और जी बी पी कर रहा हूँ ठीक है आई एन आर और जी बी पी देखिएगा ध्यान से क्या कर देगा पता है वन रुपी का कितना पाउंड स्टर्लिंग है यानी कि देखो करेंसी का सीक्वेंस बदलने से क्या रेट बदल गए ऐसे ही आगे क्वेश्चंस के अंदर भी मिलेगा और इंटरप्रटेशन बदलते हुए भी आपको दिखेगा तो इसीलिए कहता हूं कि इन सब चीजों को बस माइंड में रखते जाओ सारा चीज आपको एक जगह पर आके काम आएगा कोई भी चीज हम फालतू के डिस्कशन यहां नहीं करेंगे ठीक है आइए वापस इंडिया में अगर बैठे होंगे तो इंडियन रुपी ही होगा हाँ बिल्कुल सही है आ, ओके इनका कहना यह है कि यह तो इंडियन रुपी के कंटेक्सट में है ना हो सकता है दूसरे करेंसी के कंटेक्स्ट में कुवेत का दिनार उतना स्ट्रॉगर नहीं होगा तो आपको बता दूँ परचेजिंग पावर थेरी भी कुछ चीज होती है परचेजिंग पावर यह कहते हैं ठीक है कि आप किसी भी कंट्री का किसी भी करेंसी के साथ इन्वॉल्व करा लेना इक्वलेंट टर्म में इक्वल पहुंच जाएगा आपका शायद नहीं समझा होगा ठीक है अभी आपने बोला ठीक है एक काम करते हैं इस चीज़ों को भी अभी कर ही लेते हैं कोई इशू नहीं है अभी आपने बोला डॉलर वन का कितना आ रहा था बताइएगा मोटा मोटा एटी वन एटी के आसपास एटी नाइन था पाउंड का पाउंड का एटी के अराउंड एटी के अराउंड हमारा डॉलर चल रहा है एटी वन था चलो एक बार फिर से डाल लेते कोई बात नहीं एक बार यहाँ डालते हैं यूएसडी का यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर INR, ये जाएगा आपका एटी मोटा -मोटा वन के तो लिए अभी हमने बोला कुत का दिनार के डब्ल्यू डी एक का कितना था बताइएगा रुपीज टू सिक्स का अराउंड देखो परचेजिंग पावर क्या कहते हैं परचेजिंग पावर ये कहते हैं कि इक्विवेलेंट टर्म में सारे करेंसी की वैल्यू ना मैच करेगा परचेजिंग पावर मतलब इसके रूपी के टर्म में इसका जो वैल्यू होगा उसको आप डॉलर के टर्म में बदल लो एटी के रेट से जो अमाउंट आएगा वो आपका यही चीज आपको यूएस में उसी रेट में मिलेगा फिर उसको कन्वर्ट कर लो कुवैत के दिनार में फिर आप जाइए कुवैत में आपको वो जो सामान मिलेगा उसी रेट में मिलेगा यानी कि इसको परचेजिंग पावर जो होते हैं ना कंट्री वाइज आपका इक्वली मैच करता है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो ये अभी आगे बताएंगे कि करके सारा चीज एग्जाम्पल आपको मिलेगा जो भी चीज जो चीज हम बात कर रहे हैं ना इस चीजों को आपको पूरा का पूरा डायग्राम के साथ कहीं पे आपको लिखा हुआ सारा मिल जाएगा तो एक एक करके चलेंगे अभी तो हमें स्टार्टिंग में है ना चलिए वापस आते हैं तो आप मुझे बताइए क्या मैं ऐसे बोलूं इस वाले रेट के साथ में लिखता हूं एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए अच्छा रूपी एटी का डॉलर वन है ना तो बताना अगर इस रेट के साथ अगर मैं जाऊं और मैं ये लिखूं कि रूपी टू सिक्सटी सेवन होता तो डॉलर कितना होता है ये तो यूनिटी मेथड में इतना तो निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं ना चलो मैं एकदम और सिंपल कर देता हूं बच्चों वाली काम कर देता हूं ये लो रूपी एटी का डॉलर वन बचपन में से पढ़ते थे यूनिटी मेथड एक ही नियम अच्छा फिर रूपी वन होता तो डॉलर कितना होता जी वन डिवाइडेड बाई एटी फिर कुछ लोग परेशान हो सर इतना भी अंडर मत करो ना कर लेते हैं क्या जाएगा बताओ दस सेकेंड ही तो खराब होगी टू सिक्सल टू डॉलर वन डिवाइडेड बाई एटी अब बढ़ा दूँ अब तो बढ़ाना पड़ेगा ना एक डॉलर का इतना था तो टिक्स में तो ज्यादा होना चाहिए ना तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई बाई टू सिक्सटी सेवन चलो एक काम करते हैं टू सिक्स डिवाइडेड बाई एटी कितना आ गई थ्री पॉइंट थ्री थ्री सेवन फाइव मोटा मोटा क्या मैं ये बोलू कि और ये 267 का कितना था बताइएगा के डब्ल्यू डी वन इक्वल टू इतना था देख ध्यान से देखो कुत का दिनार वन का इतना रुपी इज इक्वल टू इतना डॉलर है ना तो अगर मैं इसको कुवेत के दिनार का डॉलर के टर्म में अगर रेट ढूंढने जाऊं तो इसके आसपास मिल जाए तो तब तो आप बोलोगे ना कि कुत की दिनार सबसे ज्यादा स्ट्रॉगर है, है डॉलर के टर्म में भी तब तो आप मान जाओगे ना ठीक है एक दिनार का क्या देखना है हमें डॉलर करेंसी में चलते हैं तरह से यहां पे हम यहां पे लिखते हैं के डब्ल्यू डी हमने लिख दिया के डब्ल्यू डी कौन सी करेंसी के कंटेक्ट में चाहिए हमें डॉलर यूएसडी सॉरी यूएसडी सही है लिखते गो ये देखो रहे देखो 3.28 चल रहा है अब तो आपको मानना पड़ेगा कि ये तो सिर्फ रूपी के टर्म में नहीं स्ट्रांगर है डॉलर के टर्म में भी कुवैत का दिनार एक जो है ना आपका 3.28 चल रहा है आज के रेट पे और ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ये आपको ऐसे मिल जाए किसी ने किसी मार्केट से उठाया हुआ रेट होता है ये सारे जितने भी आपको दिखता है ना ये आपको सारे ऐसा नहीं कि, कि कन्वर्टर लगा के रेट उठा रखा है ये मार्केट से उठाया हुआ रेट है देख रहे हो ग्राफ तक दिखता है आपको सामने ये कोई ऐसा नहीं कि कन्वर्टर यूज किया गया इसके अंदर कि इसको इसको कन्वर्ट करके आपको निकाल के दे बिल्कुल नहीं मार्केट में जिस रेट में ट्रेड होता है वो आपको दिख रहा होगा ठीक है इसका मतलब परचेजिंग पावर ये कहता है कि एक करेंसी के रेस्पेक्ट में अगर कोई करेंसी अगर स्ट्रांगर है तो हर कंट्री के रेस्पेक्ट में क्या है वो स्ट्रांगर ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए अभी से ही चले वापस आते हैं वर्ल्ड के स्ट्रांगेस्ट करेंसी फटाफट फटाफट टाइम नहीं लगाना है कुवैत का दिनार इंडियन करेंसी के रिस्पेक्ट में आज के रेट पे कितना चल रहा है एक्सप्रॉक्स में टू सेवेंटी कर सकते हैं दो देखो टू फिफ्टी से अब चाहो तो आप लोग इसको अपडेट कर सकते हो ठीक है इसको चाहो तो अपडेट कर सकते हैं टू सेवेंटी आ रे सिक्सटी सेवन के होने वाला है अब कुछ दिन के बाद देखोगे टू सेवेंटी पहुँच जाएगा किसी को कुछ डाउट है लाइव वाले का बोल सकते हैं कोई दिक्कत भी आएगा तो भी बोल सकते हैं चलिए अच्छा आ, ये फ्रैक्शनल यूनिट था इसको हम अभी बाद में बताते हैं अभी आपको सिंबल सिंबल वो होता है जो अभी जैसे लिखा था ना हम लोगों ने इस तरीके से पाउंड हो गया यूरो हो गया सिंबल हो गया ठीक है तो कंट्रीज करेंसी आईएसओ कोड सिंबल फ्रैक्शनल यूनिट जैसे रूपी का पैसा होता है ना वैसे ही हर करेंसी का एक फ्रैक्शनल यूनिट है वो क्यों जानना जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको फ्रैक्शनल यूनिट में डाला जाता है बात समझ में आ गई? जैसे सेंट में आएगा क्वेश्चन समथिंग सेंट अब नहीं पता समथिंग सेंट तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बार सुनते हो अरे तुम्हें तो मैं एक पेनी नहीं दे रहा वो क्या एक पेनी पाउंड के फ्रैक्शनल यूनिट है पाउंड के फ्रैक्शनल यूनिट पहनी है तो उसी तरीके से जो कुवैत का दिनार है ना उसके जो फ्रैक्शनल फील्स है ठीक है।, है इस पर क्वेश्चन नहीं आया चलो जनरल नॉलेज के लिए सही एक बार जान लिया हमने कि पाउंड की करेंसी सॉरी सॉरी पाउंड नहीं कुत की दिनार इतना ज्यादा स्ट्रांगर है, है कि उसको वन थाउजेंड पार्ट में डिवाइड करना पड़ा है और वो क्या है बताइएगा वन थाउजेंड फील्स है ठीक है चलो करके इधर आते फिर से वापस KWD, के डब्ल्यू डी थ्री लेटर का कैबरेवेशन जो इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज है जो सब लोग यूज़ करते हैं ऑफिशियली ठीक है कुेत का दिनार अप्रॉक्सीमेटली कितने के आसपास जा रहा है अब आप लोग रजिस्टर पर ध्यान नहीं देंगे बहुत बार क्या होता है ध्यान से रखिएगा बार बार रजिस्टर देख के ना माइंड में कोई चीज आ जाता है जब पढ़ते भी हो ना आप लोग कोई चीज़ तो मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि सामने आंसर रख के सॉल्यूशन रख के मत पढ़ा करो नहीं तो आपको पहले से क्या आएगा पता है हमें सब कुछ आता है और जब उसी चीज़ों को आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है एग्जाम में तो कहते सर एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते घर पर सब आता है वो खास करके वो किन के साथ होते पता है जो ऑडिट करके जाता है घर पे सॉल्यूशन रखेंगे सामने और समझेंगे कि हाँ मुझे ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है और जब एग्जाम में बैठेगा ना तो लिख नहीं पाएगा तो उसके बाद एक ही क्या कहते हैं कंप्लेन रहते हैं कि सर घर पे सब कुछ आता है एग्जाम में नहीं लिख पाते उनके सिर्फ किस चीज़ की दिक्कत है पता है प्रैक्टिस की दिक्कत है बिना देखे हुए लिखने की दिक्कत है बिना देखे हुए लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में आएगा ठीक है चलो वापस आते हैं एक एक करके आपको बता दूं इसके बाद अच्छा ये कितने के अराउंड चल गए टू सेवेंटी के अराउंड आज के रेट पे चल रहा है इसके बाद जो और भी बहुत सारे करेंसीज होंगे हमें कोई मतलब नहीं है इसके बाद जो हमारे सामने जो करेंसी आता है ना वो है जीबीपी पाउंड करेंसी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इसके बहुत सारे हिस्ट्रीज वगैरह इन्वॉल्व है वो जानना पड़ेगा जानते भी रहते हैं ताकि थोड़ा सा उससे कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी बढ़ जाते हैं और ख़ास करके एस का क्लास ले लें और अगर मान लीजिए जी, जी बिज़नेस पे जाते हो सी एन बी सी आवाज़ देखा ई टी नाव देखा और अगर आपका बिज़नेस चैनल का रिपोर्ट अगर नहीं समझ आया तो लाना थे ऐसे पढ़ना पे जो मेरा अपना मानना है जैसे मैं अपने लिए बताऊँ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके थे फिर एक बार कभी गुड़गांव में ऑप्टस सरोवर एक फाइव स्टार होटल है उसके ऑडिट पे गए थे तो वहाँ पे एक जो अकाउंटेंट थे वो ट्रेड कर रहा था मार्केट में तो वहाँ से मुझे समझ आया कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है मैं चार्टर अकाउंटेंट बन के गया हुआ था ऑडिट करने वहाँ पर और मुझे बिल्कुल नहीं पता था निफ्टी सेंसेक्स सुना था लेकिन उसके इवन 50 कंपोनेंट या 30 कंपोनेंट होते वो भी नहीं देखा था मार्केट स्क्रीन पे मूव कैसे करते वहाँ तक की नॉलेज नहीं थी ठीक है तो फिर वहाँ से देखा वो सारा देखते थे वो बार बार वो सी आवाज़ लगा के बैठे होते थे सी आवाज़ देख रहे होते थे और क्योंकि वो उनका उस टाइम्स पे भी वो चलता था क्या कहते हैं कुछ के दिमाग में आ सकता है कि सर उस टाइम पे इतना कहाँ लाइव की जमाने थे वो उन्होंने अपना ऐप्स बना रखा था मनी कंट्रोल पे मनी कंट्रोल वो सीएनवीसी आवाज़ वाले का रिलायंस के ही ग्रुप में है रिलायंस वाले का ही ऐसे समझ आप मनी कंट्रोल उसके अंदर एक टैब होता था लाइव टीवी का वो लाइव टी वी क्लिक करते क्योंकि यूट्यूब तो उतना पॉपुलर थे ही नहीं उस टाइम पर तो लाइव टीवी पे जाके वो देखते रहते थे मैं मैं भी उनके साथ कभी बैठ के देखा लंच के टाइम मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चार्टर अकाउंटेंट बन तो चुका हूँ लेकिन मुझे एक एक वर्ड वहां का कुछ भी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि मार्केट की कभी नजर शक्ल ही नहीं देखा तब वहाँ से मुझे इंटरेस्ट जगा थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश किया और तब वहां से देखते देखते रिसर्च करते फिर पढ़ाना शुरू किया था फिर उसके बाद ये सब जान के सारा चीज समझ आ गया और आज के डेट पर देखोगे हमारे ग्रुप के कितने सारे स्टूडेंट हैं वो सारे ऐसे ऐसे न्यूज वगैरह ढूंढ के ले आते हैं सारे जो हमारे पेपर से क्या होता है लिंकेज होता है कहीं ना कहीं वो पेपर से लिंक हो रहा होता है मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ना सिर्फ एम उससे लिंक हो रहा होता है आप देखना हमारे ग्रुप पे एक कुछ रिपोर्ट भी डालते रहते हैं एक दो बच्चे टेलीग्राम पे देखना उससे पता चल जाएगा कि वो सारे लिंक कर रहा होता है हमारे जो सफ एम से लिंक होता है ना वही डालते हैं वहाँ पर तो सब कुछ न्यूज में चल रहा होता है समझ में आना चाहिए वापस आइए हम अभी बात कर रहे थे जीवीपी की ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कहाँ की कंट्री करेंसी है ये यूके की यूनाइटेड किंगडम जब यूके की बात आती है तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की भी बात आती है हाँ या ना ओके इसमें ही नहीं, नहीं इसमें यूरो करेंसी भी इन्वॉल्व है ई यू आर यूरो करेंसी जो है उसका आई कोड ई यू आर है ओके वो कहां से इन्वॉल्व है यूरोपियन वो एक कंट्री नहीं हम ऐसे कहते हैं कि एक संगठन ने इस यूरो करेंसी को एज ए अपने नेशनल करेंसी की तरह यूज कर रहा है ओके मैं बात कर रहा हूं अभी यूरोप की अब देखिए ध्यान से क्या है यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा आप लोगों ने यूरोप की कुछ कंट्रीज की संगठन यूरोपियन यूनियन उसमें पहले ये देखो यहां से आपको समझ आ जाएगा नंबर ऑफ कंट्रीज इन यूरोपियन EU, यूनियन में कितने कंट्रीज है कितना दिख रहा है अभी आज के रेट पे आपको 27 कंट्रीज यूरोपियन एक संगठन जैसे होते हैं ना आप लोग यहां पे देखना हर एक फ, उस पर चले जाओ अपार्टमेंट वगैरह में समथिंग फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन फ्लैट के ओनर्स का एक एसोसिएशन है क्योंकि आपको पता है एक बिल्डिंग पचास ओनर कल के डेट पर डिस्प्यूट होगा कैसे होगा फर्स्ट फ्लोर पे ओनर कोई और सेकंड फ्लोर का ओनर कोई और जमीन किसका बहुत सारे चीज है उसमें बहुत सारे कैसे होगा तो लोग यूनियन बनाते और एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर सारे काम करते भाई कल के रेट पे पानी नहीं आया या फिर सिक्योरिटी गार्ड का मेंटेनेंस देना है सब मिलके देंगे सारा कुछ एक यूनियन बना के और ये सारे एसोसिएशन बनाते जितने भी आप देखना सारे का फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन होता ही होता है वो एसोसिएशन क्यों बना रखा है उसी मुसीबत से झेलने के लिए यहाँ पे आपको ट्वेंटी कंट्री मिलकर एक संगठन बना रखा है जिस जो कौन था यूरोपियन यूनियन ये अभी सत्ताईस दिख रहे हैं टू से पहले ट्वेंटी हुआ करता था कितने हुआ करते थे ट्वेंटी एट जिसमें से ये भी थे कौन ये भी था उस यूरोपियन यूनियन के अंदर और बाकी सत्ताईस तो है ही है बाकी जो सत्ता ये जो आपका ट्वेंटी एट अभी जो पहले थे ट्वेंटी एट में से एक तो ये भी था आपका मैं कैसे लिखूँ इसको ऐसे लिखता हूं एक तो ये हो गया और ट्वेंटी सेवन अभी ये है ये पूरे के पूरे अट्ठाईस हुआ करते थे इन लोगों ने संगठन क्यों बनाया था क्योंकि क्या है यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज सबका अलग अलग अपना अपना करेंसीज था अब वहाँ पे क्या है आपको पता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अगर होने लग जाए तो ट्रांजेक्शन में कॉम्प्लिक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है आएगा ना अगर हर चीज़ों में जैसे मान लीजिए अब एक फ्रांस वाले जर्मन वाले को क्या करता है कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पर भी कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो जाएगा तो वहाँ पर फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो जाएगा इन लोगों को ट्रेड को ट्रेड को आसान करने के लिए इन लोगों ने संगठन बनाया था और संगठन के अंदर क्या डिसाइड किया कि देखो सब लोग उसमें से जिनको लगता है तो जिसमें से यूरोपियन यूनियन के 17 कंट्रीज जो है ना सब लोगों ने बोला चलो ठीक है हम लोग ना यूरो को ही अपना नेशनल करेंसी मान लेते चलो कोई बात नहीं पूरे 28 ने नहीं ट्वेंटी एट थे ना सारे के सारे 28 कंट्रीज पूरे संगठन वालों ने यूरोपियन सॉरी यूरो करेंसी को ही अपना नेशनल करेंसी की तरह अडॉप्ट नहीं किया था यूके कहते नहीं हमारा अपना करेंसी होगा भाई पाउंड करेंसी है जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इसको लिखते हैं हम लोग उसमें आ, सिंबल में इस तरीके से लिखते हैं पाउंड वो कहते नहीं हम अपना करेंसी यूज करेंगे लेकिन ठीक है ट्रेड के लिए हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की तरह नहीं अज्यूम करेंगे मान लीजिए कोई जर्मन वाले को हमारे यूके में आना है आ जाओ कोई बात नहीं ऐसे आ जाओ क्या कहते हैं वीजा की जरूरत नहीं है कुछ वही वीजा की वीजा की जरूरत नहीं है हम आपको फ्रीली अलाउ कर देते हैं लेकिन करेंसी हम अपना यूज करेंगे कुछ छोटी छोटी बातें कुछ समझ आई सारे के सारे संगठन के कंट्री ने एक ही करेंसी को एज ए नेशनल करेंसी यूज नहीं किया था लेकिन उसमें से सत्रह करेंसी सेवेंटीन कंट्री जो है वो कौन सी करेंसी को अपना आ, नेशनल करेंसी की तरह यूज कर रहे थे यूरो को जिसमें से अब बताता हूं जैसे <coughs> क्वेश्चन के अंदर जैसे फ्रांस की आपको क्वेश्चन के अंदर ना दो करेंसी मिलेगा एक उनकी लोकल करेंसी तो है ही है और एक नेशनल करेंसी भी मिल जाएगा किसी क्वेश्चन में फ्रेंच फ्रैंक वर्ड दे देगा फ्रांस के लिए किसी क्वेश्चन के अंदर यूरो दिया रहेगा अब आप कन्फ्यूज तो फ्रांस कौन सी करेंसी यूज करता है क्योंकि फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन के मेंबर है वो यूरो की एज ए नेशनल करेंसी भी यूज करते उनका अपना लोकल करेंसी फ्रेंच फ्रैंक भी है ठीक है अब जैसे यूरो को कंट्रोल करने वाले यूरो के लिए उनका अपना क्या कहते हैं रेगुलेटर है ईसीबी सी भी बोलते जिसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक तो ईसीबी आपको यूरो को कंट्रोल करते हैं बाकी सबका जिसका अपना अपना है तो ये जो यू के इसको ओवर कॉन्फिडेंट हो गया वो कहते हैं देख भाई हम इस संगठन में होने की वजह से बाकी सत्ताईस लोग ना हमारा खाता है ऐसे समझ जाओ इनको अपना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है वो कहते हैं जो बाकी सत्ताईस है ना ट्वेंटी सेवन जो है वो आ जाते हैं हमारे कंट्री में फ्री में एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है उनको सब कुछ वो उनको लग रहा था कि बाकी ट्वेंटी सेवन जो है ना हमारे पे डिपेंडेंट है हमारा ही बेनिफिट वो लोग ले रहा है इन्होंने क्या सोचा पता है मुझे नहीं रहना संगठन में जा संगठन में नहीं रहने का मतलब क्या हो बताइए संगठन में मैं नहीं रहूंगा इसका क्या मतलब है कि हम यह अज्यूम करके चलेंगे कि तुम्हारे 27 में से कोई भी अगर हमारे कंट्री में आएगा तो बिना वीजा कंट्री नहीं कर सकते तुम तुम्हारे कंट्री के हम अपने पास एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो इससे क्या हो जाएगा हमारे कंट्री वाले के एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी इन लोगों को हम क्यों फ्री में एम्प्लॉयमेंट दे रहे ये सब सोच के टू में ये यूके ने इस संगठन से निकलने की डिसीजन लिया अब ये कैसे निकलेंगे तो इनके लोगों से पूछेंगे पब्लिक रिफरेंडम किया जाता है पब्लिक से ही पूछा जाता है कि संगठन में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो ठीक है तो सबको उम्मीद था कि ऐसा डिसीजन तो लेंगे नहीं कि भाई तुम निकलोगे क्योंकि पता है जब संगठन से निकलोगे तो तुम अकेला हो जाओगे बाकी इधर ट्वेंटी सेवन अभी भी है तो ज्यादा नुकसान तो किसका होगा मान लीजिए एक ज्वाइंट फैमिली में पांच ब्रदर था मान लो ऐसे आज के डेट पर तो नहीं होते मान लीजिए पुराने फैमिली में पाँच होंगे शायद तो क्या होता है चार कहते हैं हम साथ में रहेंगे एक निकलेंगे तो ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है एक जो निकलने वाला ये मान के चलते कि चार की अब यूनिटी ज्यादा रहेगा उनको हर चीजों में ज्यादा अच्छा होगा किसी को उम्मीद नहीं था कि ये निकलेंगे ठीक है और निकल गए कौन आई थिंक फिफ्टी वन परसेंट की वोटिंग आ गए कि हम लोग निकलेंगे इसमें से उसके बाद वर्ल्ड में भूचाल आ गए थे अर्थकोक आ गए थे पूरे फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर गए थे क्योंकि लगा कि इसकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा आना है फाइनेंशियल मार्केट पे ठीक है तो ये जो पाउंड करेंसी है ना ज्यादा बुरा किसके साथ होगा यूरो के साथ या पाउंड के साथ जो निकला है पाउंड यूके के साथ ज्यादा बुरा होने वाला है और बताऊं उसकी जो यूके की जो इकोनॉमी जो पे जो मार पड़ी वो शायद अभी जाके वो वापस आई थी रिसेशन में जा गए उसके बाद वो जाना ही है कंफर्म था और एक कंट्री जब रिसेशन में जाते हैं तो उसके आसपास जितने भी उससे लिंक होते हैं ना सबको लेके जाता है जैसे आप देखोगे टू की कहानी कहीं पर भी जाना टू की कहानी सामने आ जाता है अब नहीं पता है तो पता होना चाहिए टू नहीं पता है तो चार्टेड अकाउंटेंट बन के डब्बे वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट रहोगे फिर क्योंकि कहीं पे भी कुछ डिस्कशन होगी ना कभी भी कुछ क्रैश होगा मार्केट तो 2008 थाउजेंड एट वहाँ बीच में आ ही जाता है क्योंकि अभी तक के सबसे बड़े क्रैश जो मार्केट की हुई थी 2008 में जबकि लेमन ब्रदर जो यूएस के फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक जब बैंक हुई थी ये जब इन्वेस्टमेंट बैंकर थे यानी कि ये वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट जो कि बैंकप्ट हुआ था उसके बाद वर्ल्ड पूरे ग्लोबल स्लो डाउन गया था 2008 में ये चीज हुई थी और ये जो रिसेशन में रिसेशन का मतलब उसका जीडीपी नेगेटिव निगेटिव हो जा गया था यूएस का जो कि 2015 में वापस आए कब 2015 में 2008 से 2015 तक यूएस रिसेशन में रहा जब रिसेशन में होते हैं तो उसके लिए जीडीपी को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है जैसे उसका इंटरेस्ट रेट का पॉलिसी जीरो परसेंट हो गए थे यानी कि यूएस में इंटरेस्ट रेट जीरो परसेंट आज के रेट पे भी आप देखना जो बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट निगेटिव चल रहा है बैंक ऑफ जापान की सेंट्रल बैंक की रेट निगेटिव चल रहा था पीछे तक अभी का एग्जैक्टली अगर बढ़ा दिया होगा तो ना पता हो है ना वो देख लेंगे जब कभी आएंगे न्यूज़ पे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना जबकि यूएस का बैंक बैंक हुई थी ना तो फिर ग्लोबल स्लोडाउन क्यों आ गए अभी बताऊंगा आगे लिंक करके सारे चीज बताऊंगा ठीक है वैसे ही लोगों का मानना था कि 2008 के बाद के सबसे बड़ा घटना है ये कौन सी 2016 में जो ये यूके क्या कर रहा है इस यूरोपियन यूनियन से बाहर होने की बात कर रहा है और आप देखोगे जब ये यूरोपियन यूनियन से बाहर होते हैं बड़ी दिक्कत हो गई मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये टॉपिक आज ही आ जाएंगे ठीक है मैं आपको आगे कहीं पे आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा आगे डिमांड सप्लाई में जब आएंगे तो मैं दिखा दूंगा क्योंकि मुझे वो दूसरे स्क्रीन पे है तो मुझे वहां से लाना पड़ेगा इस स्क्रीन पे दस परसेंट मेरे पास ग्राफ पड़ा हुआ है ये पाउंड करेंसी जो है ना हिस्ट्री में इतना कभी डिप्रसेट नहीं हुआ था एक दिन में करेंसी दस डाउन हो गए हर करेंसी के रिस्पेक्ट में चाहे वो डॉलर हो चाहे वो नेपलीज रुपीज हो चाहे वो जापानीज एन हो चाहे वो इंडियन रुपी हो चाहे वो चाइनीज चाइनीजान हो किसी भी कंट्री के रेस्पेक्ट में देखते हैं ना तो कौन सी करेंसी डेप्रिसिएट हुआ था जीबीपी हाँ ये भी अच्छी भी बात है क्योंकि वो अभी मैं ग्राफ दिखाऊंगा तो भी आपको समझ भी नहीं आएगा क्योंकि वहां जो जिस टर्म्स में लिखा होगा ना क्योंकि जब तक एक्सचेंज रेट आपको समझ नहीं आएगा तो कौन सी करेंसी सस्ता हो रहा है कौन सी करेंसी महंगा हो रहा है वह नहीं समझ आएगा आपको ग्राफ दिखाने के बावजूद भी ऐसे समझ आइए कि पाउंड करेंसी वर्ल्ड के कोई भी ऐसा करेंसी नहीं होगा जिसके रेस्पेक्ट में वो टेन परसेंट डाउन नहीं हुआ था और टेन परसेंट अगर कोई करेंसी एक दिन में डाउन हो जाए आप समझ जाइए इससे बड़ा अर्थ कोई कुछ हो ही नहीं सकता है ठीक है क्योंकि आज तक तो मैंने किसी करेंसी को दस परसेंट डाउन होते हुए तो अभी तक नहीं देखा है वन टू परसेंट अगर किसी दिन डाउन हो गया ना दो परसेंट से ढाई परसेंट अगर किसी दिन डाउन हो जाता है तो न्यूज में सिर्फ एक ही चीज छाया होता है कि ये कैसे हो गया और इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या क्या कहते हैं एक्शन ले रहा है इस तरीके है चलो वापस आते दिखाएंगे आगे, आगे आपको मैं ग्राफ दिखाऊंगा और उसका न्यूज भी दिखाऊंगा ये वाले न्यूज इससे थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि किस तरीके से न्यूज में क्या वर्ड वगैरह यूज करते हैं और आपको समझ आता ही नहीं आता है यह भी नहीं समझ आएगा अगर मैं दिखाऊंगा भी नहीं ये न्यूज तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इसमें करेंसी अप्रिसिएट होना करेंसी डेप्रिसिएट होने की बात करेगा अभी आपको पता ही नहीं चलेगा फिर वहां बोलेंगे सेंट्रल बैंक ने ये एक्शन लिया सेंट्रल बैंक ने वो एक्शन लिया आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है इसके अंदर तो वो सब चीज मैं आपको बाद में सेकंड और थर्ड लेक्चर में दिखाएंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो ये था यूके और यूरोप की कहानी हाँ अब यू इसमें अप्रोक्सीमेटली सत्रह करेंसी यूज कंट्री यूज करते बट आपको वो सब याद करने की जरूरत नहीं बस आप इतना समझ जाओ कि यूरो करेंसी जो है ना वो एक कंट्री यूज नहीं कर रहा है जर्मन के लिए देखना जर्मन के लिए कभी क्वेश्चन के अंदर ड्यूज मार्क आ जाएगा कभी आपको यूरो आ जाएगा अब कन्फ्यूज सर जर्मन कौन सी करेंसी यूज करता है क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से रेट दिया होता है ना कि आपको पता करना पड़ेगा कि करेंसी होगी है ठीक है तो आपको लगेगा सर ये जर्मन की करेंसी है तो आपका भी लिखा गया यूरो तो यूरो भी भी आप यूज होते जर्मन में, और भी यूज होते होते हैं हैं में और मार्क उसका अपना एक एक लोकल करेंसी एक हो आपका नेशनल करेंसी जो जो कंट्री कंट्री यूज करते समझ में आ बात जो ये है ना उसका अपना भी करेंसी है और ये एज ए नेशनल करेंसी भी यूज करते हैं तो इसीलिए दो दो करेंसी भी आपको नजर आएगा तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा और उतना ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं हमें सिर्फ इतना समझ में चलना है कि भाई ये यूरो जो है ना ये एक कंट्री में नहीं किसी के लिए भी अटैच हो सकता है बस सिंपल इतना समझ जाओ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आ, कहां थे हम लोग यूरोपियन यूनियन वाले पे हम लोग चार्ट भी देखेंगे न्यूज भी देखेंगे आगे बढ़ते हैं अब आते हैं इसके बाद जो अच्छा इसका कितना टू सेवेंटी यूके की पाउंड कितना अभी हम लोगों ने देखा था अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड के अराउंड यूरो करेंसी अगर आप देखोगे ना तो मोटा मोटा 90 की एटी एट समथिंग नाइन्टी समझ जाओ आप इसको दस रुपये कम है यूरो का तो बोलोगे अभी भी उस टाइम पे नीचे हो गया ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा नीचे चला गया ये लेकिन फिर वापस आ जाते हैं ना अपने लेवल पे तो पहुंच ही जाते हैं पे स्ट्रेंथ होता है अपने आप को तो रिकवर कर ही लेता है यूरो के बाद आता है यूएसडी नहीं यूएसडी नहीं सी एच एफ सीएचएफ स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विश फ्रेंक सीएचएफ ये जो है ना अप्रोक्सीमेटली वैसे देखा जाए तो यूरो के कंपेरिजन में पहुंच चुका है लेकिन ठीक है फिर भी हम लोग ये मान के चल सकते हैं इसके बीच का का करेंसी है सीएचएफ स्विट्जरलैंड की करेंसी इसके बाद जो आएगी आपका डॉलर यूएसडी जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितने के राउंड है एटी के राउंड चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कुवैत का दिनार उसके जस्ट बाद पाउंड उसके बाद यूरो उसके बाद स्विस फ्रैंक उसके बाद डॉलर अब एक चीज और याद रखने बहुत काम का है आगे क्वेश्चन के लिए ये तीनों चारों करेंसी ऐसे है ना जो टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होने वाला है जैसे अभी मैं बता दूं, सी एच एफ अभी पहुंच चुका है इसके ऊपर इसके आसपास, और आज से तीन चार साल पहले चले जाओ ये था इसके आसपास, एक टाइम पे तो इसके नीचे भी चला गया था कौन सी एच एफ यानी कि डॉलर मतलब नीचे और ऊपर मतलब क्या हो गया इतना तो समझ में आ गया होगा क्वांटिटी में अगर ये स्ट्रोंगर टू वीकर की तरफ तो समझ आ रही है जैसे देखो ऐसे समझिए आप एक पाउंड का सौ रुपये और एक यूरो का नाइंटी रुपीज है ना कौन स्ट्रोंगर है कौन वीकर है यह भी जानना बहुत जरूरी है फटाफट फट। कौन स्ट्रांगर है कौन वीकर है जिसकी क्वांटिटी कम होता है वो स्ट्रांग होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होता है वो वीक होता है इतना तो क्लियर है ओके जैसे दो वाले नोट होगी तो उसकी क्वान्टिटी क्या होगा कम होगा क्योंकि वो 2000 की जो करेंसी है ना उसकी स्ट्रॉग स्ट्रेंथ ज्यादा है स्ट्रोंग करेंसी है मतलब उसका एक नोट की स्ट्रेंथ ज्यादा है 100 का नोट होगा तो उसकी क्वांटिटी क्या होगा ज्यादा होगा तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होता है उसका वैल्यू कम होता है वर्थ कम होता है जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल मेरे तीन चार चीजों से अगर एक्सचेंज होता है मान लीजिए मैं तीन चीज देता हूँ आपके मोबाइल के साथ एक्सचेंज होगा तो क्वांटिटी किसका ज्यादा है इधर इसका मतलब इसका वैल्यू जो है ना आपके मोबाइल से वैल्यू इसका क्या है कम है वैल्यू कम है तभी तो क्वांटिटी क्या है ज्यादा है यहां देखिए इसमें क्वांटिटी किसकी ज्यादा है ये तो ये वीक है इसके रीजन इसके कंपैरिज़न में इसके कंपैरिज़न में उतना वीक नहीं उससे थोड़ा सा स्ट्रांगर है कह सकते हैं हम लोग हाँ या ना यानी कि ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया अगर इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर आप चेक करोगे तो इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा पाउंड से हाँ या ना देखो रूपी का स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगा ना रूपी का स्ट्रेंथ तो नहीं चेंज होगा तो आप सोचो ये हंड्रेड है रुपीज और यह नाइनटी है अगर इसको हंड्रेड करूं मैं तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाया आपने तो इसका क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना वन से ज्यादा हो जाएगा ना क्योंकि इक्विवेलेंट वैलेंटर्म में तो सेम होना है क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वन यूरो का बात कर रहे वन यूरो का रुपी नाइन्टी और वन पाउंड का रुपी हंड्रेड मुझे अगर पाउंड और डॉलर यूरो को अगर कंपैरिजन करना हो तो ये क्वांटिटी तो सेम करना पड़ेगा ना क्योंकि इसकी तो स्ट्रेंथ सेम ही है इसका स्ट्रेंथ थोड़ा ना चेंज होने वाला है तो ये तो सौ करूंगा तभी तो हमारा इक्वल होगी ना तो इसको अगर मैं हंड्रेड करूं तो ये क्वांटिटी तो ज्यादा होगी ना एक से मान लीजिए वन पॉइंट समथिंग आ गया तो वन पॉइंट समथिंग आ गया इसका तो मतलब इसका क्वांटिटी ज्यादा होगा इन रेस्पेक्ट टू पाउंड तो क्या मैं ये बोलू पाउंड से वीकर है यूरो तो हम अभी जो लिस्ट दे रहे हैं वो क्या चल रहा है स्ट्रांगर टू वीकर की तरफ की लिस्ट चल रहा है हमारा ठीक है तो पाउंड से थोड़ा सस्ता है कौन यूरो यूरो से थोड़ा सस्ता कौन है सीएचएफ सी एच एफ से थोड़ा सस्ता कौन से है यूएसडी ये चारों करेंसी ना बहुत ज्यादा अप डाउन होने वाला है टाइम टू टाइम मैंने जो बोला है दो सेकंड टाइम यूज किया इसको ध्यान से सुन लो कभी पाउंड स्ट्रांगर कभी यूरो स्ट्रांगर कभी डॉलर स्ट्रांगर कभी सी एच एफ स्ट्रांगर टाइम टू टाइम जैसे अभी आपको पाउंड दिख रहा है ना स्ट्रोंगर आज से आप बीस साल पहले का रेट उठाइएगा आपको यूरो मिल जाएगा स्ट्रांगर अब सुनिए एक और भी बात जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना वो आज ही फ्रेम नहीं किया गया है वो आज से बीस साल पहले भी फ्रेम किया गया ये भी दिमाग में सेट कर लो मान लीजिए आज से बीस साल पहले कोई क्वेश्चन बुक डिजाइन किया था किसी ने किसी फॉरन राइटर ने ठीक है आज से 20 साल पहले किसी फॉरेन राइटर ने अगर किसी मतलब हमारे कंट्री का करेंसी नहीं है वो उसमें इन्वॉल्व है वो बाहर का बुक है तो बाहर का बुक है मान लीजिए एक यूके वाले ने कोई बुक लिखा था वो डॉलर के रेस्पेक्ट में तो उसके बुक में कौन सी करेंसी मिलेगा उसने ये और ये करेंसी डाला होगा अपना और क्वेश्चन कब फ्रेम किया गया था बीस साल पहले इंस्टीट्यूट को तो क्या है कॉपी करने की आदत है है ना वो क्या करेगा बीस साल पुराना क्वेश्चन कॉपी करेगा अब आज हम क्या लिए? सोच के चल रहे हैं कि पाउंड तो स्ट्रांगर है यूरो से आज से बीस साल पहले चले जाओ यूरो स्ट्रांगर होता था पाउंड से क्वेश्चन के अंदर क्या होगा यार याद रखिएगा जिस इंसान ने क्वेश्चन बनाया था उनको तो स्ट्रेंथ पता था उसने उस क्वेश्चन के अंदर क्या करा होगा यूरो को स्ट्रांग कर दिया होगा और पाउंड को क्या कर दिया होगा वीक और नलायक लोग क्या करते हैं जब कोई एक्सचेंज रेट कोट करके देता है ना तो वो लिख के नहीं देता किसके साथ वन किसके साथ अदर करेंसी यही गलती है इंस्टीट्यूट का भाई अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से कि बीस साल पहले का स्ट्रेंथ में याद करके चलू अभी बात समझ में आई कुछ तो यानी कि ये जो चार करेंसी है ना इस चार करेंसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नजर आ सकता है बाकी आज से पचास साल पहले चले जाओ रूपी करेंसी वीकर है पाउंड के रेस्पेक्ट में तो वीकर ही है हमेशा कभी मिला है रूपी स्ट्रांग होते हुए पाउंड से नहीं कभी ऐसा दिखा है कि रूपी वन का रूपी वन का चलो इधर आ जाते ये करते हैं रूपी वन का डॉलर कर लेते हैं हम लोग डॉलर सॉरी रूपी वन का डॉलर फाइव ऐसा कभी दिखा है वो पॉलिटिशियन ही शेयर करता है बाकी और नहीं जगह मिलता है कहीं ये सब कहता है ऐसा दिख रहा है ना तो वो सिर्फ वो सोशल मीडिया पे दिखाओ अगर किसी पॉलिटिशियन ने ही दिखाया होगा और भी चुनाव के टाइम पे कि देख भाई हमारे टाइम पे तो ऐसा चलता था आज ऐसा क्यों हो गया वो सब फेक है वो सब ऐसे ही बनाया हुआ है वो सब उस पर ध्यान मत दो आप जब से चालीस पचास साठ सत्तर साल के हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये रूपी वन का डॉलर कितना होगा आपका ग्रेटर देन वन मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा मतलब कभी भी हिस्ट्री में चले जाओ रूपी आपको क्या दिखेगा वीकर किसके रेस्पेक्ट में डॉलर के भी रेस्पेक्ट में सी एच एफ के भी रेस्पेक्ट में यूरो के भी रेस्पेक्ट में पाउंड के भी रेस्पेक्ट में स्ट्रेंथ पे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं क्योंकि उस मुसीबत से हमें बाहर निकालना है बात समझ में आ गई अब क्वेश्चन में जाके रट्टा लगाऊं तो काम नहीं चलने वाला है ठीक है इसीलिए अभी से ही इन सब चीजों को ध्यान में रखिए और जब हमारे सामने मुसीबत आएगा तो उस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे देख लेंगे हम उस टाइम ठीक है चलिए आगे बढ़ते डॉलर के बाद दो तीन और डॉलर का क्वेश्चन आता है हमारे पास एक आता है कैनेडियन डॉलर एक आता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर ध्यान से सुनिएगा कैनेडियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर सिंबल सबका सेम है इसको 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 भी 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 ऐसे करते, इसको भी ऐसे ऐसे करते 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 हैं, हैं, हैं सिंबल में लेकिन कंफ्यूजन तो हो जाएगी इसीलिए यूज किया जाते है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो यूएस डॉलर से वीकर है कैनेडियन डॉलर उससे वीकर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर ठीक है यह जाता है अप्रोक्सीमेटली वैसे साठ से ऊपर है ठीक है सिक्सटी हम याद रख सकते मोटा मोटा यह फिफ्टी फाइव देखते इधर क्या चल रहा था आते हैं एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं, भी इधर भी ब्रशअप करते चलते हैं यूके की करेंसी पाउंड इसी को पाउंड स्टर्लिंग भी बोला जाता है ओनली स्टर्लिंग भी बहुत सारे जगहों पे लिखा होगा जी बी पी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इसका दो सिंबल मिल सकता है आपको याद रखिएगा कभी आपको इस तरीके का सिंबल मिल सकता है कभी इस तरीके का सिंबल मिल सकता है ये जो डबल लाइन जो होती है ना वो इस चीज़ों को बताता है कि करेंसी हमारा कितना पॉपुलर है ध्यान से रखिएगा ये कॉमन पार्लेंस बना रखा है कोई रूल नहीं है कॉमन पार्लेंस ये बना रखा है किसी करेंसी के सिंबल के अंदर दो लाइन अगर पैरल लाइन आता है तो वो करेंसी ना पॉपुलर है महंगा होना और पॉपुलर होना दो अलग अलग चीज है मैंने क्या बोला अभी महंगा और पॉपुलर दो अलग अलग चीज है वर्ल्ड के सबसे स्ट्रांगेस्ट करेंसी कौन सी कुत का दिनार लेकिन क्या ये इतना पॉपुलर है जितना डॉलर इन्वॉल्व जितना डॉलर पॉपुलर है पॉपुलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि वो कहीं भी लेके जाओ उसको एक्सेप्ट कर लेगा वो तो पॉपुलर है महंगा कोई जरूरी नहीं कि पॉपुलर होगा बहुत बार सस्ता भी पॉपुलर होता है जैसे जापानीज जेन की बात करते हैं जापान की किसी भी अगर सामान के पीछे अगर ये दिख जाए मेड इन जापान आंख बंद कर लो और ये मान के चलते कि इससे बढ़िया क्वालिटी तो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता तो मुझे बताओ जापान की टेक्नोलॉजी जब इतना आगे है इतना अगर आगे है तो फिर उसकी करेंसी सबसे वीकर क्यों है फिर आएंगे एक एक करके जापनीज एन सबसे वीकर है सबसे ऊपर का मतलब क्या हो गया कि आज के डेट पे अगर आप ये कहते हो कि रुपीज अगर हमारे पास हंड्रेड है तो जैपनीज एन कितना होगा बताइए कितना होगा ये जाएगा आपका 155 के अराउंड तो मुझे बताइए ये तो वीक हो गया ना और अभी से नहीं पिछले कभी की हिस्ट्री उठा लो 25, 30, 40 साल पुराना भी हिस्ट्री उठा लो जैपनीज एन आपका वीकर है और इंडियन करेंसी स्ट्रांगर है तो वही चल रहा है तो आप मुझे बताइए इकोनॉमी तो इतना डेवलप्ड है इसकी अगर बात करें जाए जापनीज एन की मैं खास करके ये लिखूं तो एन ही समझ लेना वैसे युआन का भी यही सिंबल होता है चाइनीज़ युआन का लेकिन अभी तक क्वेश्चन में जब भी ये लिख के दिया है तो इंस्टीट्यूट ने अभी तक क्या इंटरप्रेट किया है जापनीज एन ही एज्यूम करा है तो हम भी यही अज्यूम करेंगे लेकिन आप देख लीजिएगा चाइनीज युवान है ना इसका दो सिंबल है एक चाइनीज में है और एक इस तरीके से आपका दोनों चाइनीज युवान का सिंबल होता है जिसको आई कोड में सी एन वाई यूज करते हैं हम लोग सी एनवाई पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा सी एन वाई मतलब चाइनीज युवान ठीक है वापस आते हैं हम लोग कहाँ थे हाँ स्ट्रेंथ में आएंगे थोड़ा देर बाद आएंगे ओके तो अब आप मुझे बताइए ये देखो ध्यान से देखो देखो कितने लाइन है ये देखो मैं चलता हूं थोड़ा देर के लिए किसी भी मार्केट पे चलते थोड़ा देर के लिए हम एनएससी में चल लेते हैं ठीक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पॉपुलर सबसे बड़ा नहीं कह सकते बड़ा तो बी है लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एक्सचेंज है वो एनएससी है इसके मैं आपको किसी एक स्क्रीन पर चला गया देखिए बीच स्क्रीन पर आपको कुछ रेट दिख रहा होगा दिख रहा है कुछ देखिए चार करेंसी का ही रेट आपको नजर आ रहा है देखिये यूएसडी यू आर जी बी पी जे पी वाई भाई ये तो सस्ता है लेकिन एक चीज याद रखना जापनीज एन किसी भी कंट्री वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में लेके चले जाओ करेंसी कोई बैंक ये नहीं बोलेगा कि भाई ये करेंसी हम नहीं लेंगे बात समझ में आई कुछ जापनीज एन लेके आप किसी कंट्री में चले जाओ और उसको बोलो ये बराह मेरे पास जापनीज एन अगर वो बैंक कहता है कि मैं ये करेंसी नहीं लेता यह नहीं मिलेगा आपको मतलब इतना पॉपुलर है वो ठीक है लेकिन वही कुेत का दिनार लेके चले जाओ कुछ बैंक बोलेगा नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता जैसे नेपलीज रुपीजी लेके आ जाए और बैंक में जाइए बोली कि भैया ये नेपलीज रुपीज़ लेके मुझे इंडियन करेंसी दे दो कहते नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा चले जाओ आप आरबीआई के पास चले जाओ कहीं और चले जाओ मेरे ब्रांच में नहीं चलता है मतलब वो उतना पॉपुलर नहीं है ठीक है अब आइए पॉपुलरिटी की एक और भी बात कौन सी करेंसी पॉपुलर होगा या नहीं होगा ये कैसे कौन डिसाइड करेगा बताओ जैसे अभी तो हम यही यूज़ कर रहे हैं नहीं तो अदरवाइज़ में पहले दूसरा एक नोट यूज़ करते थे ना उसमें एक रिफ़िल यूज़ करते थे वो एक रिफ़िल आता है फिफ्टीन रुपीज़ का जो मैं पहले पैड यूज़ करता था उसमें होगा कहीं पे भी मेरे पास पता नहीं कहाँ है ठीक है बट अगर जाते थे ढूंढने ना किसी के पास तो किसी के पास नहीं होता था महंगा तो है लेकिन पॉपुलर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो पैड को यूज़ नहीं करता था तो मुझे स्पेशली किसी एक वेंडर से मंगवाने पड़ते थे तो क्या हो गया बताइए आपके पेन की रिफ़िल कहीं भी जाइए ढूंढिए मिल जाएगा लेकिन मेरे पेन की रिफिल नहीं मिलता था क्यों नहीं मिलता है बताइए यूज नहीं डिमांड सप्लाई ग्रेट डिमांड सप्लाई अगर नहीं होगा तो क्यों रखेगा वो दुकानदार सोच के देखो जब अगर डिमांड सप्लाई नहीं है तो क्यों यूज करेंगे एक चीज बताओ जैसे दिखाता हो ना थोड़ा सा आप लोगों को फील होगा कि मैं जो कह रहा था वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था क्या कर रखा है भाई इस ये देखो ये होती है यही वो पेन है और इसके साथ ये रिफिल यूज होती है जो मैं पहले पैड यूज़ करता था ठीक है ये फिफ्टीन रुपीज़ का एक आता है बट ये नहीं मिलता है कहीं पे क्यों नहीं मिलता है क्योंकि ये यूज़ करने वाले नहीं है डिमांड नहीं है तो सप्लाई क्यों रखेंगे बट मैं कहता हूँ कि मैं आप लोग को एक सैंपल देता हूँ ये सैंपल देता हूँ ठीक है ये सबको देता हूँ आप लोग को एक एक करके सैंपल देता हूँ और कहता हूँ एक ही दुकानदार के पास जाना और हर एक दो दिन के गैप में जाना और सब लोग बताना भैया रिफिल रखते हो गया देखना चौथे पाँच दिन के बाद हो सकता है वो अरेंज करने की कोशिश करेगा क्यों बताइए वो सोच रहा होगा पहले दिन तो जाओगे तो नज़र भी नहीं डालेगा भाई ये है क्या ये स्टील का एक रिफिल जैसे दिख रहा है आपको वो क्या है नज़र भी नहीं डालेगा सेकेंड डे जाएगा तभी इग्नोर करेगा अ नहीं है भैया तीसरे दिन अगर पहुंच जाए कोई दूसरा लेके तो एक बार जरूर आपसे हाथ में लेके देखो भाई है क्या ये जो बार बार लोग पूछने आ गए कि ऐसा तो नहीं कि मार्केट में इसका डिमांड आ गई समझ में आ गए चौथे पाँचवें दिन और भी लेके जाए तो अगले दिन से वो अरेंज कर लेगा क्या हुआ देखिए ध्यान से अगर इसको यूज़ करने वाले ज़्यादा लोग हो जाए तो पॉपुलरिटी तो अपने आप आ जाएगी ना बात कुछ समझ में आई यूज करने वाले होंगे तो पॉपुलर तो हो ही जाएंगे क्योंकि अगर डिमांड है तो सप्लाई तो रखना ही पड़ेगा ना दुकानदार बैठा क्यों है बताइए बिजनेस क्यों कर रहा है कमाने के लिए जब डिमांड है तो सप्लाई तो करेगा ना वो तो वो कहीं से अरेंज करके वो ले आएगा होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपको आंसर मिल गया होगा ये क्वेश्चन हर बार आता है मैं एक चीज और याद रखिएगा आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि देखो आज की टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है स्टूडेंट आलसी हो चुके हैं तो उनको घर पे बैठ के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है है ना यहाँ पे आना नहीं चाहते अदरवाइज़ मैं किसी टाइम पे सामने मैक्सिमम फोर थर्टी के स्ट्रेंथ को मैं एक बार में पढ़ा चुका हूँ जिस टाइम हमारे क्लासेस मंडी हाउस में एल टी ऑडिटोरियम में चलते थे तो मैक्सिमम एक सामने बिठा के फोर थर्टी स्टूडेंट को चार सौ तीस बच्चे को पढ़ाते में बिठा चुका हूँ मतलब बिठा के पढ़ा चुका हूँ तो कितने क्वेरीज अगर पीछे आए हो सारे मेरे दिमाग में भी चल रहा है तो आप लोग क्वेश्चन पूछो ना पूछो सारे आंसर मैं आप लोगों को देते चलूंगा ऐसा कोई बैच नहीं होगा जिसमें एक क्वेश्चन नहीं आया कि सर जैपनीजन इतना सस्ता है तो फिर ये इतना पॉपुलर क्यों है तो वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था पॉपुलरिटी और स्ट्रेंथ जो है ना दो अलग अलग चीज़ें है पॉपुलरिटी कहां से आती है यूसेज से डिमांड सप्लाई से ठीक है तो डिमांड अगर है तो सप्लाई करने पड़ेंगे अब सोचिए वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी कौन है करेंसी नहीं इकोनॉमी वर्ल्ड के सबसे स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी कौन है मैंने बोला है मतलब कौन सबसे ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करता है जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है वो सबसे स्ट्रांग है जीडीपी का मतलब क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसे तो नॉर्मल यही समझते हैं मतलब ऐसे समझ जाओ जितना ज्यादा मेड इन इंडिया उतना ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी हमारा आप बोलोगे सर हमारे यहाँ तो मेड इन यूएसए उतना नहीं दिखता है क्योंकि वो दूर है ना अगर सामने कौन है हमारे चाइना तो इसीलिए मेड इन चाइना ज्यादा दिखता है और ऐसा नहीं कि मेड इन चाइना ज्यादा दिखता है तो चाइना स्ट्रांग नहीं था अभी पीछे देखोगे तो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री ग्रोइंग कंट्री कौन थे चाइना इसका रीज़न यह है क्योंकि कि किसी भी गुड्स पे चले जाओ मेड इन चाइना मेड इन चाइना ज़्यादा दिख रहा है मतलब वो बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था तो सबसे ग्रोइंग कंट्री भी कौन थे? चाइना अब आइए वापस लेकिन अभी तक भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी देखोगे अगर तो ट्वेंटी अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी थ्री ट्रिलियन की इकनमी है शायद वो और फोर्टीन ट्रिलियन की इकोनॉमी है शायद चाइना ठीक है तो जब आप सोचो जब सबसे ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने वाले कंट्री अगर यूएस है तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन भी किसके साथ होता होगा भाई ऐसा तो है नहीं कि सारा बना के खुद ही कंज्यूम कर रहा है वो किसी ना किसी को तो बेच ही रहा है ना तो बेच रहा है तो आप मुझे बताइए अब सोचो आप ध्यान से यूएस के साथ ज्यादा कंट्री का अगर ट्रांजेक्शन होगा तो यूएस के करेंसी सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई आएगा ही आएगा और यही रीजन है कि वो यूएस की करेंसी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए वहां के उसकी जो स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी होने की वजह से उसकी ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा कंट्री के साथ होने की वजह से कि आज कहीं भी जाओगे तो इंटरमीडियरी करेंसी कौन यूज हो जाता है आज के डेट पर डॉलर यूज हो जाता है ठीक है तो आप देखते हो अगर यहाँ से आपको श्रीलंका जाना है तो श्रीलंकन करेंसी लेके नहीं जाओगे डॉलर लेके जाएंगे क्यों लेके जाएंगे क्योंकि यहां से डॉलर लेके जाएंगे वहां जाके फिर श्रीलंकन करेंसी में कन्वर्ट करा लेंगे यानी कि वो इतना पॉपुलर हो गया कि वो इंटरमीडियटी करेंसी बन गया वैसे ही ये सारे जो चार आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये चारों कंट्रीज इतना स्ट्रांग है अपने टेक्नोलॉजी के मामले में कि इसकी जो करेंसी इतना पॉपुलर है कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में लेके चले जाओ आपको ये चारों करेंसी एक्सेप्ट हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए ये मानना है कि जितने भी स्ट्रॉगर सॉरी पॉपुलर करेंसी स्ट्रांगर नहीं पॉपुलर करेंसी के साथ कितने ये लाइन आती है ये डबल लाइन आपको दिखेगी आपको पता है जब इंडियन रूपी जब ये अप्रूव हुई थी ना तो पीछे में एक आर्टिकल भी आया था उसमें कि कुछ लोगों का ये कहना है इकोनॉमिक टाइम्स में था वो कि कुछ लोगों का मानना है कि रातों रात इंडिया इतना ग्रो कर गया कि इंडियन करेंसी जो है इतना पॉपुलर होने लग गया कि हर एक कंट्री अब से एक्सेप्ट करने इतना पॉपुलरिटी बढ़ गया कि डबल लाइन आ गई तो इंडियन जिसने भी बनाया था कहते देखो भाई तुम लोग ना समझो ये र है ये लाइन नहीं था ये तो हमारा क्या है देवनागरी लिपि का एक ये एक वर्ड एक लेटर हो गई ये एक ही लाइन डाला है अभी हमारा यानी कि पॉपुलरिटी बढ़ रही है जब हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा इतना पॉपुलर हो जाएगा कि वर्ल्ड के हर कंट्री में अगर हमारे करेंसी एक्सेप्ट होने लग जाएगा तो फिर ऐसा लाइन दिखेगा आपको बात समझ में आ गई तो यानी कि इंडियन करेंसी पॉपुलर हो रही है होना भी चाहिए क्योंकि बताइए अगर इकनमी ग्रो कर रही है ज्यादा से ज्यादा कंट्री के साथ अगर ट्रांजेक्शन होगी तो इंडियन रुपी को भी क्या करना पड़ेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो एक्सेप्ट अगर करोगे तो इंडियन रुपी भी क्या होगा पॉपुलर होंगे आइए वापस अब कंक्लूड करें इसका एक एक करके पाउंड यूरोप का यूरो 85 के अराउंड लिखा हुआ है ठीक है अभी आज के रेट पे कितना पहुंच चुका है मोटा मोटा आप लोग अगर इसको अपडेट करना चाहो तो इसको अपडेट करना चाहो कर लो फटाफट 90 के अराउंड चल रहा है स्विट्जरलैंड की करेंसी चलो मैं दिखा देता हूं आपको स्विट्जरलैंड की करेंसी कहां पहुंचा है ये देखो स्विट्जरलैंड की करेंसी अगर मैं लिखूं सी एच एफ सी एच एफ स्विस फ्रैंक सी एच एफ कहां ये स्विट्जरलैंड की किसके साथ आई एन आर ठीक है और आपका यूरो यूरो भी भी कितना चल रहा था पता है ये देखो यूरो भी आपका यूरोट एट के आसपास चल रहा है ये देखो दोनों पैरेलल हो चुका है जब किससे पीछे चले जाए आपको मिलेगा ही नहीं हमेशा मिलेगा आपको इससे वही कर तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसके स्ट्रेंथ जो है ना अपडाउन चलते रहते तो चलने दीजिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं हमारे को क्या जाता है घर से कुछ जाएगा थोड़ा अरे भाई आजा ठीक है अभी रहने देते वैसे दोनों नाइन्टी के आसपास दिख रहे हैं बट कोई नहीं चलेगा अभी फिर कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा ये हमने कितना बोला था अभी एटी फाइव के अराउंड चल जाएगा काम ठीक है डॉलर हमारा कितने के अराउंड आ जाएंगे एटी के अराउंड आ गया ठीक है फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर ठीक है ये सब देख रहे हो उस सब के रिस्पेक्ट में हमारे करेंसी डिप्रिसिएट हुई है ध्यान से देखिएगा आप हर एक करेंसी के रिस्पेक्ट में और ये ज़्यादा दिन पुराना रिपोर्ट नहीं था यह मैक्सिमम छः महीने पुराना ये नोट्स था छः सात आठ महीने हुआ होगा ठीक है यानी कि इतना छः सात आठ महीने के अंदर हर करेंसी के रेस्पेक्ट में इंडियन करेंसी पाँच रुपये डिप्रिसिएट हुई है क्वांटिटी बढ़ा है जिसकी क्वांटिटी बढ़ते हो क्या होता है डिप्रिसिएट करता है ओके सिक्सटी कैनेडियन डॉलर ठीक है इसको रहने देते फिफ्टी फाइव उस टाइम पे वैसे आपको देखोगे तो कैनेडियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी पाँच रुपये का गैप दिखेगा शायद सॉरी सी ए डी आई एन आर सी ए डी आई एन आर साठ चल रहे हैं और ए यू डी आई एन आर ऑस्ट्रेलियन डॉलर आई एन आर फिफ्टी सिक्स ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं यानी कि वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो चुका है उसके बाद आता है मलेशिया का रिंगिट डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैनेडी सॉरी कैनेडियन डॉलर फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर फिर मलेशिया का रिंगिट एम वाई आर मलेशियन रिंगिट ये भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे मलेशिया का करेंसी मलेशियन रिंगिट आर आई एन डबल जी आई टी है ये एम वाई आर इसको लिखते हैं सिंबल आर एम से इसका जो रेट आपको अप्रॉक्सीमेटली एटीन के आसपास आज दिखेंगे हम कह सकते हैं रूपी फिफ्टीन के अराउंड है ठीक है अब उसके बाद का करेंसी चाइना का युवान रिन मिनबी भी, भी बोला जाता है रेन मिन बी एम आई एन बी आई रेन मिन बी भी, भी करेंसी जो है ना चाइनीज युआन को ही बोला जाता है सी एन वाई इसका आई एसओ कोड है सिंबल वही है जो चैपनीज क्या कहते हैं जापनीज एन का है और इसका जो रेट देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली आज के रेट पर इससे बारह के अराउंड है तो ठीक है टेन मोटा मोटा हमें जानना है ज़्यादा कि ज़्यादा हमें एग्जैक्ट जानने की जरूरत नहीं क्योंकि आज जो जान रहे हो कल और कुछ और होगा हमें तो अप्रोक्सीमेट याद रखने ताकि एक माइंड में पिक्चर क्लियर रहे कि अच्छा मलेशिया का जो करेंसी है वो इतने के आसपास स्टैंड करता है उसके बाद हमारा आ जाता है इंडियन रूपी इंडियन रुपीज आई एनआर आईएस कोई कोड है rupees, fractional code unit पे आएंगे, अब इसका रेट पॉइंट सिक्स फोर के अराउंड है यानी कि देखो अब इंडियन करेंसी से वीकर बन चुका है देखो ये वन है वन से भी नीचे जा चुका है आपका जापनीज एन और लास्ट में रख लीजिए याद किसका नेपाल का नेपलीज रुपीज एन आर, इसको आर से लिखते हैं और पॉइंट ये तो याद ही रहता है हम लोग को कोई बात नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं ऐसे समझ जाओ पॉइंट सिक्स टू के अराउंड है इसका ठीक है ये पॉइंट सिक्स फोर है ये पॉइंट सिक्स टू के अराउंड है ओके ये जो इतना जो ट्वेल्व करेंसीज है आप देखोगे मोर देन नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन हमारा इसी करेंसी के अंदर मिलेगा आपको ठीक है ओके अब मैं एक बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं फ्रैक्शनल यूनिट को भी जो आपका कुेत का दिनार है थाउजेंड फिल्स है पैनी पाउंड के जो है ना पाउंड के फ्रैक्शनल पैनी है जो कि हंड्रेड पैनी में कहते डिवाइडेड है जो यूरो है यूरो का हंड्रेड सेंट और इवन डॉलर का भी जो है ना सेंट है याद रखिएगा जैसे नेपलीज रुपीज का भी पैसा है इंडियन रुपी का भी पैसा है पाकिस्तानी रुपी का भी पैसा ही मिलेगा तो ऐसा नहीं कि एक करेंसी का फ्रैक्शनल यूनिट एक होगा तो दूसरा नहीं होगा फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो सकता है जैसे डॉलर का भी फ्रैक्शनल यूनिट सेंट है और इवन आपका यूरो का भी फ्रैक्शन क्या है सेंट है तो क्वेश्चन के अंदर जब जाओगे ना डेरिवेटिव में तो सेंट में आपको प्रीमियम मिलता है कुछ कॉल पुट का कुछ प्रीमियम मिलते हैं तो आपको वहां देख के डिसाइड करना है कि वो यूरो का सेंट है या डॉलर का सेंट है और क्वेश्चन में लिखा भी होता है क्वेश्चन के अंदर देखोगे ना तो लिखा भी होता है कि यूरो सेंट या डॉलर सेंट तो बहुत बार लिखा होता है यूरो सेंट तो कहते हैं सर यूरो भी लिख दिया, सेंट भी लिख लिख दिया दिया सेंट कौन सी करेंसी है अरे यूरो का फ्रैक्शनल यूनिट है क्योंकि डॉलर का भी तो सेंट ही होता है ना तो यूरो सेंट लिख दिया तो समझ आप यूरो का सेंट फ्रैक्शनल यूनिट है वो ओके और स्विट्जरलैंड की जो होता है रैपेन है हंड्रेड रैपेन ठीक है और ऑस्ट्रेलिया सॉरी इसका क्या कहते हैं इस सबका तो सेंट ही होगा क्योंकि डॉलर अगर रेट है अगर डॉलर है तो उसका तो सेंट ही चलेगा सबका कोई इशू है नहीं मलेशियन रिंगिट का भी सेन है और इवन देखोगे ना तो क्या कहते हैं जैपनीज एन का भी सेन है हंड्रेड सेन लेकिन नहीं भी याद रखेंगे चलेगा अगर हमें पेनी और सेंट अगर याद है तो काम चल जाएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया उसी के रेस्पेक्ट में पूछा गया ठीक है पेनी एंड सेंट उससे ज्यादा अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं डाला गया बट ठीक है हमने अगर इतने क्वेश्चन देखा है तो इसको एक बार डाल लेते हैं चाइना के जो करेंसी है ना टेन जियाओ जियो बोल दो जियो जो है ना किसका है चाइनीज का टेन में यानी कि इसके करेंसी जो है ना सिर्फ दस पार्ट में डिवाइडेड है ठीक है ओके नीचे हमने कुछ सेंट्रल बैंक का भी लिस्ट दे रखा है ऐसे एक बार सुन लो याद उद नहीं करना है सब कुछ भी इधर भी रेट आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं था कुछ भी नहीं याद करना था हाँ स्ट्रेंथ याद होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या था करेंसी का और मोटा मोटा एक नॉलेज हो गई उतना काफी था हमारे लिए ओके अब देखिए सेंट्रल बैंक का जो हाँ सेंट्रल बैंक हम इसलिए देते हैं ना क्योंकि आपको ये वर्ड वगैरह मिल जाता है जैसे मैंने बोला बिजनेस चैनल पे जाओगे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है ना तो ऐसे नाम हमने रख दिया कि चलो कम से कम इतना समझ जाओ कि कौन कौन सी कंट्री को कंट्रोल करने वाले कौन कौन है एक बार नाम सुना हुआ लगेगा आपको सेंट्रल बैंक ऑफ कुत कुत का सेंट्रल बैंक ऑफ कुवेत यानी कि ये जो है ना कुत के करेंसी को कंट्रोल करता है यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का यूरोप का ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो कि सारे के सारे जो करेंसी इसके रिलेशन यूरोप के सॉरी यूरो के रिलेशन में जो भी डिसीजन लेना होगा ना इसी भी लेगा उसका डिसीजन स्विट्जरलैंड का स्विस नेशनल बैंक कुछ लोग कहते हैं स्विस बैंक वो बैंक नहीं जिसमें कस्टमर का होता है क्योंकि सेंट्रल बैंक नॉर्मली कस्टमर के साथ डील नहीं करता है सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो करेंसी को डील करता है हम लोग जो डील करते हैं ना सेंट्रल बैंक के साथ नहीं करते आर के साथ डील करते क्या नहीं करते वो कंट्रोल करता है एग्जैक्टली exactly वैसे स्विस नेशनल बैंक स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक है यूएसए का फेडरल रिजर्व फेड इसको शॉर्ट में बोला जाता है बार बार ये हमेशा न्यूज़ में आता रहेगा ये फेड 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 तो समझ जाना क्या बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा मलेशिया का बैंक नगारा मलेशिया चाइना का है आपका पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इंडिया का आर जापान का बैंक ऑफ जापान ये भी आपको बहुत ज़्यादा आते रहते हैं खास करके बैंक ऑफ जापान ई और फेडरल रिजर्व न्यूज में हमेशा आते रहते नेपाल का नेपाल राष्ट्र बैंक रोल ऑफ सेंट्रल बैंक क्या क्या है करेंसी को रेगुलेट करते हैं कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है इसके अंदर खास करके बैलेंसिंग करना होता है जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को ध्यान से रुकिएगा खास करके मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इन तीनों चीजों को बैलेंस किया जाता है इंटरेस्ट का डिसीजन लेते हैं इन्फ्लेशन को देख के जी बढ़ाने के लिए बस मॉनेटरी पॉलिसी में तीन ही काम होता है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आता है सेंट्रल बैंक ठीक है वो क्या चीज देखते हैं इन्फ्लेशन को नजर रखता है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करके देते हैं और इन सब चीजों में मेन जो नजर होता है उसका किस पे जीडीपी पे क्योंकि अल्टीमेटली हर एक इकोनॉमी बनते कहां से है भाई कितना सामान हम बना रहे हैं जीडीपी से हर का ध्यान होता है कि जीडीपी हम बढ़ा लें लेकिन इतना आसान नहीं जीडीपी बढ़ा लेना आपके लिए तो वो जीडीपी को जो है ना एक इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन जो होते हैं ना बार बार इसको क्या कर रहा होता है मतलब अनबैलेंस कर देते हैं ऐसे समझिए अनबैलेंस कर देता है तो उसको बैलेंस करने वाले काम कौन करते हैं सेंट्रल बैंक और वो जो पॉलिसी लेके आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी देखते हो हर दो महीने पे भी आते रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है तो ऐसा अच्छा अभी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ही आ गया ब्रेक भी चाहिए होगा क्या आप लोगों को ब्रेक तो चाहिए ही होता है है ना इतना देर कैसे पढ़ लेंगे दूसरे लोग सुनते हैं कि एक बार में हम लोग तीन साढ़े तीन घंटे पढ़ते थे अरे क्या पढ़ रहे हो आप लोग पढ़ते थोड़े ना हो गए है ना सोते हो गए वो चीज़ होता है ठीक है सबका अपना अपना सोच है उनको थोड़ा ना बताया कि चार्टर अकाउंटेंट कितना मेहनत करके बना होता है या सी एम ए जो कितने मेहनत करके बने होते हैं आज के रेट पर तो सी एम ए वाले का भी रिकॉगनीसन अच्छा ही देते हैं पी एस यू खास करके बढ़िया पैकेज दे देते हैं आज के रेट पर सी ए से ज़्यादा पैकेज तो किसको दे देते हैं सी एम ए वाले को पता नहीं पी एस यू को क्या दिखता है इतना बढ़िया है ना चलो ठीक है अच्छी बात है मिल रही तो और बढ़िया बात है तो दस मिनट का ब्रेक भी ले लेते हैं फिर ब्रेक के बाद कॉन्टिन्यू करेंगे ठीक है चलो मिलते हैं दस मिनट चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए एक ख़ास करके मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह का वैसे कोई हमारा रोल नहीं होता है डायरेक्टली क्वेश्चन से बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये सब जो करेंसी की फ्लक्चुएशंस वगैरह जो है उसमें आपका लिंक हो जाता है और बहुत बार जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज वगैरह होती है उसमें इन सब चीज़ों का लिंक हो जाता है ठीक है तो देखिए इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने पहले ही बताया था कि मेन फैक्टर्स जो होते हैं ना उसको इंटरेस्ट रेट फिक्स करना होता है जैसे देखना कभी कहते हैं कि आ, हमें रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जो आपको डिसाइड करते हैं खास करके जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो सेंट्रल बैंक वो रेट फिक्स करता है जो कमर्शियल बैंक के साथ करते हैं बाकी जो रेट है वो एसोसिएटेड रेट ऑटोमेटिकली बैंक अपने लेवल पे करते हैं उसको चेंज जैसे मान लीजिए अगर रेपो रेट चेंज कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली उससे लिंक आपका क्या कहते हैं लोन का रेट भी चेंज हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट रेट चेंज हो जाएंगे फिर बाकी जितने भी लिंक है ना उसमें सब कुछ सारे के सारे चेंज हो जाएगा आपका तो आर जब भी डिसाइड करते तो वो सिर्फ वो रेट डिसाइड करते जो उनको कमर्शियल बैंक को या तो लोन देना है या कमर्शियल बैंक से लेना है उन दोनों रेट को ही बस चेंज करते हो बाकी ऑटोमेटिक हो जाता है तो यही कह रहे हैं कि देखिए आर का मेन जो रोल होता है इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना वो रेपो रेट करते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बाय कीपिंग इन माइंड इन्फ्लेशन एंड जीडीपी खास करके क्या होता है इंटरेस्ट रेट एक ऐसा सेंट्रल बैंक का हथियार है जिसको यूज करके इन्फ्लेशन और जीडीपी को बैलेंस करता है क्योंकि ये दोनों जो है ना इन्वर्स डायरेक्शन में चलने वाले चीज़ है इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जीडीपी को एडवर्सली इंपैक्ट डालता है ठीक है यानी कि जीडीपी को अगर गवर्नमेंट ये चाहते कि हम जीडीपी बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं उस पर एडवर्स इम्पैक्ट जाता है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो इस पर एडवर्स इम्पैक्ट जाता है कैसे देखिए सुनिएगा आप पहले इन्फ्लेशन और जीडीपी को समझ लेते हैं दिन आगे बढ़ेंगे और ये बहुत ही कॉमन सी बात है जितना पता होना चाहिए इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है ना इन्फ्लेशन मेजर कैसे होती है अगर दाल महंगा हो गया चावल महंगा हो गया सब्जी महंगा हो गया तो इन्फ्लेशन ज्यादा है तो क्या किसी एक कॉमोडिटी से हम डिसाइड करेंगे कि महंगा हुआ महंगाई कितना है एक कॉमोडिटी से डिसाइड करेंगे नहीं तो कैसे डिसाइड करेंगे जरूरत की चीजें नहीं, इसका एक ग्रुप बना हुआ है सारे जरूरत की चीजों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है जिसको बोला जाता है इंडेक्स पहले इंडेक्स का मतलब समझिए आप ग्रुप किसी भी चीज़ों कर, जैसे का जैसे कॉमोडिटी का ग्रुप बना दिया हमने क्योंकि क्या होता है जैसे मान लीजिए प्याज हो गया दो सौ का रेट और बाकी सब्जी वगैरह या बाकी कोई जो कंज्यूमेबल से वो सस्ता हो जाएगा तो क्या हम बोले इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है नहीं कह सकते एक सामान महंगा हो जाए दूसरे सामान सस्ता हो जाए तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि महंगाई कितना है हमारा तो इसके लिए क्या किया जाता है बताइए तो इसके लिए क्या किया गया है ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप को बोला जाता है इंडेक्स तो जो कंज्यूमर्स गुड्स है उसके लिए जो इंडेक्स बनाया गया है उसको बोता बोला जाता है सी पी आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ध्यान से देखिए अगर कभी भी इन्फ्लेशन मेजर करना हो ना तो आपको क्या चीज़ देखना है कैसे पता चलेगा कि महंगाई कितना है एक किसी सामान से नहीं देखा जाएगा हम क्या करते हैं ग्रुप में मान लीजिए आठ दस कॉमोडिटी हमने रख दिया इस सारे कॉमोडिटी का कंबाइंड वैल्यू अगर बढ़ गया इसका मतलब महंगाई है ज्यादा है कितना परसेंट बढ़ा अगर मान लीजिए सौ रुपये ग्रुप का वैल्यू हंड्रेड था ग्रुप का वैल्यू हंड्रेड फाइव हो जाता है हम क्या बोलेंगे बताइएगा फाइव रुपीज इन्फ्लेशन, यानी कि फाइव परसेंट हमारा इन्फ्लेशन है अच्छा आप जाके बोलो ना उनको दे देंगे आपको नोट्स बोलना कि सर ने बोला ले लो कोई बात नहीं करना तो है ही ना तो ले लो आप फटाफट ठीक है आइए वापस अभी क्या बात कर रहे थे आ, कि इन्फ्लेशन ग्रुप की वैल्यू को हमें देखना है तो ग्रुप की वैल्यू अगर बढ़ रहा है कितना परसेंट बढ़ रहा है उतना परसेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगा तो ये देखिए इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए देर आर टू इंडिसेज ग्रुप ऑफ कॉमोडिटी को इंडेक्स बोलते हैं और इंडेक्स का प्रोडल हो जाएगा आपका इंडिसेज सी पी आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ग्रुप ऑफ कॉमोडिटीज ट्रेडेड इन रिटेल मार्केट और डब्ल्यू पी आई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स ग्रुप ऑफ कॉमोडिटीज ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट ध्यान से देखिए यानी कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से जो सामान जो खरीदते बेचते हैं जिस रेट पे उस रेट से जो ग्रुप का वैल्यू निकाला जाएगा और तब अगर हम वहां पे देखते हैं कितना परसेंट महंगा सस्ता हुआ तो क्या बन जाएगा आपके लिए डब्ल्यू और सीपीआई क्या होगी आपका कंज्यूमर रिटेल वाले के लिए तो जब भी कभी इन्फ्लेशन देखना होता है तो हम लोग वहां से क्या चेक करते हैं सीपीआई अगर आज अगर इंडिया में देखना है ना कि इंडिया का इन्फ्लेशन कितना है तो आपके सामने क्या आएगा पता है सीपीआई का रेट आएगा और कुछ नहीं आएगा इन्फ्लेशन इन इंडिया अगर ये लिखा जाए तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या आएगा वहां पे देखिए कही कहीं ना कहीं सीपीआई की बात करें देखो आपको सामने क्या रहा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आपका ड्रॉप हुआ है टू दी वन ईयर लो 5.72 परसेंट इन डिसंबर 2022 में आपका 5.72 परसेंट पे यानी कि एक साल के लोअर लेवल पे यानी कि कैसे समझ जाओ ना एक साल के लोअर लेवल पे कैसे पहुंच गया गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया इसलिए पहुंच गया अरे क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो गई तो सीपीआई जो है ना वो अपने आप कम हो गया क्रूड ऑयल जब ऊपर हो गई थी तो हमेशा सबसे लाइफ टाइम के हाई पे जा मतलब बहुत दिनों के दस साल के ऊपर अपर लेवल पे पहुंच गए थे जब क्रूड ऑयल जी पहुंची थी हंड्रेड डॉलर के ऊपर तब अभी फिर से क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ गई क्योंकि आपको पता है जितने भी सामान है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल से ना डायरेक्टली लिंक होता है अगर क्रूड ऑयल की प्राइस महंगा होगा सामान ऑटोमेटिक महंगा होगा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा सब चीज़ क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट उन लोगों का ज़्यादा हो जाता है तो आपका महंगा हो ही जाता है जैसे क्रूड ऑयल कम आ जाता है इन्फ्लेशन कम हो जाते है ओके okay, वापस आते हैं हम लोग तो सी और डब्लू से हम लोग क्या करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं अब आइए वापस अच्छा ये कुछ हिस्ट्री दे रखा है कि देखो 2013 में हमारा ई पी जो चल रहे थे 11 परसेंट के अराउंड ठीक है 2019 में 3 परसेंट अराउंड आ गए थे इन्फ्लेशन और 2022 में 6.5 परसेंट और कहीं ना कहीं हमने जो देखा था अभी भी उसी सिक्स के अराउंड चल रहे सेवन पॉइंट परसेंट तो ठीक है चल सकता है उसी सिक्स के रेस्पेक्ट अराउंड में हम बात कर रहे हैं क्योंकि टू में ना ये आपका थ्री के अराउंड पहुंचे थे और टू में और टू में कितने अराउंड थे अलेवन परसेंट अराउंड है ना कितने के गैप है देखो तो यहाँ हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी यहाँ हुआ करते हैं मोदी जी तो मोदी जी का देन होगा इन्फ्लेशन कम हो जाना इन्फ्लेशन कम होना अच्छा है या बुरा है इकनॉमी के लिए अच्छा है ठीक है तो अच्छा हुआ मोदी जी की वजह से कह सकते हैं दिख तो रहा है बिल्कुल बट बहुत बार अच्छाई जो होती है ना नसीब भी लेके आते हैं हाँ बहुत बार अच्छाई जो होते हैं नसीब भी लेके आते हैं अब बोलो कैसे अब उनका नसीब देखो जिसका बेचारे का किसी का वन नाइनटी नाइन ला के फेल कर लेता है और किसी का टू हंड्रेड आता है टू हंड्रेड ही नहीं एक ग्रुप में आता है टू हंड्रेड थ्री और दूसरे ग्रुप में आता है वन सेवन अब बताओ वो कितने नसीब लेके आए होंगे है ना तो चलो वापस आते बोलोगे नसीब की बात क्यों कर दिया क्योंकि आपको बताऊं टू थाउजेंड थर्टीन से टू थाउजेंड फोर्टीन में जब मोदी जी आए थे क्रूड ऑयल की प्राइस जो डॉलर हंड्रेड के ऊपर हुआ करता था वो अगर आप ग्राफ जाके देखो 2014 में क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो आपका सिक्सटी डॉलर के भी नीचे आ गए और जब लॉकडाउन हुई थी उस टाइम तो क्रूड ऑयल की प्राइस माइनस भी गई थी अब कुछ लोग बोलेंगे माइनस की बात कहाँ से आ गई अप्रैल 2020 में क्रूड ऑयल की प्राइस माइनस में गए थे यूएस की क्रूड क्योंकि क्रूड जो है ना दो तरह का है एक जो समंदर से निकाली जा रही है और एक जमीन से निकालने वाली जो जमीन से निकाले जा रही है वो यूएस में है जो समंदर से निकाले जाए ब्रेंड क्रूड जो वो है आपका वो हर जगह से निकाला जा रहा है तो ब्रेंड क्रूड जो समंदर से निकालने वाले जो ऑयल है ना क्रूड ऑयल उसमें की वैल्यू निगेटिव नहीं गई थी जो लैंड से निकालने निकाले जाने वाले जो यू वाले जो क्रूड ऑयल थी उसकी प्राइस आपका निगेटिव गया था निगेटिव क्यों गया था वो कहते हैं हमारे पास स्टोरेज नहीं है रखने की प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा जो प्रोडक्शन जो है वो चीज़ तो होगा ही होगा अब हम स्टोर कहाँ करें अब समंदर वाले के लिए तो कोई दिक्कत के नहीं स्टोरेज की उनकी कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं आती है बट लैंड में जो निकालने वाली जो यूएस की जो क्रूड थी उसमें स्टोरेज की दिक्कत होने की वजह से एक दिन के लिए उसकी प्राइस जिस दिन पे एक्सपायरी हो रही थी एफ एंडो मार्केट में उस दिन के लिए नेगेटिव गई थी और उस टाइम पे क्रूड ऑयल में ट्रेड करने वाले बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था रात में सोए सुबह उठे तो पता चला उनके अकाउंट में पाँच लाख की लॉस जा चुकी है भाई ये कैसे हो गया है तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सबको पता है मैक्सिमम लॉस जो होता है कैपिटल इन्वेस्टेड होता है क्योंकि आगे आप पढ़ोगे ये सब चीज़ भाई जितना हमने पैसे लगा लिया डेरिवेटिव पढ़ोगे आगे अगर मैंने वन लाख रुपीज़ लगाया है तो वन लाख से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। ये कुछ एक कैरेटिस्टिक्स है लेकिन यहाँ हुआ क्या कहते नहीं 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 इतना ही नहीं इससे ज़्यादा का भी लॉस हो सकता है क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि प्राइस कहाँ जा सकता है नेगेटिव्स सबने तो सोचा प्राइस कहाँ तक जा सकती है बताओ मान लीजिए हमने किसी सामान को ₹10 में खरीदा है ये सामान जीरो हो जाएगा इससे ज्यादा क्या जाएगा तो सबने अज्यूम करके चला कितने प्राइस का हमारा लॉस होगा ₹10 का लेकिन यहाँ तो दिक्कत क्या हो गई माइनस आई थिंक थर्टी डॉलर के अराउंड माइनस चले गए तो उतने पे सेटलमेंट करने पड़े तो सबकी जो है ना पता चला कि मतलब ये अनएक्सेप्शनल सिचुएशन कभी हुआ ही नहीं था और इसमें सबसे ज़्यादा जो फंसे थे ब्रोकर क्योंकि होता क्या है मार्जिन आगे पढ़ाऊंगा आपको कि हमें लगता है कि दस रुपये का अगर लॉस हो सकता है तो ब्रोकर क्या करता है आपको टेन रुपीज़ ले मार्केट में ट्रेड करा देता है और यहाँ तो क्या हुआ पैसे अकाउंट में है ही नहीं और लॉस हो गया मान लीजिए माइनस थर्टी का थर्टी रुपीज़ और देना है भाई हमारे अकाउंट में नहीं है नहीं देते जो करना है कर ले तो अल्टीमेटली सेटलमेंट किसको करने पड़े ब्रोकर्स वगैरह को तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा ब्रोकर्स वगैरह जो है ना फंसे जिसमें से जीरोधा का ये मानना था मा जीरोधा एक अच्छे खासे आज के रेट पे हम कह सकते हैं एक डिस्काउंट ब्रोकर में सबसे ग्रोइंग ब्रोकर बन चुके हैं सबसे ग्रो के आज के रेट पे सबसे नंबर वन पे पहुंच चुके हैं इवन आपको बैंकिंग सेक्टर को भी पीछे छोड़ चुके हैं वो आके अपना आ, क्या कहते हैं सफाई दिए थे इस बातों पे कि देखो मेरे को ज्यादा का लॉस नहीं है हंड्रेड करोड़ के लॉस मेरे पे है अभी तक बाकी मैं सेटलमेंट कर चुका हूँ और हंड्रेड करोड़ का लॉस से हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में अभी भी हजार करोड़ का कैश है वो इन्वेस्टर को क्या कर रहे थे एक अश्योरेंस दे रहे थे कि आप डरो मत कि हम भाग जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है इसके इम्पैक्ट हम पे आया जरूर है क्यों आएगा क्योंकि हमने ट्रेडर करा आपको मान लीजिए किसी को पाँच लाख की लॉस हुई उनसे हमने पैसे पहले लेने रखा है अब आपको पांच लाख का प्रॉफिट हुआ तो पांच लाख तो देने पड़ेंगे अब आपने दिया नहीं बट ब्रोकर को तो देना पड़ेगा तो कहते इन सारे चीजों से मेरे को हंड्रेड करोड़ की लॉस होती है लेकिन ये रिकवरी हो जाएगी उन्होंने आके आश्चर्य किया था तो उस टाइम से पता चला था कि उनका कहना था कि हम क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाले लोग वहां पे थे तो लोगों को लगा ऐसा ना हो जाए कि इस हादसे से जीरोधा ही क्या हो जाए भाग जाए कल के डेट पे तो ये सब चीज होता है यही होता है अच्छे स्ट्रांग मैनेजमेंट की कहानी चलो वापस आते हैं तो क्रूडल सस्ता होने की वजह से ये जो है ना इन्फ्लेशन आपका कम हो गया था और फिर बाद में उसके बाद बढ़ गए फिर अभी आप देखोगे इवन दोबारा हंड्रेड डॉलर के ऊपर निकल गए थे पीछे कुछ दिन पहले जब आपका इन्फ्लेशन सबसे टॉप लेवल पे चल रही थी अभी फिर से दोबारा नीचे आ चुका है क्रूडल की प्राइस आप देखोगे आज की डेट पर अगर आपका क्रूडल की प्राइस अगर चल रहा होगा सिक्स के अराउंड है तो मैं कह सकता हूँ सिक्स डिवाइडेड बाई एटी वही सेवेंटी डॉलर के अराउंड आपका क्रूडल की प्राइस चल रहा होगा ठीक है आपका जो देखोगे क्रूड ऑयल की प्राइस नहीं इंडिया नहीं देखना था ग्लोबली देख लेते तो काम चल जाता आजा 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 जल्दी आजा भाई इसका भी मैं बात करूँगा आगे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम का अभी देखो किसके आसपास चल रहा है सेवेंटी नाइन डॉलर के आसपास ये जो है ना ये प्राइस जो दिख रही है इधर सॉरी थोड़ा बड़ा करना ये जो इधर दिख रहे हैं ना आपको इधर वाइट वाले 79.14 नाइन पॉइंट वन फोर ये इधर सबसे राइट साइड में इधर देखिए सबसे राइट साइड में वाइट कलर से नहीं दिख रहा अच्छा ये हो गया है छुप गया इधर ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा तो होना नहीं चाहिए था क्या छुप रहा है भाई फुल स्क्रीन तो दे रखा है हमने चलो कोई नहीं अब ये दिक्कत है इसकी क्या से दिक्कत है पता नहीं चलो कोई नहीं वो आगे देखेंगे हम लोग तो जो हंड्रेड डॉलर यानी कि एक बैरल में आपका अप्रॉक्सीमेटली वन सिक्सटी फाइव लीटर के अराउंड होते हैं तो कोई बात नहीं वो चलता रहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है ऐसे समझ जाइए तो क्रूड ऑयल की प्राइस घटने की वजह से इन्फ्लेशन आपका कम हो गया और अभी आपका फिर बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है डायरेक्टली आपका लिंक है इसके साथ चलो वापस आते हैं इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा ना तो उस केस में ये मान के चलते कि हमारे इकोनॉमी के लिए बुरा क्यों है क्योंकि उससे लोगों की परचेजिंग पावर जो होते हैं कम हो जाता है है ना चलो वापस आते हैं पहले अब जी पे जी क्या होगा परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सर्विसेज सर्विसेज और गुड क्या कहते हैं गुड्स दोनों की जितना प्रोडक्शन किया जा रहा है इंडिया में उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं जी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी वो सब इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हमें मोटा मोटा जानना है ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया ज्यादा से ज्यादा जीडीपी ज्यादा से ज्यादा मेड इन चाइना ज्यादा से ज्यादा वहां की जीडीपी ओके okay. ये देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री अब इसमें फिर एडजस्टमेंट वगैरह हमें मतलब नहीं है उससे कि अच्छा वहां के कमा के बाहर वाले अगर इंडिया में कमा के लेके चले जाते हैं तो उसको हटा दो उधर वाले का ले आओ तो जीएनपी बन जाता है इन हमें नहीं इतना ज़्यादा जानना है हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हमें मोटा मोटा जानना है कि इंडिया में अगर सामान ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे तो जी क्या है ज्यादा है इंडियन जीडीपी जो है ना अभी बढ़ के ये 2.8 ट्रिलियन जो दिख रहा है ना आपको खास करके ये डॉलर के टर्म में देखना ना बार बार कहते थे पहले मोदी जी आके कि देखो 2024 का हमारा लक्ष्य है 2024 या 2025 का लक्ष्य है कि हम लोग इंडिया को पाँच ट्रिलियन फाइव ट्रिलियन या देखो डॉलर फाइव ट्रिलियन की इकनॉमी हम लोग बनाएंगे कहीं पे ये बोला जाता है कि हम फाइव ट्रिलियन का इकनॉमी बनाने जा रहे हैं इसका मतलब वो ये कह रहे हैं देखो डॉलर में इसलिए मेजर किया जाता है ना क्योंकि वो ग्लोबली अपने आप को कंपेरेबल बना देता है ग्लोबली हम अपने आप को कंपेरेबल बना देते हैं क्योंकि अब यहां पे अगर इंडियन करेंसी में अगर मेजर करोगे एक ट्रिलियन का मतलब होगा वन लाख करोड़ ऐसे समझ जाओ आप अब इतना तो आप लोगों को पता होगा कि यूएस का जो सेपरेटर यूज होती है वो तीन तीन डिजिट पे होती है है ना अब ये सब तो नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी ना थ्री डिजिट ये हो गया इतना थाउजेंड इतना मिलियंस इतना बिलियन इतना ट्रिलियन तीन तीन जीरो हटाते जाइए बिलियन ट्रिलियन आपका बनता जाएगा ठीक है तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये दस लाख बन जाएगा दस लाख का आपका वन मिलियन बोलते हैं हम लोग और फिर उसके बाद थाउजेंट मिलियंस हो जाए तो वन बिलियन और थाउजेंड बिलियंस हो जाए तो वन ट्रिलियन तो एक ट्रिलियन पे कितने जीरो आ जाती है बारह इंडिया में सबसे बड़ा यूनिट क्या है मेजर करने की करोड़ करोड़ से ऊपर मेजरमेंट नहीं होती है करोड़ पे कितने जीरो होती है सात एक काम करते सात हटा देते यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देखो कितना करोड़ हो गए बताइए एक लाख करोड़ तो वन लाख करोड़ का मतलब कितना हो गया वन ट्रिलियन तो याद रखना आसान हो गया ना जैसे आज के रेट पे देखोगे तो रिलायंस की जो मार्केट कैप है अप्रॉक्सीमेटली आपका सिक्सटीन लाख करोड़ है तो सिक्सटीन ट्रिलियन हो गई कौन सी रुपीज़ में इंडियन रुपीज़ में ठीक आइए वापस आइए तो हम कह सकते हैं कि इंडियन जी कितने मोटा मोटा उस टाइम तक 2.8 ट्रिलियन का था आज भी अगर देखोगे तो आपका 3 ट्रिलियन पहुंचा हुआ है आज भी अगर देखोगे इंडियन इकोनॉमी कितने का है परसेंटेज uh, में दे रहे भाई अमाउंट में दे देते ना कहीं पे पर फटाफ कितना पहुंच गया इंडियन नोशनल नोमिनल जीडीपी डी थ्री पॉइंट एट ट्रिलियन डॉलर दिख रहे हैं ना आपको लेकिन इसमें भी कुछ मेथड होती है हमें उतना गहराई में कुछ नहीं जाना है ना हमें जानना है हम अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हमें मोटा मोटा जानना है भाई तीन ट्रिलियन कितना डॉलर थ्री ट्रिलियन हम लोग पहुँच चुके हैं ठीक है पाँच ट्रिलियन पहुँचने के लिए अभी बहुत बड़ा है अगर यही देखने जाओगे तो चाइना की जो आपका जीडीपी है वो फोर्टीन ट्रिलियन के अराउंड दिखेंगे उससे भी ऊपर ऊपर आपको 20 के आपका का इकोनॉमी दिखेगा ठीक है वापस आते हैं जीडीपी तो इतना समझ आ गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना का सामान यहां बनाया जाता है कितने वैल्यू का सामान बनाया जाता है जीडीपी ग्रोथ से कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ में कुछ लोग डिफरेंस नहीं समझ आता है ग्रोथ होते हैं परसेंटेज में कितना परसेंट से हमारा वैल्यू जो है ना इंक्रीमेंट हो रहा है समझ में आ गया बात तो ग्रोथ इंक्रीज व्हेन कंजम्पशन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनक्रीजेज एंड फॉर दिस पीपल नीड मनी ध्यान से सुनिएगा जीडीपी बढ़ाने के लिए लोगों के पास क्या होना चाहिए पैसे होना चाहिए आपने पढ़ा होगा जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा हम जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आप लोगों ने बच्चों में पढ़ा होगा जो इंसान बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है ना वो जी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है जो सामान खूब खाओ पियो ऐस करो वो जीडीपी के लिए क्या है वो बढ़िया है उसे पढ़ा होगा पढ़ाओगे इकोनॉमिक्स में पहले है ना यानी कि लोगों को कंज्यूम करने के लिए अगर पैसे ज्यादा है तो जीडीपी क्या होगा बढ़ेगा अगर लोगों को कंज्यूम करने के लिए यानी कि उसको खर्चे करने के लिए अगर पैसे नहीं है तो खर्चा ही नहीं करेगा तो डिमांड क्या करेगा ऑटोमेटिक कम कर देगा ऑटोमेटिक कम करेगा तो कंजम्पशन कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी तो जीडीपी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा चलो वापस आते हैं आते हैं इंटरेस्ट रेट के डिसीजन पे ध्यान से सुनिएगा इंटरेस्ट रेट डिसीजन सेंट्रल बैंक क्या करता है इसको ऐसे मत समझा करो ठीक है ऐसे समझते हैं पहले इधर आइएगा दो सिचुएशन होता है इन्फ्लेशन का याद रखिए मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं इन्फ्लेशन ज्यादा है मतलब क्या हो गया ध्यान से सुनिए सामान यहां पे क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है गवर्नमेंट चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को हमें क्या करना है कम करना है क्योंकि ध्यान से देखिए इन सब चीज़ों का हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ये करेंसी के फ्लक्चुएसन से लिंक है अब सुनिए कैसे इन्फ्लेशन ज्यादा है है ना सुनते रहिएगा मान लीजिए कोई सामान पहले हम ऐसे सोच रहे हैं कि एक ये सामान है देखिए कैसे करेंसी का इस पर कैसे करेंसी से लिंक है अब आप सुनिए ये कोई ए प्रोडक्ट है सब कुछ लिखा हुआ है रजिस्टर पे आपका कोई एबीसी प्रोडक्ट है ये इंडिया में इस सामान का प्राइस है एट थाउजेंड रुपीज कितना रुपीज है एट थाउजेंड रुपीज में, ये सामान आपको इंडिया में ट्रेड हो रहा है आपको पता है ये एबीसी गुड्स यूएसए में कितना में ट्रेड हो रहा होगा फटाफट पता है कितने में होगा डॉलर हंड्रेड में ये परचेजिंग पावर थ्योरी कहता है कि अगर जो सामान इंडिया में अगर 8,000 का है और यूएस में अगर 100 का है तो हम सिंपली कह सकते हैं इक्विवेलेंट टर्म में दोनों इक्वल है और यही आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड करके देता है ये जो प्राइ प्राइस है ना प्राइस से एक्सचेंज रेट बन के आता है अभी जो स्ट्रेंथ की बात हो रही थी कि डॉलर वन का रुपीज कितना बन रहा है हमारा एटी इसका मतलब अगर डॉलर हंड्रेड का कोई सामान होगा तो वो रूपी में कितना होगा एट थाउजेंड ये कहता है परचेजिंग पावर थ्योरी कि परचेजिंग पावर थ्योरी कहते हैं कि अगर सिमिलर गुड्स का प्राइस किसी भी कंट्री में चले जाओ इक्वालन टर्म में आपका सेम होगा लेकिन उसमें से आपको हटाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट टैक्सेशन डिफरेंस जैसे क्या होता है अगर इंडिया में बना के इंडिया में बेचोगे जीएसटी लगाओगे एक्सपोर्ट करोगे तो जीएसटी हटा दोगे तो कहते हैं टैक्सेशन डिफरेंस हटा दो आप ठीक है अगर मान लीजिए इंडिया में बनाओगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं आई लेकिन इसी को दूसरे कंट्री में जाके बेचोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी इसको हटा दो ठीक है तो इसमें कुछ ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हटाने के बाद जो आपका वैल्यू बनते हैं वो वैल्यू में आपका अमाउंट जो होगा ना इक्वल होगा और यही परचेजिंग पावर पैरिटी कहता है तो अब मुझे बताइए इंडिया में इन्फ्लेशन आ गई ज्यादा ध्यान से सुनिएगा मान लीजिए इन्फ्लेशन हो जाता है यहां पे दस परसेंट आपको पता है, ये सामान अगले साल कितने का हो जाएगा ये थोड़ा जल्दी एट थाउजेंड एट हंड्रेड का आप मुझे बताइए सामान लोग खरीदेगा कैसे सोच के बताइए जल्दी से जो सामान पहले एट थाउजेंड का था अब वो सामान अगर एट थाउजेंड एट हंड्रेड का हो जाता है तो लोग इस सामान को कैसे इतना पे कर पाएगा जब तक इतने करेंसी यहां पे आ ना जाए पता है करेंसी पब्लिश करने की आज के डेट पे बेसिक रूल बन चुका है भाई आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन कितना जा रही है दस परसेंट ये जो आठ सौ रुपए लोगों को ज्यादा जो पे करना पड़ेगा अगर इतना करेंसी कंट्री में नहीं रहेगा तो कोई पे कर कहां से पाएगा बताइएगा आप मुझे ध्यान से सुनिए कुछ मैंने क्या बोला अभी मान लीजिए अभी आठ हजार ही करेंसी ट्रेड कर, कर सर्कुलेट हो रही थी इंडिया में इतना ही करेंसी छापा ही गया था ऐसे समझ जाओ करेंसी पब्लिश कितना किया गया था एट अब क्या होता है सामान पहुंच गया एट का इन्फ्लेशन ज्यादा था यानी कि क्या हुआ सामान कम प्रोड्यूस हुए डिमांड ज्यादा हो गई लोगों ने क्या करा महंगा खरीदने लग गए एट का पहुंच गया यहां पे इतना अगर करेंसी ना हो तो सामान को खरीद कैसे पाएगा करेंसी तो है ही नहीं क्योंकि छापा ही कितना गया एट थाउजेंड आज के डेट पर करेंसी पब्लिश करने का एक बहुत ही सिंपल सा रूल समझ जाओ भाई जितना इन्फ्लेशन है उतना इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट को करेंसी पब्लिश करना ही पड़ता है तो आप मुझे बताइए करेंसी कितना पब्लिश कर दिया गवर्नमेंट ने आठ क्या क्वांटिटी बढ़ी करेंसी की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई कम हो गई करेंसी डेप्रिसिएट होगा ध्यान से सुनिएगा जिस कंट्री का इन्फ्लेशन ज्यादा होगा उस कंट्री की करेंसी डेप्रिसिएट करेगा क्यों डेप्रिसिएट करेगा क्योंकि उसकी वर्थ कम हो रही क्योंकि कंट्री में करेंसी के सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ेगा कम इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट को करेंसी पब्लिश करना ही पड़ेगा ठीक है तो आप मुझे बताइए मान लीजिए यूएस में इन्फ्लेशन नहीं है चलो मान लीजिए अभी जीरो, जीरो परसेंट इन्फ्लेशन है तो यहां की सामान की प्राइस अभी भी कितना रहेगी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहता है परचेजिंग पावर पैरिटी कहता है कि अगले बार जो आपके सामान की जो सॉरी जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होगा वो डॉलर हंड्रेड का कितना हो गया रुपीज़ में एटी एट हंड्रेड तो डॉलर वन का कितना बनेगा ये एटी एट अब देखिए ध्यान से आपके करेंसी जो अस्सी डॉलर का एटी रुपीज़ चल रहा था अब वो एटी एट हो गया आपकी करेंसी दस परसेंट डिप्रिसिएट कर गया जितना से करेंसी इन्फ्लेशन है ना उतने से डिप्रिसिएट कर चुका है लेकिन पूरा इतना से डिप्रिसिएट नहीं करेगा क्यों नहीं डिप्रिसिएट करेगा क्योंकि कुछ तो इन्फ्लेशन उधर भी चल रहा है ना अभी हमने दस परसेंट तो थोड़ा ज़्यादा ले लिया एक काम करते हैं हम जो रियल पिक्चर उसी को लेके चलते हैं क्योंकि ये लिंक हो जाएगा मैं आपको मार्केट में लिंक जाकर दिखा दूंगा आपको ठीक है तो अभी रियल पिक्चर लेते हैं। कितना परसेंट चल रहा है छह परसेंट फाइव पॉइंट समथिंग सिक्स परसेंट चलो सिक्स परसेंट ले लेते कितने पे सामान पहुँचना चाहिए थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन होनी चाहिए ये थके थके से नहीं लगना चाहिए मुझे एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी का होना चाहिए यूएस में भी कुछ इन्फ्लेशन होगी ठीक है इन्फ्लेशन इन यूएसए या सीपीआई यूएसए का कर दोगे तो भी काम चल जाएगा कोई इशू नहीं है देखिए अप्रॉक्सीमेटली कितना चल रहा है यूएस इन्फ्लेशन रेट इज एट सिक्स पॉइंट फोर फाइव परसेंट कम्पेयर टू इतना एट मंथ इतना इन लास्ट ईयर ईयर भी तो बता देते ऐसे थोड़ा ना चलता इतना भी नहीं था शायद वैसे इन्फ्लेशन उन लोगों का ज़्यादा था इतना पता है इन्फ्लेशन रेड यूएस ट्वेल्व में क्योंकि ट्वेंटी थ्री का तो आएगा नहीं ना अभी डेटा ही नहीं ना सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट अच्छा क्या बात है तभी तो उधर की मार्केट सब क्रैश कर रहे थे और इंडियन मार्केट जो है ना ऊपर चल रही थी चलो वापस आते अभी तो आपका करेंसी तो देखिएगा ना कुछ दिनों से आपके करेंसी डेप्रिसिएट भी नहीं कर रहे छह सात पा आठ महीने पहले के आज से मोटा मोटा मुझे लगता है एक साल से अगर देखोगे तो एटी के अराउंड ही करेंसी जो है ना घूम रहा है एटी के अराउंड एक साल से ही चल रहा है ऐसा नहीं कि अभी आप करेंसी का अगर आप ग्राफ देखोगे तो एटी के अराउंड ही चल रहा है क्योंकि उधर भी सिक्स परसेंट मान लीजिए इधर भी सिक्स परसेंट इधर भी कितना परसेंट ध्यान से देखिए आप इधर भी कितना परसेंट हो जाता है सिक्स परसेंट दोनों तरफ का इन्फ्लेशन आपका सेम हो गया तो इधर का भी करेंसी पब्लिश होगी उतनी वहां की सामान कितने पे जाएगा बताइए वन जीरो सिक्स पे तो आपको पता है उस केस में यहां पे देखो ध्यान से डॉलर वन जीरो सिक्स कितना पे जाएगा रुपीज एट फोर एट जीरो पे तो डॉलर वन कितना बनेगा बताइए रुपीज एट फोर एट जीरो डिवाइडेड बाई वन जीरो सिक्स बताइए कितना आ रहा है कितना आ रहा है फटाफट करो ना वन जीरो सिक्स मल्टीप्लाई एटी एट तो आ रहा है ना तो इसका मतलब आपका करेंसी पहले भी कितना था बताइए एटी और अभी भी कितना है एटी क्यों डेप्रिसिएट नहीं किया बताइए क्योंकि हम जितना से डेप्रिसिएट किए वो भी उतना ही से डेप्रिसिएट कर गए वैल्यू डेप्रिसिएट करने का मतलब हमारे करेंसी जितना से डेप्रिसिएट किया उनका भी वैल्यू उतने से डेप्रिसिएट किया तो दोनों पे हमारे एक्सचेंज रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया ठीक है तो आप देखना एक साल से आपका ग्राफ भी इसी तरीके से दिखेगा मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही मिलेगा अभी की एक्सेप्शनल सिचुएशन दिख रही है आपको क्योंकि अभी ग्लोबली देखा जाए तो उसके कंपेरिजन में कहीं ना कहीं इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है अभी ज्यादा बढ़िया है ठीक है तो टू परसेंट अगर हो जाता तो ये कितने पे जाता बताइएगा वन पे ठीक है तो वन जीरो टू और इधर तो रहता यही तो आप मुझे बताइए उसके बनता थोड़ा तो जल्दी एटी थ्री पॉइंट वन थ्री तो क्या करेंसी डेप्रिसिएट हुई क्योंकि जो सामान पहले एटी रुपीज में खरीदा बेचा जा सकता था वो सामान आज कितने पे 83.13 पे खरीदा बेचा जा रहा है तो करेंसी डेप्रिसिएट हुआ से हमारे करेंसी डेप्रिसिएट हुई होगी आप देखो कैसे फोर्टी में फोर परसेंट एड कर दो फोर्टी प्लस फोर परसेंट देखिए एटी थ्री पॉइंट टू आ रहे ना मोटा मोटा मैंने बोला है एक्यूरेटली अभी बात करेंगे बाद में ठीक है यहां तक ओके वापस आते हम लोग हम यही कह रहे हैं कि देखिए अभी मान लीजिए कंट्री में इन्फ्लेशन हाई है मैं भी थोड़ा देर पहले भूल गया कहाँ पे थे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे थे हम ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्योंकि आगे जाके ना दो पैरिटी हमें पढ़ना होता है इन्फ्लेशन रेट पैरिटी और इंटरेस्ट रेट पैरिटी इन्फ्लेशन रेट पैरिटी को ही पर्चेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं इन्फ्लेशन से जो पैरिटी डिसाइड होती है और एक होता है आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी इन दोनों में देखना आगे जाके आपको लिंक जो बनेगा ना वो आपको सेम डायरेक्शन में मिलेगा यानी कि इन्फ्लेशन जो कहता है करेंसी के लिए इंटरेस्ट भी वही कहता है क्योंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट का लिंक आपको अभी जानना जरूरी है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से आपको पता चल जाएगा हमने क्या बोला कि पहला सिचुएशन है हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा है ध्यान सुनिएगा हमने क्या बोला इन्फ्लेशन क्या है बताइएगा हाई है क्या करेगा बताइए अब मैं इसको इंटरेस्ट रेट से लिंक कर रहा हूं अभी तो मैंने करेंसी के फ्लक्चुएशन से लिंक किया अब मैं इंटरेस्ट रेट से लिंक कर रहा हूं आप मुझे बताइए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो क्या सोच रहा होगा गवर्नमेंट कि इन्फ्लेशन हमें ज्यादा नहीं रहने देना है इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेना चाहिए नहीं तो करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिसिएट कर जाएगी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने श्रीलंका की ऐसे ही न्यूज आ रही थी कुछ और अभी कुछ आपको दिखने लग गया है शायद पाकिस्तान का भी ऐसे न्यूज आने लग गया अभी आपको कि आटे नहीं मिल रहे वहां पर से हाँ पहले हुआ था बहुत बार एक बार जिम्बाब्वे में भी ऐसा हुआ था तो चलते रहते हैं सब कभी कभी सिचुएशन और ये सारा जो होते हैं ना गवर्नमेंट अगर सही तरीके से जब कंट्रोल नहीं कर पाते तब होते याद रखिएगा आप ये सारा चीज़ ठीक है अभी पीछे देख रहे थे इस श्रीलंका में बहुत ज़्यादा हालत बुरा था तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो लोग क्या कहते हैं कि सामान जब बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा ना तो उसको उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा करेंसी पब्लिश करना पड़ जाएगा जिससे करेंसी डेप्रिसिएट करेंगे जो कि इकनमी के लिए ठीक नहीं है क्यों नहीं ठीक है आगे मैं आपको करेंसी के फ्लक्चुएसन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी लिंक करा के दिखाऊंगा अब आप मुझे बताइए तो गवर्नमेंट चाहते हैं इसको रिड्यूस करें इसको क्या करना चाहते हैं रिड्यूस करना चाहे अब रिड्यूस कैसे कर लेगा अभी हमने क्या बोला ध्यान से देखिएगा इन्फ्लेशन कब ज़्यादा होता है जब सामान महंगा होता है सामान कब महंगा होता है जब लोगों के पास ज्यादा पैसे हो जाता है बिल्कुल सिंपल से फंडा है आपके पास अगर सामान पैसे ज्यादा है तो किसी चीज के लिए आप ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाओगे अगर आपके पास पैसे नहीं है डिमांड कम कर दोगे ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है डीमोनेटाइजेशन के टाइम का डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर लोगों के पास पैसे कम थे देखना ऑटोमेटिकली डिमांड को डिफर कर दिया डिमांड डिफर किया अरे अभी जरूरत की चीजें कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे क्योंकि पैसे अभी है नहीं तो ऑटोमेटिकली देखना एकदम से आपका इन्फ्लेशन क्या हुई थी वहां पर कम हुई थी क्यों हुई थी क्योंकि हमने डिमांड को पोस्टपोन कर दिया डिमांड क्यों पोस्टपोन किया अरे कोई बात नहीं जरूरत कीजिए बहुत जरूरत है उसको यूज कर खरीदते हैं जो कम जरूरत की उसको बाद में खरीद लेंगे अगर आपका डिमांड अगर पीछे हट जाए खरीदने वाले इंसान अगर पीछे हट जाए सामान ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा ठीक है गवर्नमेंट क्या सोचते हैं पता है इन्फ्लेशन रिड्यूस करने के लिए लोगों के हाथ से पैसे छीन लो सिंपल लोगों के हाथ से पैसे छीन लो कैसे पैसे छीना जाए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो ठीक है ध्यान सुनिएगा ये एक्शन है इन, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया कि इंटरेस्ट रेट को क्या कर दो बढ़ा दो मैं तो बोला ऐसा क्या होगा लोग अपने जरूरत की चीजों को ना थोड़ा सा डिफर कर देंगे बोलेंगे अरे अभी ना पैसे ज्यादा मिल रहा है डिपॉजिट से कुछ दिन डिपॉजिट कर देते हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर ज़्यादा पैसे गया बैंक में अगर ज्यादा सर्कुलेशन में पैसे गया तो लोगों के हाथ में पैसे कम हो गया यहाँ पे एक एक करके नहीं देखा जाता है ये पूरा ओवरऑल जो आरबीआई में बैठा हुआ है ना पूरा ओवरऑल इकोनॉमिकली सोचता है अच्छा बैंक में अभी कितने पैसे मान लीजिए हमारे को लगता है कि बैंक में अभी दो लाख करोड़ है अगर मैं बैंक का फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़ा दूँ तो दो लाख करोड़ से ढाई लाख करोड़ पे पहुंच जाएगा तो क्या कहीं ना कहीं करेंसी के सर्कुलेशन तो कम हो गई ना पब्लिक के बीच में तो अगर लोगों के हाथ से पैसे छीन लिया तो पैसे कम है तो क्या कर दिया वो कुछ लोग दिनों के लिए उन लोगों ने अपने जो जरूरत की चीज है ना कहते कोई बात नहीं थोड़ा दिन के लिए डिपॉजिट कर देते हैं जब ज्यादा पैसे हो जाएगा तब खरीदेंगे तो फिलहाल के लिए तो डिमांड कम हो गई ना तो फिलहाल के लिए डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ये सोच रखता है गवर्नमेंट लेकिन इसका इम्पैक्ट रातों रात नहीं दिखता याद रखना इसके इंपैक्ट दिखने में टाइम लग जाता है कभी कभी छः छः महीने एक एक साल लग जाता है और जब तक इम्पैक्ट दिखते तो उसका रिवर्स हो चुका होता है इसलिए ये सब चीज़ जो होती है ना इतना आसान नहीं होता है गवर्नमेंट लेवल पर बैठ के सोचना ठीक है वापस आइए इतना तो समझ आ गई यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि देखिए गवर्नमेंट का एक्शन होता है कि आपको क्या करना है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना है टू रिड्यूस लिक्विडिटी पोजिशन ये लिक्विडिटी को जानना बहुत ज़रूरी है ठीक है कुछ लोग अमीर होते हैं जेब में पैसे नहीं होते हैं। अमीर हैं जेब में पैसे नहीं है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है ठीक है अमीर नहीं भी है पैसे जेब में बहुत ज्यादा है लिक्विडिटी बहुत अच्छा है है ना जैसे खास करके क्या कहते हैं लॉकडाउन के बाद जो है ना मार्केट में लिक्विडिटी बहुत हुई थी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गया था अब ये सब चीज पता होना चाहिए क्यों बताइए लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के जस्ट बाद इंटरेस्ट रेट एकदम से कम किए गए क्यों करना है गवर्नमेंट तो कहते अरे भाई इन्फ्लेशन तो कम हो गई अब तो हम इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा के रखे हम इंटरेस्ट रेट क्या कर देते हैं कम कर देते हैं इंटरेस्ट रेट कम करेंगे क्या होगा बताओ लोग अपने पैसे सब निकाल लेगा वहाँ से बैंक में रखेगा ही नहीं पैसे भाई तो बैंक में नहीं रखोगे पैसे तो करोगे क्या बाहर लगाओगे या तो कंज्यूम करोगे कोई बात नहीं जीडीपी बढ़ेगी कंज्यूम करो वैसे भी जो सामान स्टॉक में पड़ा हुआ है वो कोई खरीद नहीं पा रहा है खरीदो तुम अच्छी बात है कंजम्पशन होगी जी डी पी तो ऐसे ही बढ़ानी है ठीक है और दूसरा क्या हो गया बताइए एक तो क्या कहते हैं और नहीं अगर कंज्यूम नहीं करोगे तो कहीं लगाओगे कहीं लगाओगे कुछ अपना काम करोगे कुछ सामान बनाओगे कुछ प्रोड्यूस करोगे तब भी हमारा जीडीपी बढ़ेगी तो जैसे ही इन्फ्लेशन कम होते हैं ना तो गवर्नमेंट के पास एक एक जो एक रास्ता खुल जाता है इंटरेस्ट रेट कम करने का आप जाके चेक करिए अभी लॉकडाउन के जस्ट बाद बैंक में फिक्स डिपोजिट पर कितने रेट मिल रही थी चार परसेंट बिल्कुल सही बोला है तीन थ्री पॉइंट फाइव परसेंट तक भी दे रहे थे अभी देखो कहाँ पहुँच चुके हैं फिक्स डिपॉजिट की रेट मैसेज आ रहा होगा आप लोग के एट परसेंट तक पहुँच चुकी है आठ परसेंट तक पहुँच चुकी है पिछले छः महीने के अंदर दो तीन बार फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़ चुकी है इसका मतलब समझ जाइए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ रही है जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बढ़ा रही है अब देखना जो लोग फिक्स डिपॉजिट नहीं करता था अब फिक्स डिपॉजिट की तरफ लोगों की सोच जो है ना बढ़ चुकी है अब आपको देखना फिक्स डिपॉजिट बैंक में अच्छा खासा हो रहे है जो सीनियर सिटीजन वगैरह जो पहले पैसे कहीं और लगा रखा था वो तो सब फिक्स से कहाँ फिर से कहाँ डाल रहा है बैंक में तो ये चीज जो है ये प्रोसेस चलते रहती यही मैंने बोला है कि देखिए हाँ लिक्विडिटी की बात हो रही थी अगर आपके हाथ में पैसे बहुत ज्यादा है लिक्विडिटी क्या है बहुत ज्यादा है क्योंकि सारे बैंक से पैसे निकल गए थे और वो लिक्विडिटी की वजह से यह स्टॉक मार्केट इतना ऊपर गया तो हम आगे आपको लिंक कराएंगे ठीक है लिक्विडिटी का मतलब हाथ में बहुत ज्यादा कैश होना लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छा है कैश हाथ में नहीं है लिक्विडिटी पोजीशन खराब है ठीक है तो लिक्विडिटी पोजीशन को लिक्विडिटी पोजीशन को डिक्रीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं जैसे अभी अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़े जा रहे हैं ताकि लोगों के हाथ में पैसे कम हो जाए लोग सोच रहा हो कि आज जो सामान खरीदना है अरे कल खरीद लेंगे कुछ दिन के लिए हम पैसे डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा लेते हैं बात समझ में आ गए चलो आप इन्फ्लेशन में डिक्रीज इन्फ्लेशन तो डिक्रीज होगी लेकिन इससे जीडीपी पे अफेक्ट आएगा एडवर्स अब सोचो ये कैसे आया सोचिए कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है अभी इससे इंपैक्ट जीडीपी पे नेगेटिव जाएगा देखो जितने भी फॉरकास्ट आई है ना अभी जीडीपी की पिछले क्वार्टर के सब घटा चुके हैं जी डी की अब यह सब चीज आपको न्यूज कहां मिलेगा जी बिजनेस सी एन बी सी आवाज ई टी नाव इन सब पे जाइए ये सब न्यूज आपको मिलते रहेंगे जब अभी जब ये मॉनेटरी पॉलिसी अभी आई थी पीछे पीछे तो जितने भी जो जीडीपी को फॉरकास्ट करने वाले इवन आरबीआई ने भी इंडिया के जीडीपी को डिक्रीज कर दिया था जो कि पीछे बढ़ाया हुआ था क्योंकि ये लोग फॉरकास्ट करते हैं कि हमारे जीडीपी कितना होगा जीडीपी नहीं बताते याद रखिएगा जीडीपी को ग्रोथ बताते हैं जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ में डिफरेंस है क्योंकि जीडीपी तो इंडिया कितना चल रहा है डॉलर थ्री ट्रिलियन डॉलर थ्री ट्रिलियन वो एक ट्रिलियन का मतलब वन लाख करोड़ तीन थ्री ट्रिलियन है रुपी के टर्म में कितना होगा अस्सी का रेट चल रहा है आज के रेट में थ्री मल्टीप्लाई मोटा मोटा टू फोर्टी लाख करोड़ ढाई सौ लाख करोड़ के आसपास है अभी के डेट पे जीडीपी तो कोई जीडीपी बोलता है तो टू फोर्टी लाख करोड़ आना चाहिए दिमाग में जीडीपी ग्रोथ बोले तो पांच परसेंट बढ़ रही है छह परसेंट बढ़ रही है सात परसेंट बढ़ रहा है वो बोलना चाहिए आपको ठीक है तो आइए आगे हम क्या बोल रहे हैं अच्छा जी के ग्रोथ कितना होने वाला है सब ने अपने फॉरकास्ट को घटा दिया है क्यों घटा दिया है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है ठीक है इन्फ्लेशन बढ़ने से गवर्नमेंट इंटरेस्टेड क्या किए जा रहा है बढ़ाया जा रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अब देखो क्या होता है पैसे कहां जा रही है बैंकिंग चैनल में तो लोगों के हाथ में पैसे क्या हो रही है कम हो रही है लोग कंजम्पन कम करेगा जो सामान खरीदना है कहते कल खरीद लेंगे डेफर करेंगे अपने अब जो जरूरत की चीजों के तो कंजम्पन जैसे ही कम होगी तो प्रोडक्शन कैसे क्यों करेगा कोई मान लीजिए कोई सामान बिकेगा नहीं तो बनाएंगे क्यों ठीक है क्योंकि इकोनॉमी तो इक्लिबीडियम पे चलता है आपने सबने पढ़ रखा है तो यही चीज है तो इससे जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आता है निगेटिव यही चीज हमने यहां पर दिखाने की कोशिश किया कि देखो ध्यान से पब्लिक है इसने क्या करा बैंक में पैसे डाला डिपॉजिट ज्यादा किया क्यों किया क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या किया गया था बढ़ा दिया गया था अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों ने पैसे बैंक में ज्यादा रखा और लोन कम लेते हैं उस केस में जब रेट बढ़ जाता है ना तो लोन कम लेता है यानी कि यहां पे मनी सर्कुलेशन घटा है दोनों तरफ से देखो पैसे गया बैंकिंग चैनल में आया कम क्योंकि लोन कम लेना चाहते हैं जब रेट ज्यादा होता है तो ठीक है तो इसकी वजह से पब्लिक के हाथ में मनी का सर्कुलेशन कम हो जाता है क्योंकि बैंकिंग चैनल में पैसे ज्यादा चला जाता है लिक्विडिटी कम कर देते गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या चाहता है लिक्विडिटी को डिक्रीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है लिक्विडिटी जैसे डिक्रीज होगी तो अब आप मुझे बताइए पैसे कम है हाथ में तो कंजम्पशन कम हो जाएगी और कंजम्पशन कम होगी तो जीडीपी घटेगी ठीक है कॉमोडिटी प्राइस डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू रिड्यूस्ड डिमांड इन्फ्लेशन में इन डिक्रीज इसीलिए तो इन्फ्लेशन कह रहे हैं कि डिक्रीज हो सकता है मे डिक्रीज अब होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है दो दिन चार पांच महीने छह महीने में कितना सिचुएशन आता है ठीक है इतना जानना बहुत जरूरी है अगर इतना भी ना पता हो ना तो डब्बे वाले चार्टेड अकाउंटेंट या सी में मत बनो मैं आपको बताऊं ये सारा चीज मैं सीए बनने के बाद भी नहीं इतना कुछ भी नहीं समझ आता जब भी जब बिजनेस चैनल पे यही सब डिस्कशन कर रहे होते थे मॉनेटरी पॉलिसी आना है वो कहते कि ये होगा इन्फ्लेशन इतना है यूएस में ये चल रहा है जापान में ये चल रहा है कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो ये सब चीज इतना एटलीस्ट आपको ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज है लेकिन जो आप लोगों ने पहले से इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना वहाँ ध्यान कभी इकनमी पर नहीं होता था आपका आपका ध्यान होता था कि क्वेश्चन कैसे हम लिख के आए बहुत सारे चीज होता है ये सब पढ़ा हुआ है आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में है ना लेकिन उस टाइम आपके जो लेवल होती थी ना समझने की वो समझने के लेवल नहीं होती थी वो लिखने की कि हमें क्वेश्चन में कितना लिखना है क्या करना है लेकिन आज की इस चीजों को समझना है आपको कि क्या हो रहा है ये कंट्री के अंदर आगे बढ़िए इसी तरीके से आपको इन्फ्लेशन लो में आपको एक मिनट में समझ आ जाएगी इन्फ्लेशन अगर कम है जैसे आपका लॉकडाउन की बात की जस्ट बात की सिचुएशन समझो आर ने सीधा रेट कम करते गए कम करते गए इतना कम कर दिए कि आप इमेजिन कोई फिक्स डिपॉजिट तो करना ही नहीं चाह रहे थे सब लोग अपने पैसे रखना है तो क्या करेंगे लोग क्यों कर रहे थे ऐसे कि गवर्नमेंट चाहते थे कि आपके जेब में पैसे हो और आप कंज्यूम करो सामान खरीदो क्योंकि लोग नहीं खरीद पा रहे तो तो यही चीज़ कह रहे हैं कि डिक्रीज कर देता है इंटरेस्ट रेट को जो कि लॉकडाउन के जस्ट बाद किया गया था आप लोगों के सामने है और ये आपने फील किया हुआ है इफेक्ट क्या होता है जी इंक्रीज होगी जीडीपी बढ़ाना और इतना ही नहीं आप लोगों ने देखा होगा स्टिमुलस पैकेज देखो सीधा लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दिया जाता है सुना होगा आप लोगों ने स्टिमुलस पैकेज लेके आए थे मोदी जी भी लेके आए थे कितने का बीस लाख करोड़ का क्या बात है ग्रेट बीस लाख करोड़ का ये दूसरी बात है कि बीस लाख करोड़ उन्होंने घुमा फिरा के आपको काउंट करवा दिया कि देखो आपके हाथ में बीस लाख करोड़ गया भाई कैसे गया बीस लाख करोड़ कहते देखो हमने हाँ लोन जो दे रहे थे ना कहते कि हमने लोन भी अगर सस्ते रेट पे दिया तो आपके हाथ में ही डाला ना उसको भी उन्होंने क्या कर दिया स्टिमुलस पैकेज में डाल दिया लेकिन लोग क्या कहते थे कि अरे भाई नहीं वो नहीं होता है पैकेज भाई आप कितना फ्री में दे रहे हो वो मानेंगे हम लोग जैसे यूएस में होता है खास करके यूएस में क्या होता है अगर कभी स्टिमुलस पैकेज लेके आना है तो गवर्नमेंट क्या करते सीधा फ्री में सबके अकाउंट में पैसे डाल देंगे जाओ खर्चा करो आप खर्चा करोगे क्या हो जाएगा जी हमारा क्या होगा बढ़ेगा तो फ्री में पैसे डाले जाते तो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहा था कहते भाई लोन देने को तुम स्टीप पैकेज कह रहे हो तो आर बी यहाँ गवर्नमेंट क्या कहता है अरे भाई हमने लोन भी दिया तो आपके हाथ में तो पैसे गए ना तो इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया और उसको कितना पहुँचा दिए बीस लाख करोड़ ठीक है तो चलो कोई बात नहीं गया तो हाथ में हाथ सॉरी पैसे तो वही चीज़ कह रहे कि क्यों पैसे दिया जा रहा है क्योंकि जीडीपी इंक्रीज होगी कैसे इंक्रीज होगी देखो इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया गया कम ठीक है लोग क्या करने लग गए बोरिंग ज़्यादा करने लग गए सस्ता होने की वजह से डिपॉजिट कहता है क्यों करेंगे तीन चार परसेंट पर कौन जाता है डिपॉजिट करने सस्ता रेट मिल रहा है इंटरेस्ट बहुत लोन ले लो लोन भी आया डिपॉजिट भी कम किया तो अल्टीमेटली देखो दोनों तरफ से पैसा किसके हाथ में ज़्यादा है पब्लिक के हाथ में ज़्यादा है क्यों उस पैसे को क्या करेगा या तो कंज्यूम करेगा या प्रोडक्शन में यूज करेगा या तो कुछ सामान बनाएगा या तो कंज्यूम करेगा भाई प्रोडक्शन करोगे तो भी कंजम्पशन करोगे तो भी कहीं ना कहीं हमारा इकनॉमी इक्विडियम पे चलता है तो इन दोनों तरफ से हमारा जीडीपी क्या होगा इंक्रीज होगा तो एक चीज हमेशा याद रखना जब भी कोई इकोनॉमी क्रैश करता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले लोगों के हाथ में पैसे डालना चाहता है समझ में आ गई बात जिसको स्टिमुलस पैकेज भी बोलते हैं किसी तरीके से नाम दे दो और आपको मैं बता दू दो हजार आठ की बात किया था कुछ देर पहले टू थाउजेंड एट में क्या हुआ था यूएस गया था रिसेशन में उनकी इकोनॉमी बहुत ही बुरे हाल में चले गए है। उस टाइम पे तो न्यूज इतना आया थे कि प्लस एम्प्लॉई को छुट्टी पे भेज दिया छह महीने के लिए भाई हम तुमको सैलरी नहीं दे सकते अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सैलरी तो देने पड़ेंगे ना तो यूएस गवर्नमेंट क्या कहते है? नहीं छह महीने की छुट्टी पर भेज रहा हूं तुम लोगों को मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा ये इतने तक सिचुएशन आ गई थी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई को भी सैलरी नहीं मिली तो कैसे किया उन लोगों ने इंटरेस्ट रेड कर दिया जीरो यूएस ने इंटरेस्ट रेड कितना कर दिया जीरो बताइए लो को लेते फ्री में पैसे लो बस पैसे बट ये एक चीज़ याद रखिएगा जब भी जीरो परसेंट कोई भी रेट बोला जाता है ना वो रेट होता है जो सेंट्रल बैंक किसको देता है कमर्शियल बैंक को पब्लिक को नहीं पब्लिक को फ्री में नहीं मिलेगा आर यानी कि फेडरल रिजर्व क्या कहता है फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक हो गए वो कहते हैं कि लो भाई तुम्हें उसको फेडरेट बोलते हो उसको तो कहते फेडरेट हमने जीरो कर दिया सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मैं फ्री में पैसे दे रहा हूँ सेंट्रल बैंक कहता है यानी कि आरबीआई कहता है एसबीआई को ले फ्री में पैसे लो तुम दो लोगों को लेकिन तुम फ्री में मत देना कुछ तो इंटरेस्ट लोगे ना लेकिन लेगा कितना एक दो परसेंट ले लिया तो भी बहुत ज्यादा है तो अगर सस्ते रेट पे लोन मिलने लग जाते हैं तो लोग कंजम्पशन भी करने लग जाता है ठीक है आपने देखा होगा लॉकडाउन के जस्ट बाद बाइक नहीं मिल रही थी शॉर्टेज लोन सस्ता लोगों को लग रहा है कि अब कैसे हम ट्रैवल करें चलो सब अपना व्हीकल ले लेते ले हैं बाइक की हमेशा शॉर्टेज दिख रही थी मार्केट में खास करके टू व्हीलर्स की शॉर्टेज थी क्योंकि फोर व्हीलर पे तो लोग उतना क्योंकि जब थोड़ा सा जरूरत की चीज लगती है तो लोग टू व्हीलर्स पे पहले जाते हैं तो टू व्हीलर्स की शॉर्टेज मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई थी ठीक है तो वह सब चीज़ है तो वापस आइए तो जहां भी देखो आप जिस जिस भी इकोनॉमी के देखना इकोनॉमी जब बुरे सिचुएशन से जब जाते हैं तो सबसे पहला काम करते है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देते हैं लोगों के हाथ में फ्री में पैसे डाल देते ताकि कंज्यूम करो प्रोडक्शन हमारा चलेगा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन को लो करके रखना ताकि हमारे करेंसी बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट ना हो जीडीपी को बढ़ा के रखना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और दोनों चलता है उल्टा इसीलिए इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए परचेजिंग पावर ज़्यादा होता है हाई इन्फ्लेशन होगा तो परचेजिंग पावर लो हो जाएगा कैसे मान लीजिए मेरे पास कैश जितना है उससे कम सामान खरीद पाऊंगा तो मेरा परचेज करने का पावर कम हो गया इन्फ्लेशन जब ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा परचेज करने की पावर आपका क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम है तो सेम पैसे से ज्यादा सामान खरीद पाएंगे तो हमारा परचेज करने की पावर जो है ना उसका ज्यादा हो जाएगा ठीक है ऑलरेडी हमने इससे बहुत डिस्कशन कर लिया फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ टू करेंसीज नॉन एज एक्सचेंज रेट दो कंट्री के करेंसी के क्वांटिटी जैसे हमने क्या बोला है डॉलर की क्वांटिटी है ये रुपीज की क्वांटिटी है दो करन, करेंसी के क्वांटिटी का रिलेशनशिप यह बोला जाता है एक्सचेंज का रेट ठीक है नॉर्मली स्ट्रॉन्गर करेंसीज आर कोटेड इन वन यूनिट टर्म एंड वीकर करेंसीज आर कोटेड इन हंड्रेड यूनिट टर्म्स ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूं यह ध्यान से देखिएगा इधर मैं आ गया थोड़ा देर के लिए मैं गया एनएससी की वेबसाइट पे था थोड़ा देर पहले देखिएगा ध्यान से ये कुछ कोटेशन दिया गया यहां पर कहा था यहाँ पे आ, आ गए देखो ध्यान से क्या लिखा है एक डॉलर वन रुपीज एटी वन ये आरबीआई कोटेशन देता है हर दिन फ्लक्चुएशन होते हैं फ्लक्चुएशन कैसे होते हैं आगे बताएंगे डिमांड सप्लाई से डिसाइड होते हैं कैसे डिमांड सप्लाई से डिसाइड होते हैं मैं आपको दिखा दूंगा डिमांड सप्लाई के साथ अच्छा आप लोगों ने दिखाई दिखा पाएंगे क्योंकि आपके टाइम पे मार्केट ओपन नहीं होता है मार्केट जब ओपन होती है तो उस टाइम हम देखते हैं कैसे फ्लक्चुएट हो रहा होता है अरे ये तो बड़ी मुश्किल है अरे बाबा ये कैसे होगा बताओ ये क्योंकि मैं नॉर्मल इवनिंग बैच कभी लेता नहीं हूँ अभी तो इससे पहले एक बैच लिया था पीछे जब न्यू सिलेबस आया था उस टाइम और फिर उसके बाद अभी ले रहे टू थाउजेंड के बाद फर्स्ट टाइम मैं इवनिंग में ले रहा हूँ बड़ी दिक्कत है अरे लेना तो मॉर्निंग में ही था बट कुछ इशूज़ आ गए थे इसकी वजह से और मॉर्निंग की वजह से आप लोग कम जो है ना भी वो इवनिंग की वजह से क्योंकि मैंने कम से कम पंद्रह सोलह स्टूडेंट तो सारे जो पहले से रजिस्टर्ड थे वो किस में कन्वर्ट किया सब ने रिकॉर्डेड में रिकॉर्डेड में हाँ रिकॉर्डेड लेंगे वो लोग क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाता है जब मार्केट आवर नहीं होती है ना तो डेरिवेटिव को समझना क्योंकि डेरिवेटिव मुझे ट्रेड करके दिखा के ऑर्डर प्लेस करके फ्लक्चुएसन देखना होता है देख लेंगे कैसे करना है ठीक है मैनेज करेंगे उसको अभी तो चलते हैं हम लोग कहाँ थे हाँ जी एटी वन एटी एट कितने का है यूरो वन का ये कितने का है नाइन्टी नाइन पाउंड वन का अगला देखो अगला अगला हंड्रेड एन का कितना सिक्सटी थ्री पॉइंट सेवन सिक्स कि हंड्रेड एन का ध्यान से रखिएगा जब कोई सस्ता करेंसी होता है ना तो उनको हंड्रेड यूनिट में कोट करना मजबूरी हो जाता है क्योंकि इतना छोटा हो जाता है कि वो डेसिमल में चलने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा डेसिमल में अगर हो जाएगी ना तो फिर उसमें राउंडिंग ऑफ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लग जाता है इसीलिए जो बहुत सस्ता सामान होते हैं ना उसको हंड्रेड के क्वांटिटी में कोट किया जाता है तो यही हमने बोलना चाहे कि जो स्ट्रांगर करेंसी होगा आपका वो वन यूनिट के टर्म में कोट किया जाएगा और जो वीकर करेंसी होगा वो हंड्रेड यूनिट के टर्म में कोट किया जाता है जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिया है कि देखो एन आपको हंड्रेड के टर्म में कोट किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आगे आपको हंड्रेड टर्म में लिखा जाएगा रुपीज ये नेपलीज रुपीज है ठीक है ये आपका नेपाल का रुपीज होगा लिखा होगा मैंने ये हंड्रेड के टर्म में लिखा जाता है जब भी देखना जब भी देखना इंडियन रुपी और नेपलीज रुपीज का रेट जब भी ऑफिशियली कोट किया जाएगा ना तो वन के टर्म में होता ही नहीं वो वो हंड्रेड के टर्म में होता है तो ये हंड्रेड किसके साथ लगाया जाता है वीकर करेंसी के साथ इतना वीकर है तो चलो ठीक है वीकर करेंसी है इसीलिए हमने हंड्रेड लगा दिया इधर रहता है रुपी सिक्सटी टू पॉइंट फाइव बात समझ में आ गई अब देखो ध्यान से अगर मैं इसको ये खास करके एन पी आर में ट्रम में है क्योंकि नेपाल के भी बच्चे बैठ के देखते हैं ना तो उनको पता होना चाहिए ना कि हमारे के रेस्पेक्ट में कितना चल रहा है तो नेपलीज रुपीज़ के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो पाउंड वन चलता है रुपीज़ वन सिक्सटी का क्योंकि ये हंड्रेड कितना होता है उसका वन सिक्सटी कि हब में वन पॉइंट सिक्स इसमें इसमें इसमें, इसमें से मल्टीप्लाई कर दो ये सारे रेट आपका बन जाएगा तो मोटा मोटा नेपाल वाले स्टूडेंट को फील दिलाने के लिए कि हाँ ठीक है, हमारे करेंसी जो है पाउंड यूरोगर हेंस वी फाइंड एक्सचेंज रेट कोटेड इन वन यूनिट कोई दिक्कत नो सिमिलरली एन और एनपीआर नेपलीज रुपीज और एन क्या है वीकर करेंसीज है जेपनीज एन और नेपलीज रुपीज आर वीकर करेंसीज वी फंड एक्सचेंज रेट कोटेड इन हंड्रेड यूनिट टर्म्स आप जाओगे मार्केट में जब भी बैंक में जाओ ऑफिशियली कहीं भी जाओगे तो कितने यूनिट टर्म में मिलेगा आपको हंड्रेड यूनिट्स के टर्म में मिलेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीकर करेंसीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वान्टिटी से बहुत सिंपल क्वान्टिटी से ज्यादा क्वान्टिटी है वीक है उसका वैल्यू कम है लो क्वान्टिटी है स्ट्रांग है जैसे हमने यहाँ पे देखो इसकी क्वांटिटी कम है स्ट्रॉन्गर है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वीकर है हर जगह आप डिसाइड कर सकते हो जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए एन हंड्रेड का रुपी कितना है जैसे इसी वाले अगर रेट पे अगर हम लोग पहुँचे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सिक्सटी थ्री है किसके साथ रुपी के साथ और एन के साथ कितना है हंड्रेड क्वान्टिटी किसके साथ ज़्यादा है एन के साथ एन क्या है वीकर करेंसी है रुपी से रुपी से वीकर है अगर एक के टर्म में अगर चेक करोगे एक एन ले लीजिए कोई बात नहीं तो आप क्या करोगे पॉइंट सिक्स थ्री के आसपास आ जाएगा जो मैंने बोला था पॉइंट सिक्स फोर ओके चलो वापस आते हैं तो यही हमने बोला है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्वांटिटी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे अब आइए वापस हमने यहां पर तो कुछ चीज बताया ध्यान से सुनिएगा ये सेवेंटी फाइव है ये हंड्रेड मतलब ये एक हंड्रेड एक सेवेंटी फाइव है अब हम क्या कर रहे हैं इन दोनों के बीच में आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन दोनों के बीच में जो कि हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था याद है कुछ वही काम हम यहां पे कर रहे हैं कि अगर डॉलर एंड पाउंड के बीच में अगर हमें चेक किया जाए तो कौन स्ट्रांगर कौन वीकर बनेगा तो देखो ये स्ट्रांग है ये वीक है पाउंड स्ट्रांग है डॉलर वीक है कैसे क्योंकि इसकी क्वांटिटी अगर हंड्रेड करूंगा मैं जब क्योंकि ये हंड्रेड है ना इसको भी कंपेरेबल बना देते अगर हंड्रेड करूंगा तो ये क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली वन से ऊपर जाएगा ना क्योंकि सेवेंटी फाइव का वन है ना तो अगर हंड्रेड डॉलर का रुपी करूंगा तो ये तो डॉलर पॉइंट वन पॉइंट समथिंग जाएगा एक से तो ऊपर जाएगा ना ये तो अगर ये जाएगा वन से ऊपर जब मैं इसको कितना करूंगा हंड्रेड तो ये वन से ज्यादा हो गया ये वन है तो ये क्या हो गया बताइए वीकर करेंसी तो इसीलिए तो हमने पहले ही स्ट्रेंथ दे दिया था ना आपको स्ट्रेंथ वाइज आपको फटाफट डिसाइड हो जाएगा ना कौन स्ट्रॉगर कौन वीकर हमने क्या किया देखो सेवेंटी फाइव का डॉलर वन है तो हंड्रेड का कितना हो जाएगा बताओ वन पॉइंट थ्री थ्री तो क्या हम ऐसे बोले कि वन पॉइंट थ्री थ्री डॉलर इजिकल टू हंड्रेड रुपीज इजिकल टू पाउंड वन तो क्या हमारा एक एक्सचेंज रेट बन के आ जाएगा ये वाले ऑडिट करना है ये सब देखो बहुत बेसिक चीज है ठीक है इस सबको लिखने में बहुत टाइम लगता था इसलिए हमने सोचा कि लिखा हुआ है तो क्यों हम इतना टाइम बच्चे का ये सजेशन है कि सर लिखा हुआ अच्छा रहता है ठीक है जहां पे जरूरत है वहां पे हम टाइम स्पेंड करेंगे ना समझने के लिए तो पाउंड हो गया स्ट्रांगर डॉलर क्या हो गया बताइए वीकर ओके okay. अब आते हैं आगे क्या ये चीज होगा क्या मैं बता दूं आपको आगे हम लोग जब एग्जाम्पल लेंगे ना तो ये जो आठ नौ करेंसी का जो लिस्ट हम लोगों ने लिया है ना उसमें से किसी भी करेंसी को कहीं पे भी कुछ भी करना हो तो आराम से आप कैलकुलेटर लीजिए आप कर सकते हो इतना कैपेबल आपको बनना है तो कैसे बनेंगे देखिए ध्यान से सुनिए आप पाउंड क्या है स्ट्रांग डॉलर क्या है वीक देखो ध्यान से एक कितना है हंड्रेड उधर हमने सेवेंटी फाइव लिखा था मान लीजिए इसके बेसिस पे चलते तो ये कितना है बताइए एटी दो ही चीज हो सकता है हंड्रेड डिवाइडेड बाय एटी या एटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता समझना कुछ मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दो करेंसी के बीच में मुझे रेट निकालना है तो ये तो आपको मोटा मोटा याद होता है ना इतना तो याद हो ही जाएगा चलो देखते हैं याद हुआ कि नहीं हुआ पाउंड हंड्रेड यूरो नाइन्टी अभी अपने वाले सिचुएशन से याद रख लो नाइन्टी बट दिक्कत हो जाएगी हर जगह एग्जाम्पल में कोई बात नहीं अपने एग्जाम्पल बना लेंगे क्या दिक्कत है यूरो कितना नाइन्टी उसके बाद स्विस फ्रैंक कितना एटी फाइव ग्रेट फिर उसके बाद डॉलर कितने के अप्रोक्सीमेट एटी उसके बाद कैनेडियन डॉलर कितने के अराउंड सिक्स मैंने कितना लिख के दिया सिक्सटी फाइव नहीं सिक्सटी ही बोला होगा सिक्सटी सीधा था सिक्सटी समथिंग बट सिक्सटी याद रख लेते हैं नहीं ठीक है ऑस्ट्रेलियन डॉलर अच्छा मैंने कैनेडियन डॉलर उल्टा लिखा हुआ कि एक जस्ट मिनट जस्ट मिनट अच्छा उल्टा उस टाइम पे अलग चल रहा था ओके अच्छा ठीक है उस टाइम नोटिस नहीं किया आप लोगों ने बोलना चाहिए था बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें क्योंकि ये दोनों हमारा उस टाइम पे भी सेम था अभी आज के डेट पे क्या हो गया कैनेडियन डॉलर जो है ना थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है और ये क्या हो गया वीक थोड़ा गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने जी हाँ सिक्सटी फाइव था 60 और ठीक है कह सकते हो हमने सिक्सटी और फिफ्टी फाइव याद रखने की कोशिश किया था हमने ये रखने की कोशिश किया था ठीक है यार दोनों को सिक्सटी भी रख लोगे चलोगे वैसे भी हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उतना ज़्यादा ठीक है चलो वापस आते हैं

अगर इतना जनरल नॉलेज आपके पास होंगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस होगा वो थोड़ा ज्यादा रहता है क्वेश्चन को पढ़ते हुए टाइम समझने के लिए फटाफट समझ में आ जाता है हम जो एग्जांपल बनाते हैं उसे फटाफट दिमाग में लिंक हो जाता है स्ट्रेंथ वाइज इससे स्ट्रेंथ पे पूरा का पूरा आपका पकड़ आ जाता है जो हम अभी काम कर रहे हैं पाउंड क्या है स्ट्रांगर मान लीजिए हमने वन रखा डॉलर के साथ क्या जाएगा एक से ज्यादा एक से कम ये खास करके स्ट्रेंथ को पकड़ने में यह प्रैक्टिस जो है ना आपको बहुत काम आती है ठीक है बताइए जल्दी से एक से ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए हमारे पास दो वैल्यू है एक एटी का है एक हंड्रेड का है या तो यह हंड्रेड डिवाइडेड बाई एटी होगा या एटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड होगा आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए हंड्रेड बाई एटी ये होना चाहिए क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए ये आपको एग्जाम में नहीं पूछ रहा है ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ ना जो डर जो होते हैं ना इसी तरफ से निकलता है क्योंकि स्ट्रेंथ पकड़ में रहता है पहले से हमारे पास ठीक है बिल्कुल सही बोला है पकड़ में आ जाएगा ठीक है एक काम करते हैं आप निकाल के भी देख लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा ये लो कौन सी रेट हम लोग ढूंढ रहे थे अभी फटाफट बोलना कौन सी रेट देख रहे थे पाउंड और डॉलर का था ना वन पाउंड का देखा था ना हम लोगों ने जी बी पी यूएसडी ग्रेट यू क्या कह रहा है ये कहाँ चला गया मैंने कुछ गलत लिखा क्या जी बी पी यू ठीक तो लिखा है वन पॉइंट टू के अराउंड कुछ बोल रहा है हमारा कितना आ रहा था मुझे मोटा मोटा क्योंकि हमने एग्जैक्ट रेट थोड़ा ना लिया है कितना बोला आप लोगों ने बताओ वन पॉइंट थ्री थ्री के अराउंड तो ठीक है वन पॉइंट टू के आसपास चल रहा था ना कोई बात नहीं अच्छा टू फाइव आ रही क्या ओके देखो उसी के आसपास तो फिर वहाँ कैसे बदल गया था अच्छा वो रेट कुछ और था ना सेवेंटी फाइव के रिस्पेक्ट में था ठीक है चलेगा बहुत बढ़िया एक काम करते एक दो और प्रैक्टिस करिए आप लोग ये सब नीचे करा हुआ है हमने किया हुआ है मैं लेता हूं यूरो का और यूरो का लेता हूं चलो सी एन वाई के साथ ध्यान से देखो मैं दो करेंसी का रेट निकालना चाह रहा हूं थोड़ा स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करे और कुछ नहीं है एक है यूरो, एक है चाइनीज युआन अप्रोक्सीमेटली टेन के अराउंड है ना ठीक है और यूरो कितने का अराउंड नाइन्टी डॉलर एटी यूरो नाइन्टी पाउंड हंड्रेड बहुत आसान दस दस की गैप में चल रहे हैं ठीक है बाकी कैनेडियन डॉलर सी एच एफ सब बोल जाओ कोई बात नहीं चलेगा तो आप मुझे बताइए अब मैं जब रेट पूछ रहा हूं तो मैं आपको पूछता हूं वन यूरो का समथिंग ठीक है वन यूरो का सी एनवाई कितना होगा तो सबसे पहली बात यूरो स्ट्रांग सी एनवाई स्ट्रांग यूरोग सी एन वाई वीक क्वांटिटी क्या जाएगा इसका ज्यादा भाई तो एक चीज बताओ दो है इसमें एक है टेन और एक है हमारा नाइन्टी देखो एक रेट चल रहा है नाइन्टी का ये वाले हमारे रूपी के साथ एक रेट चल रहा है दस रुपए का अराउंड ठीक है तो अब दो चीज होता है या तो नाइन्टी बाय हंड्रेड होगी या हंड्रेड टेन बाई नाइन्टी सॉरी नाइन्टी बाय टेन या टेन बाय नाइन्टी अब देखो ये वैल्यू तो छोटा जाएगा और अभी आपने क्या बोला है दिस वैल्यू शुड भी ग्रेटर देन वन क्योंकि ये हमने कितना लिया है वन अगर ये ले लिया तो ये तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाइज क्या है वीकर करेंसी है तो इसका तो वैल्यू कितना जाना चाहिए वन से ज्यादा तो आप मुझे बताइए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि तो लेस देन वन हो जाएगा इसका मतलब ये वैल्यू आना चाहिए तो नाइनटी डिवाइडेड बाई टेन कितने के अराउंड जाएगा बताओ नाइन के अराउंड hmm. चलो चेक करते हैं यूरो एंड सी एन वाई है, है ना ठीक है चलते हैं भाई आजा आ जाए इधर ये देखते हैं ई यू आर Euro, uh, e -U -R, yeah. किसके साथ सी एन वाई ग्रेट सी एन वाई देखते हैं भाई क्या कह रहे हो तुम कह रहे देखो आठ के अराउंड सेवन पॉइंट समथिंग कोई बात नहीं हमने लिखा था कितने क्योंकि हमने एग्जैक्टली याद भी तो नहीं रखा है ना क्योंकि ये चल रहा है अभी ट्वेंटी ट्वेल्व के आसपास चल रहे हैं ना है? ऑटोमेटिकली तो थोड़ा सा कम हो जाएगा हमने नाइन वाला कोई बात नहीं चलता है तो स्ट्रेंथ वाइज क्या हम सही हो गए चलिए क्लास प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर उसके बाद काम चल जाएगा यह सब अगेन रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम की लिए कोई चीज नहीं है हमारे लिए बट आगे जब हम एग्जाम्पल लेते हैं उसमें फटाफट पकड़ में आ जाता है अब हम ले लेते हैं डॉलर एंड एन एं। ठीक है एक लेते हैं डॉलर एक लेते हैं हम लोग एन जापनीज एन चलो एक काम करते हैं डॉलर ऐसा करते हैं एन वन का मैं डॉलर में निकालता हूं ज्यादा आएगा कम आएगा ध्यान से देखो डॉलर की क्वांटिटी डॉलर की क्वांटिटी ज्यादा आएगा कम आएगा कम आएगा क्यों क्योंकि क्यों डॉलर स्ट्रांग करेंसी है अब देखो रुपी के साथ रेट तो हमें पता है इनका कितने के आसपास चल रहा है सिक्स फोर अब ये देखो ए पॉपुलर करेंसी का रेट तो मोटा मोटा तो याद होना चाहिए सिक्स फोर के आसपास डॉलर कितने के आसपास चल रहा है एटी के आसपास पॉइंट सिक्स फोर डिवाइड बाई एटी होगा एटी डिवाइड बाई पॉइंट सिक्स फोर होगा दो ही हो सकता है ये क्या होने वाला है बताइएगा जल्दी से ये कम होने वाला है ज़्यादा ये स्ट्रोंगर है तो कम होना चाहिए तो कम कैसे होगा छोटा वैल्यू ले लेंगे तो पॉइंट सिक्स फोर डिवाइडेड बाई एटी तो ये ले लो कितना आ गया बताइए पॉइंट सिक्स फोर डिवाइडेड बाई एटी कितना आ गया बताइए पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो एट चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं बाई एन के लिए तुम क्या कहते हो सी एन वाई नहीं होगा जे पी वाई होगा जैपनी जेन था हमारे लिए जेपी वाई का हमने किया था जे पी वाई का किस में ले रहे थे यूएसडी के टर्म में यूएसडी के टर्म में ठीक है कह रही कि देखो जीरो जीरो सेवन एट मतलब जीरो जीरो एट कह सकते हैं हम लोगों ने कितना निकाला अभी जीरो जीरो एट अब इतना तो आप लोगों को पकड़ में आ जाएगा स्ट्रेंथ दो चार प्रैक्टिस करोगे स्ट्रेंथ पकड़ में आ जाएगी और अगर एक बार स्ट्रेंथ पकड़ में आ गई ना तो वो जो मुसीबत है ना क्वेश्चन के अंदर वो जो बार बार कह रहा है कि अरे इधर से इधर इधर से इधर जो बेवकूफ़ो के जैसे जो कोई सेक्शन रेट डाल रहा है उसको आपको पकड़ने में बहुत आसान हो जाएगा चलिए तो यही चीज़ था हमने यहाँ पे अभी जो बात किया कहाँ तक पहुँच चुके हैं टाइम कितना हो रहा है अभी तो है ना टाइम हाँ जी अभी तो बहुत टाइम है नहीं अच्छा चलो को, अरे कोई नहीं चलता है तो चार पाँच मिनट लेट आए अभी तो थे कोई नहीं आगे से लेट नहीं होंगे कहाँ थे हम लोग कहीं तो थे ठीक है एक बार कम कहीं तक तो हम पहुंचा देना इसको हाँ यहीं पे थे ये देखो ये आप लोग कैलकुलेसन करने आ गए तो ये हमने इसी तरीके से किया कि देखो डॉलर और पाउंड के साथ करना होगा तो पाउंड स्ट्रांगर एंड डॉलर क्या हो गया हमारे लिए वही करिए ऑटोमेटिकली किया होगा हाउ डज एक्सचेंज रेट डिसाइड्स एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है ऑलरेडी बता चुका हूं मैं समराइज कर देता हूँ फिर छुट्टी करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी ये कहता है कि प्रोडक्ट जो होगा ना किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस किसी भी कंट्री में चले जाओ आपको सेम मिलेगा परचेजिंग पावर पैरिटी ये कहता है कि सेम प्रोडक्ट का प्राइस किसी भी कंट्री में चले जाओ क्या मिलेगा आपको सेम मिलेगा हमने बोला कि एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है कोई एक्स वाई जी प्रोडक्ट जो है कोई उसका इंडिया में प्राइस चल रहा है सेवन फिफ्टी का यूएस में है डॉलर टेन का ये ऐसे याद रखना ये कभी कभी बीच में ना ये रफ वाले रह गया है ठीक है तो ये जब आप लोग रीड कर रहे होंगे आपके आंसर से तो उसमें क्या कर देना है इसको कट कर देना वो गलती से रह गया है ठीक है ओके तो ये डॉलर हो गया तो एक्सचेंज रेट कितना हो जाएगा बताओ वेरी सिंपल सेवेंटी फाइव का यही तरीका है एक्सचेंज रेट ऐसे डिसाइड होता है कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्सचेंज रेट से प्राइस डिसाइड होता है नहीं परचेजिंग पावर पैरिटी कहता है किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस से हम लोग क्या डिसाइड करके देंगे आपको एक्सचेंज रेट यानी कि प्राइस पहले एक्सचेंज रेट बाद में है जो कि हम उल्टा समझ के चलते हैं ठीक है सिमिलरली वी कैन डिराइव रेट टू बी कोटेड इन यूएस ए आल्सो अब ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला था ये बहुत काम की चीज़ थी ये जो एक्सचेंज रेट हमने डिसाइड किया है ना वो कहाँ पे कोट किया गया होगा क्योंकि तो इंडिया में जो कोट किया जाता है ना एक चीज याद रखना हमेशा जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे लिए कॉमोडिटी है इंडिया में डॉलर जो है ना कॉमोडिटी है खरीदने बेचने की सामान है ये तो अगर इंडिया में ट्रेड किया जाए अगर रेट कोई देगा तो डॉलर का रेट देगा आप मुझे बताइए यूएस में जो रेट कोट करके देगा तो वहां भी तो परचेजिंग पावर पैरिटी ही चलेगी ना परचेज करने की पावर कितना है किसी सामान का उसकी पैरिटी इक्वालिटी कर देंगे और वहां से डिसाइड होगा तो इंडिया में अगर परचेजिंग पावर पैरिटी अप्लाई हो रही है तो क्या यूएस में कुछ और रूल अप्लाई होगा यूएस में भी वही चलेगा आप मुझे बताइए यूएस में वहां पे भी तो प्राइस यही होगा इंडिया में यही वाले प्राइस होंगे तो यूएस में कौन सी रेट करेंसी को कोट किया जाएगा इंडिया में डॉलर को नहीं कोट किया जाएगा सॉरी गलत बोला मैंने यूएस की बात हो रही थी यूएस में डॉलर को नहीं कोट करेगा यूएस में डॉलर प्राइस में होगा ध्यान से रखिएगा तो यही हम बोल रहे हैं कि अगर कोई ये कहते कि यूएसए में क्या रेट होगा अगर के ये जानना चाहता है तो क्या रेट होगा बताइएगा वो कहते देखो पैरिटी तो यही है तो अगर रूपी वन रखूंगा तो डॉलर कितना बनेगा टेन डिवाइडेड बाय सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी अगर सेवन फिफ्टी का 75 फाइव का रेट होता तो तो आप मुझे बताइए अगर बट ये तो वीकर करेंसी है कौन सी रुपी तो वीकर करेंसी है तो आप मुझे बताइए वीकर करेंसी को तो हंड्रेड के टर्म में कोट किया जाता है आप यूएस में जाइए रुपी वन का रेट नहीं मिलेगा रुपी हंड्रेड का रेट मिलेगा जैसे हमें यहां पे जा, जापनीज एन हंड्रेड का रेट मिलता है यहां बैंक में बैंक में जाइए वेबसाइट पे जाइए कहीं भी जाइए तो वैसे ही जब यूएस पहुंचोगे ना तो वहाँ रुपी हंड्रेड का रेट मिलेगा आपको तो आप मुझे बताइए रुपी अगर वन है इतना तो हंड्रेड कितना बनेगा इस तरीके से तो क्या आप मुझे बताइए रुपी हंड्रेड का डॉलर वन पॉइंट फिफ्री रेट मिलेगा ये कहाँ मिलेगा यूएस में एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए यूएस में जो भी रेट कोट किया जाएगा उसका प्राइस डॉलर में होंगे इस तरीके का रेट कहीं मिल रहा है तो वो यूएस में मिलेगा लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर क्या करेगा पता है रूपी वन का डॉलर पॉइंट जीरो जीरो वन थ्री थ्री लिख के दे देगा बात समझ में आ गई कुछ तो अब आप ये मत बोल देना क्योंकि ऐसा भी रेट आपको मिलेगा ठीक है तो हम ये जूम करके चलेंगे कि इस तरीके का रेट कोट करने वाले यूएस वाले बैंक होंगे इंडिया में ऐसा रेट नहीं मिलता है और अगर रेट ऐसा इंडिया में मिलने लग जाए तो उसको इनडायरेक्ट कोट बोलते हैं अब इनडायरेक्ट कोट क्या होता है देखेंगे आगे ठीक है तो अभी हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि यूएस में डॉलर में प्राइस होगी बाकी ये वहां का कॉमोडिटी होगा जो उसके लिए फॉरेन करेंसी होगा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो फिर आज हम लोग इतना रखते हैं एप्रिसिएशन डेप्रेशन हम लोग कैसे अप्रिसिएट डिएट होते हैं उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही टेक केयर बाय बाय कल तो हम लोग पढ़ेंगे परसों एक दिन छुट्टी लेंगे हम लोग बीच में ऐसे ही क्योंकि मुझे कुछ काम है परसों का तो कल पढ़ेंगे फिर एक दिन छुट्टी लेंगे फिर बाकी कोई छुट्टी नहीं होगा फिर उसके बाद नहीं 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 छुट्टी करेंगे तो फिर टाइम पे कैसे कंप्लीट होगा ठीक है सब पूरी पूरे सेवन डेज पढ़ेंगे जब तक मजबूरी ना हो जाए ठीक है जब, ओके भाई हाँ वो तो छुट्टी होगा उसमें कोई पढ़ा थोड़ा नहीं सकता है वो तो बाई डिफॉल्ट छुट्टी होती है